और तू नोट देता है तेरे को। भाले राव, तुम्हें कभी किसी का इनकाउंटर करना हो ना तो तुम मुझसे टिप ले लेना। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901701 पर। This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फैक्ट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार रणबीर सिंह एंड सारा अली खान की करियर के सबसे बड़ी मूवी, इसका नाम है सिम्बा। तो दोस्तों, ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी रणबीर सिंह एंड सारा अली खान के फैन हो और इनकी मूवी सिम्बा फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं। बताएंगे फिल्म की कहानी कैसे लिखी गई थी और इस फिल्म ने सन 2018 में इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई किया था, साथ ही साथ इस फिल्म में काम करने वाले मुख्य स्टार कास्ट को कितने पैसे दिए गए थे, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी किए आज की इस मूवी रिव्यू को हमें स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिम्बा फिल्म के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो दोस्तों, इस फिल्म को इंडिया के अंदर 28 दिसंबर 2018 को रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिली थी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात कर ले तो सिम्बा फिल्म को 80 करोड़ के बजट में बनाया गया था और यहीं पर इस मूवी की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों, फिल्म ने 400 करोड़ से आधे की कमाई किया था और ये फिल्म साल 2018 की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता मूवी साबित हुई थी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में। तो दोस्तों, इस फिल्म में रणबीर सिंह के साथ सोनू सूद एंड सारा अली खान अभिनय करते हुए नजर आए थे और वहीं पे बात कर ले फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो फिल्म को रोहित शेट्टी सर ने डायरेक्ट किया था और फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो भगवंता वामसी सर ने फिल्म की कहानी को लिखे थे, जो इस फिल्म की कहानी 2018 में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था। दोस्तों, वहीं पे बात कर ले फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में तो फिल्म को हीरो यश जौहर, रोहित शेट्टी एंड अपूर्वा मेहता ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे। दोस्तों, बात कर ले फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो दोस्तों, इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट एंड साथ ही साथ रोहित शेट्टी की पिक्चर एंड इस मूवी को धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तहत रिलीज किया गया था, जो 2018 की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता मूवी साबित हुई थी। इसी तरह बता दें दोस्तों, इस फिल्म में रणबीर सिंह इंस्पेक्टर संग्राम भाले राव के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए थे। सोनू सूद के बारे में हम बात कर ले तो दरवा के रूप में इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं और सारा अली खान के बारे में हम बात कर ले तो शगुन के रूप में अभिनय करते हुए नजर आई है। तो दोस्तों, ये सभी इस फिल्म में अहम रोल में नजर आए हैं। अगर आप सारा अली खान के फैन हैं और इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें दोस्तों, सिम्बा मूवी 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो रोहित शेट्टी द्वारा, यूनुस सजवाल और साथी साजिद फरहाद द्वारा इस मूवी को लिखित की गई थी और एक पटकथा से निर्देशित किया गया था, जहां पे शेट्टी की कोप जो है यूनिवर्स फिल्म फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त में फिल्म का निर्माण शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा पूर्वा एंड साथ ही बैनर जो है रोहित शेट्टी के पिक्चर के साथ साथ जो है करण जौहर, हीरो यश जौहर और अपूर्वा मेहता ने धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तहत इस फिल्म को बनाया था। साथ ही साथ इस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इसमें रणबीर सिंह के साथ सोनू सूद और साथ ही सारा अली खान इस फिल्म में नजर आए थे, जिसमें अजय देवगन एक कैमियो भूमिका में,
बाजीराव सिंघम की अपनी भूमिका को दोहराया है, जो 2015 की तेलुगु भाषा की फिल्म टेम्पर की रीमेक फिल्म जो है संग्राम सिम्बा और भाले राव का अनुसरण करती है। जो सिंघम फिल्म के शहर के लिए एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने आस पास के लोगों पर त्रासदी के बावजूद अधिक धर्मी मार्ग का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होते हैं। बताया दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोल्हापुर में फिल्माए गए थे, जहां पे अधिकांश दृश्यों के साथ शुरू हुई थी। बाकी की शूटिंग के बारे में हम बात कर ले तो हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में इस मूवी की शूटिंग की गई थी। उसी साल दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग पूरी कर ली गई थी मूवी की। जहाँ पे फिल्म का साउंड ट्रैक के बारे में हम बात कर ले तो तनिष्क बागची धारा इस मूवी के और साथी लीजो जट धारा डीजे एन साथी चेटर्स के साथ जो है एस थमन धारा रचित किया गया था। इसके बोल जो है शबीर अहमद एन रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे। साथ ही साथ मूवी के साउंड ट्रैक में 1996 के दो गीत का रीमेक रखा गया था। आँख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने और साथी उनके साथ जो है नुसरत फतेह अली खान धारा कव्वाल गीत तेरे बिन इस मूवी में रखे गए थे। साथ ही साथ 27 दिसंबर 2018 को गल्फ एनसाथी उनके साथ जो कोऑपरेशन के साथ जो है काउंसलिंग के देशों में सिम्बा फिल्म को रिलीज किया गया था, जहाँ पे फिल्म को अगले दिन भारत और अन्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज किया गया था। इसे जो है रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था, जहाँ पे फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थी। लेकिन फिल्म 2018 तक हिंद से रणबीर सिंह की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ओपनिंग फिल्म बन गई थी और दुनिया भर में लगभग जो है 400 करोड़ की कमाई की थी। बाद में इसे जो ऑस्ट्रेलिया में और साथ ही टेल्स स्टार के साथ जो है पीपल च्वाइस में इस मूवी को रखा गया था। चलिए दोस्तों आप एनालिसिस कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी को। तो दोस्तों सिम्बा फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है सिम्बा भाले राव शिवगढ़ का एक वीर अनाथ बच्चा है वहीं पे शहर में जहाँ पे बाजीराव सिंघम का पालन पोषण हुआ था, जहाँ पे वह देखभाल करता है और उसे कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसा कमाते हैं, खुद को पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल हो जाते हैं इस मिशन पे। कुछ स्थानीय चोरों के साथ और एक जो है जौहरी से रिश्वत लेते हुए सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेता है और उसका पूरा फायदा उठाता है अपने पुलिस होने का। वहीं पे बता दे दोस्तों एक तरह सिम्बा को जल्दी जो है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा जो है गोवा के औसाती मीरा राम पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहाँ पे वह शगुन साठे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है। वह अपने साथी पुलिस कर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर जो यानी कि नित्यानंद मोहिले है जो एक जो है यानी कि ईमानदार कॉन्स्टेबल इंसान है सिम्बा को सलाम करने से हिचक जाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाले को कभी भी सलाम करना पसंद नहीं करता है। बता दें दोस्तों अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह साथी दुरिया और साथी यशवंत रानाडे के भाइयों के साथ जो यानी कि सदाशिव सदा रानाडे और गौरव के साथ जो है गिरी हुई नराडे के नामक एक जो है भ्रष्ट के साथ प्रभावशाली गैंगस्टर द्वारा संचालित किए गए एक पब जो है पार्टी में बाधा डालता है, जहां पे उसने जो है अधिक पैसे की मांग कर लेता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा और उनकी अवैध जो है गतिविधियों को चलाने देगा। साथ ही साथ दुर्वा जो है सहमत हो जाता है इस बात से और सिम्बा का उपयोग जो है यानी कि बामन राव नाम के एक जो है यानी कि बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है, जिसे जो है सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसी बीच सिम्बा कई जो है महिलाओं और साथी लड़कियों के साथ जो है मात्रा और साथी बहन के बंधन को विकसित करता है, जिसमें से एक जो है इनके आकर्षित के साथ जो है दबे होती है जो एक युवा महिला है जो सिम्बा को अपने जो है शिक्षक की याद दिलाती है और साथ ही आकृति ने सदा और गिरी के खिलाफ जो है अपने पब में अवैध जो है ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पेट्रोल के रूप में जो है इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज की, जहाँ पे दुर्वा धारा शांत किए जाने के बाद जो है सिम्बा शुरू में इस पर जो है ध्यान नहीं देती है और इसी बीच जो है शगुन को उससे प्यार हो जाता है। दोस्तों शगुन के प्यार के लिए अपने आप को बाजीराव बदलने की पूरी कोशिश करता है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और आपको ये रिव्यू पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स इस कलेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों उसके बाद इसी बीच जो है आकृति को क्लब में ड्रग जो है रैकेट के बारे में पता चल जाता है और वह एक रात जो है यानी कि छोटू के साथ वहां जाती है, जो एक मूक लड़का है जो उसका छात्रा है वहीं पे पुलिस को सबूत दिखाने के लिए अपने सेल फोन से वहां सब कुछ जो है वीडियो टेप कर लेती है। लेकिन सदा और गिरिधारा पकड़ लिया जाता है छोटू के साथ जो है चतुराई से सदा और गिरि को आकृति पर हमला करते हुए रिकॉर्ड कर लेता है और दोनों को पता चलने पर वह वहां से भाग निकलते हैं
आकृति को सदा और साथी गिरी ने बेरहमी से मार डाला। जो छोटू आकृति के साथी दोस्त जो है ना कि काव्य को आकृति के खतरे में होने के बारे में बताने की पूरी कोशिश करता है। दुर्वा के गुंडों द्वारा जो है पीछा किए जाने के दौरान जो है ना कि काव्य आकृति की गुंजाइश देती है, जहाँ पे शिकायत जो है दर्ज कराने के लिए सिम्बा वहाँ पे चला जाता है। आकृति जो है कि अस्पताल में घायल पाई गई है, जहाँ पे सिम्बा सबसे उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वह मर जाती है, जिससे वह तबाह हो जाता है। और पुलिस जो है आकृति का फ़ोन आता है और उसके द्वारा शूट किए गए वीडियो को बरामद कर लिया जाता है। और दुर्वा अपने जो है गुंडों को सिम्बा से फ़ोन लेने के लिए भेजते हैं, जो कि मौजूद है, अपने जो है तरीके के साथ जो है सुधार लेता है और वहीं से वह सभी से लड़ना स्टार्ट कर देता है। सिम्बा अंत में अपनी जो है पुलिस की वर्दी पहनता है और उसमें इसी बदलाव को देखकर मोहिले आखिरकार उसे सलाम करता है, क्योंकि वह सदा और गिरी को गिरफ्तार कर लेते हैं। वह जो है बामन राव से माफ़ी मांगता है और उसे जो है यानी कि ठगी गई ज़मीन लौटा देता है। साथ ही साथ बता दोस्तों, कोर्ट में जो है आकृति का वीडियो डिलीट होते दिखाया गया और सिम्बा हैरान रह जाता है कि वह दुर्वा के दोस्त जो है यानी कि पार्षद के साथ डेविड कैमरामैन की पिटाई करता है, जिसने जो है अदालत में झूठा बयान दिया था, जिसके कारण उसे जो है निलंबित के आदेश दिए गए थे। वह जाने से पहले सदा और गिरी को मारने का फैसला करता है और इसे जो है एक यानी कि मुठभेड़ के रूप में दिखाने की योजना बना रहा होता है। वहीं पे उन दोनों को गोली मार दी जाती है, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि जैसे उसने जो है आत्मरक्षा के कार्य में उन्हें मार डाला था। सिम्बा के यानी कि एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाली जो है राज्य की ओर से एक जो है कि SIT कमेटी का गठन किया जाता है, जहाँ पे स्थिति में स्पष्ट प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है यानी कि विनायक आकृति के मामले को संभालने के लिए एक जो है कि तटस्थ के साझे अधिकारी की नियुक्ति जो है करता है, जहाँ पे साथ ही साथ सिम्बा की विवाह दफा इन मुठभेड़ में शामिल किया जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद क्रोधित होकर दुर्वा उसके जो है गुंडों ने सिम्बा पर कब्जा कर लिया, जहां पे अचानक जो है DCP बाजीराव सिंघम उसे बचाने पहुंच जाते हैं। दोनों ने दुर्वा और उसके जो है आदमियों की पिटाई कर दी। सिंघम सिम्बा को बताते हैं कि वह अपने मामलों को संभालने के लिए राज्य समिति द्वारा नियुक्त जो है तटस्थ के साथ अधिकारी है। वह बयान देते हैं कि सिम्बा ने आत्मरक्षा के कार्य में सदा शिव के साथ और साथी गौरव को मार डाला था। वह दुर्वा की माँ जो है भारती और साथी पत्नी वर्षा को भी बुलाता है, जो कि प्रत्येक कहते हैं कि यह सदा है और गौरी के साथ जो है गिरी हुई थी, जहाँ पे जिन्होंने आकृति पर हमला किया था और भाइयों ने एक जो है डॉग रैकेट और कई जो अन्य अवैध जो है गतिविधियों को चलाता था। इन्हीं अपराधों के खिलाफ जो है कि फ्लैश टॉक के साफ जो है रुपया के साफ इंसाफी न्यायालय में धारा 7 वर्ष के कठोर जो है कि कारावास की सजा सुनाई जाती है। सिंघम ने खुलासा किया कि उसने अपने भ्रष्ट कार्यों के खिलाफ होने के बावजूद जो है सिम्बा की मदद की, ताकि वह उन यानी कि पुरुषों के मन में कानून का डर पैदा कर सके जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। जब सिंघम जो है मीरामार पुलिस स्टेशन से निकलता है तो वह DCP वीर सूर्यवंशी से फ़ोन पर बात करता है और साथ ही ATS के साथ जो है प्रमुख के रूप में उनके नए पद पर उन्हें जो है बधाई भी देता है, जहाँ पे सूर्यवंशी उससे कहते हैं कि वह जल्द ही उससे मिलेंगे। बता दें दोस्तों, ये तेलुगु भाषा की फिल्म टेम्पर मूवी 2015 की रीमेक मूवी बनाई गई थी, जहाँ पे शेट्टी ने कहा था कि हम टेम्पर से 4-5 दृश्यों को लेना चाहते थे लेकिन सोचा कि अधिकार जो है खरीदना बेहतर होगा। फिल्म का अनुमानित जो है उत्पादन बजट 80 करोड़ रखे गए थे, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 10 मिलियन के बजट पे इस फिल्म को बनाया गया था। सिम्बा मूवी के लिए प्रदान फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। ये मुख्य रूप से गोवा और साथ ही कोल्हापुर में फिल्माया गया था। हैदराबाद में कुछ जो है फिल्मांकन और मुंबई के महबूब स्टूडियो में अतिरिक्त जो है दृश्यों को फिल्माया गया था, जो 29 जून 2018 को चलक दल ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में सिम्बा मूवी के लिए आला रे सिम्बा आला गीत को फिल्माया गया था, जहां पे इंस्टाग्राम पर सिंह ने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को नोट किया था और कहा था कि उनके करियर का सबसे बड़ा गाना था। बता दें दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सिम्बा फिल्म को, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ इस मूवी से जुड़े अननोन फैक्ट को भी बता रहे हैं और मूवी की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग सिम्बा फिल्म को देख चुके हो तो आप इस मूवी को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हैं, प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खान की पहली फिल्म के बाद जो है केदारनाथ के निर्माण के आसपास के कानूनी मुद्दों ने सिम्बा मूवी के उत्पादन में हस्तक्षेप किया था, जहाँ पे सारा अली खान लगभग जो है एक ही
समय में दो फिल्मों की शूटिंग करने वाली एक अभिनेत्री इंसाफी मुकदमे के अवसाथी केदारनाथ मूवी के निर्माण को बंद कर दिया और खान ने सिम्बा पर काम करने के लिए समय अवंति किया। साथ ही साथ आपको बता दें केदारनाथ के निर्देशक जो है अभिषेक कपूर ने खान पर जो है मुकदमा दायर किया क्योंकि उनकी फिल्म में देरी होगी और यह अब जो है खान की शुरुआत नहीं होगी। जब खान ने दोनों फिल्मों के बीच जो है अपना जो है समय बांटने के लिए सहमति व्यक्त की तो दोनों ही अदालत से बाहर हो गए। अक्टूबर 2018 में मुख्य अभिनेता सिंह और साथी खान जो है फिल्म के लिए एक गाने के साथ जो है सीक्वेंस को फिल्माने के लिए स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुए थे, जहाँ पर अक्टूबर के अंत तक जो है दल एक दूसरे गीत के साथ आँख मारे की शूटिंग के लिए मुंबई लौट आए थे, जो 90 के दशक के एक जहन की क्लासिक गीत का रिमेक बनाया गया था। क्योंकि सिंह की शादी नवंबर 2018 में होगी, वहीं पे सेठी ने शादी की तारीख से पहले ही ज़्यादातर प्रमुख देशों की शूटिंग की थी। यहाँ पे शादी के बाद जो है केवल अंतिम जो सीक्वेंस फिल्माने के लिए बचाया गया था। सिंह के लिए एक जो है डबल का इस्तेमाल गोवा में एक जो है ढाबा के साथ जो है फाइट सीन के पैच वर्क को पूरा करने के लिए किया गया था, क्योंकि विभिन्न कैमरा और साथ ही कोनों का उपयोग किया गया था ताकि उनके साथ जो है डबल सिंह के सामने हो। और दिसंबर 2018 की शुरुआत में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। इसी तरह बता दें दोस्तों, सिम्बा फिल्म को 27 दिसंबर 2018 को खालिज सहयोग जो है परिषदत के देशों में जारी किया गया था। इसे भारत और अन्य देशों में 28 दिसंबर को जारी किया गया था। इसे भारत में 4020 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था और वहीं पे विदेशों में फिल्म को 963 स्क्रीन पर दिखाया गया था। विश्वव्यापी के स्क्रीन के लिए कुल मिला के 4983 स्क्रीन पूरे हुए थे, जहाँ पे 6 जून 2018 को निर्माता ने अभिनेता सिंह और खान के साथ जो है निर्देशक शेट्टी और निर्माता जौहर की एक स्किट के साथ जो वीडियो के साथ मुख्य फोटोग्राफी शुरू की थी। वहीं पे 6 दिसंबर 2018 को फिल्म का पहला गाना आँख मारे शीर्षक से जारी किया गया था, जो 1996 की हिट फिल्म तेरे मेरे सपने के मूल गीत का रिमेक बनाया गया था। इसे कुमार सानू ने गाया था, जिन्होंने कविता कृष्णामूर्ति के साथ मूल भी गाया था, और मीका सिंह के साथ जो है नेहा कक्कड़ ने इस गाने को दोबारा गाया, और अभिनेता जो है अर्शद वारसी, जिनकी जो है फिल्म और गीत की जो है शुरुआत मूल के साथ थी, सिम्बा मूवी के रीमेक के लिए वीडियो में फिर से जो है दिखाई दिए थे। साथ ही साथ आपको बता दें निर्देशक जो है रोहित शेट्टी की एक अन्य फिल्म जो है इनकी गोलमाल कुणाल खेमू के साथ जो है सीरियस तलपरे और तुषार कपूर के कई जो है इनके अभिनेताओं के साथ जो है रीमेक के लिए रिलीज की तारीख को विशेष रूप से मूल 22 साल पहले 6 दिसंबर 1996 के रिलीज की तारीख के साथ जो है मेल खाने के लिए चुना गया था। आपको बता दें इस फिल्म के लिए खलीज टाइम की अंबिका सिंह ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और संक्षेप में कहा था कि यदि आप जो है यानी कि साल के अंत में एक पूरी तरह से मसाला और पैसा वसूल फिल्म की तलाश में है तो आप जो है यानी कि सिम्बा मूवी को देख सकते हैं, जहाँ पर ये मूवी जो है काफ़ी अच्छी बन जाती है और मेलोड्रामेटिक मूवी जो ओवर द टॉप के साथ जो फिल्म निश्चिंत रूप से आपको जो ऊंचाइयों पर ले जाएगी। बता दें दोस्तों, बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 4 सितारों के साथ विजेता घोषित करते हुए लिखा। रोहित शेट्टी ने टेंपर मूवी से सार के साथ जो है उधार लिया था, लेकिन उस फिल्म के एक बड़े हिस्से को और साथ ही जो है इनके संशोधित करता है, जहाँ पे अंततः स्क्रीन पर जो यानी कि सामने आते हैं वहीं पे बहुत अलग हो जाते हैं, एक में सकारात्मक तरीका मिल जाता है। यहाँ पे बिजनेस टुडे की साथ ही अन्वेषा जो है इनकी मधु कालिया ने लिखा है कि यह जो है वास्तव में युवा स्टार के साथ ही प्रशंसकों के खुशी का समय है, क्योंकि सिम्बा मूवी ने बड़ी जो है इनकी लीग में रणबीर सिंह के आने की घोषणा कर दी थी। क्योंकि सिम्बा मूवी जब शूटिंग हो रही थी तो दर्शकों को लग रहा था कि ये फिल्म वाकई में काफ़ी अच्छा काम करेगा और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक धमाका बन के उभरी, जो मूवी साल 2018 की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता मूवी थी। दोस्तों बतलाएंगे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, फिल्म को द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखते हुए रौनक कोटेचा ने इसे 5 में से 3.5 स्टार का दर्जा दिया और फिल्म को एक ऐसा जो है यानी कि पोर्ट बरल कहा, जिसके जो है आप उम्मीद करते हैं जहाँ पे अच्छा निश्चित रूप से बुरे से अधिक हो जाते हैं। साथ ही इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के संपूर्ण के साथ जो है सरकार ने भी इसे 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा है कि सिम्बा एक पूर्ण जो है मसाला एंटरटेनर फिल्म है, जो संवादों को हास्य दिल को छू लेने वाली भावनाओं और साथ ही उच्च जो है कि ऑकटेल के साथ एक्शन से भरी हुई फिल्म है। इसमें
तर्क ये है कि विभिन्न यानी कि स्तरों पर, लेकिन ये मूवी मनोरंजन करता है और आपको काफ़ी अच्छा एक्शन फिल्म से प्रोवाइड करता है। इसी तरह बताएं दोस्तों, सिम्बा मूवी को इकोनॉमिक टाइम्स के एक आलोचक ने सहमति व्यक्त की थी और इसे 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग भी दी, लेकिन महसूस किया कि वह जो है फिल्म दूसरे हाफ में एक यानी कि उपेदक्ष मूवी हो जाते हैं जहाँ पे कथा का अनुमान जो है यानी कि लगाया जा सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लेखक राजा सेन ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार का मूल्यांकन किया, ये लिखते हुए कि ये मूवी खड़ा फिल्म है, सिम्बा न केवल सिंघम मूवी से आगे है बल्कि दबंग से कहीं जो है बेहतर फिल्म हो सकती है। शैली को परिभाषित करने वाली ब्लॉकबस्टर मूवी है। उनहोने भूमिका में लाई गई जो है कि ऊर्जा के लिए सिंह की सराहना की, लेकिन जो है पाया कि खान अपनी जो है भूमिका से प्रतिबंधित थे। न्यूज 18 के राजीव मंशत ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए। पहली छमाई को एक जो है छिटपुट रूप से मनोरंजन कॉमेडी मूवी के रूप में पाया था, लेकिन दूसरी छमाई को कम जो है कि अनंत नायक फिल्म पाया था। फिल्म वंचित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है जहाँ पे, लेकिन एक तारे का पूर्ण यानी कि पुनर्जन्म होता है जहाँ पे मिन के उदय भाटिया ने इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा जो है मंशत के साथ जो है सहमति व्यक्त की थी, लेकिन सिंह को एक जो है यानी कि औसती अंतर्निहित मिठास के साथ एक चरित्र के कार्डबोर्ड के साथ निर्माण को निभाने के लिए श्रेय दिया गया, जो इसे जो है अजय देवगन के सिंघम मूवी के विनोदी इंसाती मर्दानगी की तुलना में अधिक जो है आकर्षक मूवी बनाता है। तो ये फिल्म 2015 की तेलुगु भाषा की फिल्म टेम्पर की रीमेक फिल्म बनाई गई है। सिम्बा यानी कि भाले राव का इन अनुसरण करती है, जो कि सिंघम के शहर के एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है। तो अगर हम बात करें इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग जून 2018 में गोवा और कोल्हापुर में फिल्माए गए थे। अधिकांश दृश्यों के बारे में हम बात करें तो फिल्म की अधिकांश जो है शुरू हुई थी, बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई में महबूब स्टूडियो में की गई थी। दोस्तों उसी साल दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग पूरी कर ली गई थी। तो सिम्बा मूवी की साउंड डायट के बारे में हम बात करें तो फिल्म के साउंड और टोनिक्स बागची धारा तैयार किए गए हैं, जो कि डीजे चेतोश और एस थमन धारा रचित किया गया था, जिसके बोल शबीर अहमद एंसाती, रश्मि बिरान कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे। इन फिल्म के साउंड आर्ट में 1986 के 2 गीतों का रिमेक बनाया गया है, आँख मारे एन मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने और साथ ही उनके साथ नुसरत फतेह अली खान धारा कव्वाली गीत भी तेरे बिन इस मूवीज में रखी गई है। अरे दोस्तों, सिम्बा फिल्म को 27 दिसंबर 2018 को गल्फ में रिलीज किया गया था। फिल्म की काउंसिल के देशों में सिम्बा को रिलीज किया गया था। फिल्म को अगले दिन भारत और अन्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज किया गया था और इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था और फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। लेकिन फिल्म को 2018 तक की यानी कि रणबीर सिंह की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दुनिया भर में फिल्म ने 400 करोड़ की कमाई की है और बाद में इसे ऑस्ट्रेलिया में यानी कि टेल स्टार के साथ जो है पीपल चैल के साथ फिल्म को रिलीज किया गया था। तो ये मूवी तेलुगु भाषा की फिल्म टेम्पर मूवी 2015 की रिमेक बनाई गई है, क्योंकि शेट्टी ने कहा था कि हम टेम्पर से 4-5 दृश्यों लेना चाहते थे, लेकिन सोचा कि उनकी आधिकारिक धन की खरीदान बेहतर लगी है। दोस्तों फिल्म का अनुमानित जो उत्पादन बजट जो 80 करोड़ बताया गया है, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 10 मिलियन के बजट में फिल्म को बनाया गया था। दोस्तों सिम्बा के लिए प्रधान फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई थी और यह मुख्य रूप से गोवा और साथ ही कोल्हापुर में फिल्माया गया था। हैदराबाद में कुछ फिल्मांकन एंड साथ ही मुंबई में महबूब स्टूडियो में अतिरिक्त जो है दृश्यों को फिल्माया गया था। 29 जून 2018 को चालक दल ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में सिम्बा मूवी के लिए आला रे आला गाना के लिए इन सिम्बा आला गीत को फिल्माया था। दोस्तों इंस्टाग्राम पर रणबीर सिंह ने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को नोट किया था और कहा था कि यह उनके करियर का यानी कि सबसे बड़ा गाना हो सकता था। दोस्तों ये मूवी खान की पहली फिल्म जो है यानी कि केदारनाथ के निर्माण के आसपास के कानूनी मुद्दे में सिम्बा फिल्म के उत्पादन में यानी कि हस्तक्षेप किया गया था और खान लगभग एक ही यानी कि समय में दोनों फिल्मों की शूटिंग करने वाले थे। एक यानी कि मुकदमे में और साथ ही केदारनाथ के निर्माण को बंद कर दिया गया था और खान ने सिम्बा पर काम करने के लिए समय यानी कि आवंटित किया था और केदारनाथ के अवसाती निर्देशक जो है अभिषेक कपूर ने खान पर जो है मुकदमा दायर किया था, क्योंकि ये मूवी उनकी फिल्म में देरी होगी और यह अब यानी कि खान की शुरुआत नहीं होगी। जब खान ने दोनों फिल्मों के बीच जो है अपना समय बांटने के लिए सहमति व्यक्त की तो दोनों अदालत से बाहर हो गए थे। अब अक्टूबर 2018 में मुख्य अभिनेता रणबीर सिंह और साथी खान की फिल्म के लिए एक गाने के एनसाती सीक्वेंस को फिल्म के लिए एक जो है कि स्विट्जरलैंड के लिए रवाना किया गया था।
जो अक्टूबर के अंत तक जो है दल एक दूसरे की जो है आंख मारे को फिल्माने के लिए मुंबई लौट आए थे, जो 90 के दशक के लिए एक जो है यानी कि क्लासिक गीत का रिमेक बनाया गया था। क्योंकि दोस्तों रणवीर सिंह की शादी नवंबर 2018 में होनी थी, जो शेट्टी ने शादी की तारीख से पहले ज़्यादातर प्रमुख दृश्यों की शूटिंग की और शादी के बाद केवल जो है अंतिम दृश्य फिल्माया गया था जहाँ पे जाना बाकी था। गोवा में एक जो है ढाबा लड़ाई के दृश्य के पैच वर्क को पूरा करने के लिए रणवीर सिंह के लिए एक जो है डबल का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि विभिन्न एनसाथी कैमरा कोनों का उपयोग किया गया था ताकि डबल सिंह के सामने वो आ सके। दोस्तों दिसंबर 2018 की शुरुआत में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली गई थी और 2018 में फिल्म को जब रिलीज किया गया सिनेमाघरों में तो रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। तो दोस्तों आई होप कि आज के वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं, तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों सिम्बा फिल्म के जितने भी गाने हैं तनिष्क बागची द्वारा रिलीज किए गए हैं, जो कि लिजो जॉर्ज एंड साथ ही डीजे चेतस के साथ फिल्म के गाने को बनाया गया था, जो 27 दिसंबर 2018 को जारी किया गया था। फिल्म के गीत आंख मारे 1986 की मूवी फिल्म तेरे मेरे सपने के गीत से लिया गया था। आंख मारे का रीमेक मूवी है जो कि मूल रूप से बीजू शाह द्वारा रचित की गई है और आनंद बख्शी द्वारा लिखित की गई थी कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति द्वारा फिल्म को गाने को गाया गया है और अर्षद वारसी और साथ ही जो है सिमरन पर चित्रित किया गया है। वारसी सिम्बा संस्करण के संगीत वीडियो में शानू की आवाज़ के साथ एक कैमियो उपस्थिति बनाते हैं। तनिष्क बागची एस थमन और साथ ही चंचन जो है सक्सेना धारा पूनियन की प्रस्तुत जो है संगीत के साथ गाने को फिल्म के लिए फिर से बनाया गया था, जो गीत तेरे बिन यानी कि नुसरत फतेह अली खान के 1986 के कव्वाले गीत तेरे बिन नहीं यानी कि लगदा का एक मनोरंजन है। यह दूसरी बार है जबकि गीत को 1999 की फिल्म जो है कच्चे धागे के बाद जो है फिर से बनाया जा रहा है, जिसका शीर्षक था तेरे बिन नहीं जीना, जिसे यानी कि तेरे बिन नहीं जीना यानी कि जिसे यानी कि लता मंगेशकर ने गाया था और रीमेक को उनके भतीजे राहत यानी फतेह अली खान ने और साथ ही आशीष कौर ने इस फिल्म के गाने को गाया है। दोस्तों फिल्म को 27 दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग इन परिषद के देशों में सिम्बा जारी किया गया था, जहां पे इसे भारत और अन्य देशों में 28 दिसंबर को जारी किया गया था और इसे भारत में 4020 स्क्रीन पे रिलीज किए गए थे, जहां पे 963 स्क्रीन पर दिखलाया गया था। इन विश्वव्यापी स्क्रीन के लिए कुल जो है 4983 स्क्रीन इस फिल्म को मिले थे। दोस्तों मूवी को 6 जून 2018 को निर्माताओं ने अभिनेता रणबीर सिंह और खान के निर्देशक की शेट्टी और साथ ही निर्माता और जौहर की एक स्क्रिप्ट जो है वीडियो के साथ प्रमुख जो है फोटोग्राफी शुरुआत की घोषणा की थी, जो 6 दिसंबर 2018 को फिल्म का पहला गाना आंख मारे शीर्षक से जारी किया गया था, जो 1986 की फिल्म जो है जो 1986 की हिट फिल्म तेरे मेरे सपने के मूल गीत का रीमेक बनाया गया था। इसे कुमार शानू जिन्होंने गाया है कविता कृष्णमूर्ति के साथ मूल भी यानी कि गाने को गाया गया था। इन मीका सिंह और साथ ही नेहा कक्कड़ ने फिल्म के गाने को गाए हैं और अभिनेता अर्षद वारसी जिनकी जो है फिल्म और गीत की शुरुआत जो है मूल से की गई थी और साथ ही सिम्बा रीमेक के लिए वीडियो में फिर से दिखाई दिए हैं और साथ ही साथ फिल्म के निर्देशक रोहित शेट्टी की एक और फिल्म के कई जो है अभिनेताओं के साथ जो है साथ ही गोलमाल एंड कुणाल खेमू के साथ जो है शीर्ष स्थल पर है और तुषार कपूर रीमेक के लिए रिलीज की तारीख को विशेष रूप से मूल 22 साल पहले 6 दिसंबर 1986 की रिलीज तारीख के साथ जो है इस फिल्म के मेल खाने के लिए चुना गया था। बता दें दोस्तों वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सिम्बा फिल्म को, जिसे 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हो तो ये फिल्म अभी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर हाजिर हुए हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बता दें दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रणबीर सिंह की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है सिम्बा। तो दोस्तों सिम्बा मूवी की बारे में हम बात करते हो, इस फिल्म को खलीज टाइम की अबिंका सीन ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं और संक्षेप में कहा है कि अगर आप साल के अंत में एक पूरी तरह से मसाला मूवी एंड साथ ही पैसा वसूल फिल्म की तलाश में है तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं।
दोस्तों सिम्बा फिल्म पूरी तरह से 2018 की मसाला फिल्म है, क्योंकि पैसा पैसा वसूल भी इस फिल्म को कहा जाता है। जो हम आपको सिम्बा देखने की सलाह देते हैं एंड मेलोड्रामिक जो है ओवर द टॉप फिल्म जो है निश्चित रूप से आपको यानी कि ऊंचाइयों पर ले जाएगी। बता दें दोस्तों बॉलीवुड के हंगामा तरुण अदर्स ने इसे 5 में से 4 सितारों की रेटिंग दिया है और विजेता घोषित करते हुए लिखा है रोहित शेट्टी ने टेम्पर से आर के साथ जो है यानी कि उधार लिया है, लेकिन उस फिल्म के एक बड़े हिस्से को संघोषित करते हुए नजर आए हैं। अंततः स्क्रीन पर जो कि सामने आते हैं वो बहुत अलग होते हैं। एक में सकारात्मक तरीका है जिसके साथ जो है इनकी बिजनेस टूडे की साथी अन वेसा एन साथी मधु कालिया ने लिखा है कि यह वास्तव में यानी कि युवा स्टार के प्रशंसकों के लिए खुशी का समय है, क्योंकि सिम्बा मूवी ने रणबीर सिंह के बड़े यानी कि लीग में आने की घोषणा की है। दोस्तों फिल्म को द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लेखन और साथी रौनक कोटेचा ने इसे 5 में से 3.5 की 3.5 की रेटिंग दिया और लिखा है और फिल्म को एक जो है यानी कि पोर्ट वायरल के रूप में कहा जिसकी आप यानी कि उम्मीद करते हैं जहाँ पे अच्छा निश्चित रूप से बुरे अधिक है। और इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के साथ ही उनके साथ जो है सुपर्नो सरकार ने भी फिल्म के इसे 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा है कि सिम्बा मूवी एक पूर्ण मसाला एंटरटेनर फिल्म है जो अच्छे संवादों के साथ जो है हास्य दिल को छू लेने वाले भावनाओं और उच्च यानी कि साथी ऑक्टेन के साथ जो एक्शन से भरी हुई फिल्म है और इसमें तर्क का अभाव रखी गई है और साथ ही विभिन्न स्तरों पर इस फिल्म के लिए लेकिन मनोरंजन करना काफ़ी बंद कर दी गई है। दोस्तों फिल्म के लिए इकोनॉमिक टाइम्स के एक जो है आलोचक ने कहा था सहमति व्यक्त की थी कि इसे 5 में से 3.5 सितारों की रेटिंग दी गई है, लेकिन महसूस किया है कि वह फिल्म जो है दूसरे भाग में एक यानी कि उनके साथ उपेक्षात्मक मोड लेती है और कथा का अनुमान भी लगाया जा सकता है। दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लेखन राजा सेन ने इस फिल्म को 5 में से 3 सितारों का मूल्यांकन किया है और लिखते हुए उन्होंने लिखा है कि ये मूवी खड़ा है सिम्बा न केवल यानी कि सिंघम में आगे मूवी है बल्कि दबंग से कहीं बेहतर फिल्म है जो कि शौली को परिभाषित करने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म है। उन्होंने भूमिका में लाई गई ऊर्जा के लिए रणबीर सिंह की सराहना की, लेकिन पाया कि इस फिल्म के लिए खान अपनी यानी कि भूमिका से प्रतिबंधित थे। न्यूज 18 के राजीव मंसद ने भी फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिए और पहली छमाई को एक जो है छिटपुट शुरू से बताया और मनोरंजन फिल्म कॉमेडी के रूप में पाया, लेकिन दूसरी छमाई को कम जो है कहा था और आनंदमय बताया है और फिल्म वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ दी है। दोस्तों लेकिन एक जो है तारे का पुनर्जन्म होता है और मिंट के उदय भाटिया ने मंसद के साथ जो है सहमति व्यक्त की है, लेकिन रणबीर सिंह को एक जो है यानी कि अंत निर्हित मूवी एंड मिठास के साथ एक जो है चरित्र के साथ ही कार्डबोर्ड निर्माण को भी निभाने के लिए श्रेय दिया गया है, जो कि इसे यानी कि अजय देवगन की सिंघम मूवी की विनोद एंड साथ ही उनके साथ जो है मर्दानगी की तुलना में अधिक जो है यानी कि आकर्षक बनाई गई है। बता दें दोस्तों वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे सिम्बा फिल्म को जिसे 2018 में रिलीज किया गया था। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे इस मूवी की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। बता दें दोस्तों मैं जिस मूवी को रिव्यू करता हूँ उस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जरूर बतलाता हूँ। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रणबीर सिंह की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है सिम्बा। दोस्तों फिल्म के लिए बॉलीवुड हंगामा पर प्रस्तुत की गई फिल्म की शुरुआती हफ्ते के लिए बॉक्स ऑफिस संग्रह के आंकड़े हैं। पहले दिन इस फिल्म ने भारत में 20.72 करोड़ की कमाई की, जिसने जो है इसे 2018 तक की रणबीर सिंह की सबसे ज़्यादा ओपनिंग वाली फिल्म बना दिया। दूसरे दिन फिल्म ने 23.33 करोड़ से अधिक की कमाई किया और फिल्म ने 31.6 करोड़ का सूद संग्रह किया था। और कुल पहले हफ्ते के कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने 75.11 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। तो दोस्तों शुरुआती हफ्ता में अखिल भारतीय संग्रह पर फिल्म ने 150.81 करोड़ की कमाई किया था, जिसने जो है इस फिल्म को हिट घोषित बना दिया था। अपने दूसरे हफ्ते में 8वें दिन घरेलू संग्रह पर फिल्म ने 9.2 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। 9वें दिन की कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने 9वें दिन 13.32 करोड़ से अधिक की कमाई कर लिया था और 10वें दिन की कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने 10वें दिन 17.49 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। और कुल इस फिल्म के दो हफ्ते के कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 61.62 करोड़ से अधिक की कमाई कर लिया था और फिल्म ने कुल सकल संग्रह के बारे में हम बात करें तो 308.9 करोड़ से अधिक की कमाई किया था।
और ये रोहित शेट्टी की सबसे बड़ी हिट मूवी बन गई थी क्योंकि इसने चेन्नई एक्सप्रेस के आजीवन इन व्यवसाय को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों बॉलीवुड हंगामे के अनुमान के अनुसार फिल्म ने विदेशी बाजारों में 92.10 करोड़ से अधिक की कमाई किया था जो यूएसए में कन्वर्ट करते तो 12 मिलियन की कमाई की थी और फिल्म ने दुनिया भर में सकल संग्रह 400.19 करोड़ से अधिक की कमाई किया है जो यूएसए में कन्वर्ट करते तो 53 मिलियन से अधिक की कमाई की है और ये मूवी 2018 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दोस्तों पाकिस्तान में फिल्म ने अपने 5वें हफ्ता तक जो है 19 करोड़ से अधिक की संग्रह किया था और ये मूवी साथ ही एसमेंसिंग सिम्बा फिल्म पर आधारित एक जो है एनिमेटेड एंड टेलीविजन श्रृंखला पोगो ट्यूब पर 14 नवंबर 2020 को जारी की गई थी। बता दें दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है सिम्बा। तो चलिए दोस्तों सिम्बा मूवी की हम यहाँ से बात करते हैं कहानी के बारे में। बता दें दोस्तों मैं जिस मूवी को रिव्यू करता हूँ उस फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जरूर बतलाता हूँ। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सिम्बा मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है सिम्बा से जो कि भालेराव इनका नाम है फिल्म के अंदर और शिवगढ़ का एक बच्चा है अनाथ है वही शहर पे जहाँ पे बाजीराव सिंघम का जन्म हुआ था पालन पोषण हुआ था। वह देखते हैं कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसा कमाते हैं खुद को पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल हो जाते हैं। कुछ स्थानीय चोरों और एक जो है यानी जौहरी से रिश्वत लेते हुए सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेते हैं और उसका पूरा फायदा उठाते हैं। बता दें दोस्तों उसे जल्द ही यानी गृह मंत्री एन विनायक दत्ताधारा शांति मीरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां पे वह यानी कि शगुन साटे सारा अली खान को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार करता है। बता दें दोस्तों वह अपने साथी पुलिस कर्मियों से मिलता है और उसका एक जो है जूनियर और साथी नित्यानंद के साथ जो है मोहिले जो एक जो है ईमानदार इंसाफी कॉन्स्टेबल है जहाँ पे सिम्बा को सलाम करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है और साथ ही मिरमिरा हुआ में अपनी जो है योग्यता साबित करने के लिए वह यानी कि दुरिया इंसाफी यशवंत यानी कि रनाटे और सोनू सूद के भाइयों के साथ जो है यानी कि सदाशिव एंड साथी रनाटे और गैरव के साथ जो है गिरी रनाटे के साथ नामक जो है अपराधी धारा चलाए जा रहे होते हैं एक पॉप के साथ जो है पार्टी को बाधित करते हैं और उनसे अधिक जो है पैसे की मांग करते हैं जबकि वादा करता है कि वह उन्हें उनकी अवैध और साथी गतिविधियों को जारी रखने देंगे। साथ ही दुर्वा एन सहमत हो जाते हैं और सिम्बा का उपयोग जो है यानी कि वामन राव और साथी नामक जो है एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करते हैं जिसे जो है सिम्बा धारा कागजात पर जाने के हस्ताक्षर करने के लिए साइन करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसी बीच सिम्बा कई जो है महिलाओं और लड़कियों के साथ जो है मातृ और बहन के बंधन को एन विकसित करते हैं जहाँ पे जिनमें से एक यानी कि आर्कृति के साथ जो है दबे होते हैं। फिल्म के अंदर सिम्बा का जो किरदार दिखाया गया है पहले भ्रष्ट पुलिस वाला होता है और साथ ही आर्कृति ने सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध का ड्रग का कारोबार करने और बच्चों को पकड़ने के रूप में इस्तेमाल किया था क्योंकि शिकायत दर्ज किया गया था कि ध्रुवाधारा संगीत की गई और शांति के लिए जाने के बाद सिम्बा शुरू में इस पर जो है ध्यान नहीं देता है और इसी बीच शगुन को उससे प्यार हो जाता है और इसी बीच आकृति को केवल जो है कि क्लब में ड्रग और साथ ही रैकेट के बारे में पता चल जाता है और एक रात छोटू का साथ वहां पे जाती है जो कि एक मुख्य यानी कि लड़का है जो उसका छात्र है और वह पुलिस को सबूत देने के लिए अपने जो है सेल फोन से वहाँ की कुछ तस्वीर और कुछ जो है वीडियो टेप कर लेता है लेकिन सदा और गिरिधारा पकड़ लिया जाता है और छोटू चतुराई से सदा और साथ ही गिरि को आकृत पर जो है इनकी हमला करते हुए रिकॉर्ड करता है और दोनों को पता चलने पर वह वहां से भाग निकलते हैं। दोस्तों उसके बाद आर्कृति ने सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग का कारोबार करने और बच्चों को पकड़ने के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज की थी क्योंकि दुर्वा धारा जो है यानी कि शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू में इस पर जो है ध्यान नहीं देती है और इसी बीच जो है शगुन को उससे प्यार हो जाता है। इसी बीच जो है आकृति को क्लब में ड्रग रैकेट के बारे में पता चल जाता है और एक रात छोटू के साथ वहां पे जाता है जो कि एक मूक लड़का है जो उसका छात्र और वहीं पे पुलिस को सबूत दिखाने के लिए अपने सेल फोन में कुछ वीडियो और कुछ फोटोग्राफ जो है डार कर लेते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में उसे पता चल जाता है और उनको पकड़ लिया जाता है। साथ ही आकृति पर हमला करते हुए रिकॉर्ड करते हैं और दोनों को वहां पे पता चल जाता है और वहां से भाग निकलते हैं।
आकृति के साथ जो है सदा और गिरी बेरहमी से बलात्कार करते हैं और छोटू आकृति की दोस्त काव्या को आकृति के खतरे में होने के बारे में बताने की कोशिश करता है और दुर्वा के गुंडे धारा जो है यानी कि काव्या का पीछा करते हुए आकृति की साथी जो है यानी कि गुमशुदा यानी कि गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने के लिए वहाँ पर सिम्बा जाते हैं और आकृति अस्पताल में घायल हो गई है और सिम्बा उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वह मर जाती है जिससे वह यानी कि तबाही हो जाता है और पुलिस यानी कि आकृति का फ़ोन और उसके धारा यानी कि शूट किए गए वीडियो को बरामद कर लेती है और ध्रुवा अपने गुंडों को सिम्बा से फ़ोन लेने के लिए भेजता है जो वहाँ मौजूद होता है और अपने तरीके से सुधारता है सिम्बा और उन सभी से लड़ता है और सिम्बा अंत में अपनी पुलिस की वर्दी जो है यानी कि पहनते हैं और इसमें जो है इसी बदलाव को देखकर जो है कि मोहिले एंड आखिरकार जो उसे सलाम करता है मोहिले आखिरकार उसे सलाम करता है क्योंकि वह सदा और गिरी को गिरफ्तार करते हैं और वह उनके साथ जो है बामन राव से माफ़ी मांगता है और यह स्वीकार करते हुए कि वह एक नायक जो है कि बन गया है क्योंकि उसके पास सही और यानी कि गलत के माध्यम से साथी मार्गदर्शन मिल गया है और मार्गदर्शन करने के लिए पता नहीं था और उससे ठगी गई यानी कि ज़मीन लौटाता है और कोर्ट में आकृति का वीडियो भी डिलीट होते देख सकता है और सिम्बा हैरान रह जाता है कि वह यानी कि दुर्वा के दोस्त यानी कि पार्षद डेविड के साथ जो है यानी कि कैमरॉन की पिटाई करता है और जिसमें जो है अदालत में झूठा बयान दिया गया था जिसके कारण उसे जो है निलंबित के आदेश दिए गए थे और वह जाने से पहले सदा और गिरी को मारने का फैसला करता है और इसे एक जो है कि मुठभेड़ के रूप में दिखाने की योजना बना रहा होता है और वह उन दोनों को गोली मारता है और दिखाता है कि जैसे उसने जो है कि आत्मरक्षा के कार्य में उन्हें मार डाला था और सिम्बा के एनकाउंटर पर उनके साथ सवाल उठाने वाली राज्य की ओर से एक जो है कि SIT के साथ जो है कमेटी का गठन किया है और इस स्थिति में उनके साथ जो स्पष्टता के साथ हासिल करने के लिए उद्देश्य साथी विनायक एन साथी आकृति के मामले को संभालने के लिए एक जो है कि उनके साथ जो है कि तटस्थ के साथ जो अधिकारी की साथी नियुक्ति करता है और साथ ही साथ सिम्बा की यानी कि विवादास्पद फेट में मिल जाता है। दोस्तों वहां से सिम्बा क्रोधित होकर दुर्वा और उसके गुंडे ने सिम्बा को पकड़ लिया था। अचानक जो है DCP बाजीराव सिंघम उनके बचाव में आते हैं और उन दोनों ने दुर्वा और उनके जो है आदमियों की पिटाई कर दी और सिंघम सिम्बा को बताते हैं कि वह अपने मामले को संभालने के लिए राज्य समिति धारा नियुक्त यानी कि तटस्थ के साथ अधिकारी है और एक जो है बयान देते हैं कि सिम्बा ने आत्मरक्षा के कार्य में सदाशिव और साथी गौरव को मार डाला था और वह दुर्गा की माँ जो है भारती और पत्नी वर्षो की भी यानी कि बुलाते हैं जो कि प्रत्येक करते हैं कि यह जो है इनकी सदाशिव और गौरव थे जिन्होंने आकृति के साथ जो है बलात्कार किया था और भाइयों ने एक जो है इनकी ड्रग रैकेट को चलाते हैं और कई अन्य जो आपराधिक जो है इनकी गतिविधियों को चलाया था और इन अपराधों के परिणाम स्वरूप जो है दुर्वा को अदालत ने 7 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है और सिंघम ने खुलासा किया कि उसने जो है अपने यानी कि भ्रष्ट कार्यों के खिलाफ होने के बावजूद भी सिम्बा की मदद की ताकि वह उन यानी कि पुरुषों के मन में कानून का डर पैदा कर सके जो कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। जैसे ही सिंघम इन साथी मीरा मार स्टेशन छोड़ते हैं वह DCP बीर यानी कि सूर्यवंशी से बात करना शुरू कर देते हैं और सिंघम ने उन्हें आतंकवाद विरोधी दस्ते के प्रमुख के रूप में उनके नए पद पर जो है बधाई दी थी और सूर्यवंशी ने उन्हें बताया कि वह जल्द ही उनसे मिलेंगे। बता दें दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉलीवुड की सुपरस्टार रणबीर सिंह की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है सिम्बा। तो दोस्तों अगर आप भी सिम्बा फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बता दें दोस्तों सबसे पहले तेलुगु भाषा की फिल्म टेम्पर मूवी 2015 की रीमेक बनाई गई है। शेट्टी ने कहा था कि हम टेम्पर से 4-5 दृश्यों को लेना चाहते थे लेकिन सोचा था कि वह अधिकार खरीदना बेहतर होगा और फिल्म का अनुमानित जो उत्पादन बजट जो 80 करोड़ बतलाया गया है जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 10 मिलियन में इस फिल्म को बनाई गई है और सिम्बा फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई और यह मुख्य रूप से गोवा और साथी कोल्हापुर में फिल्माया गया था और हैदराबाद में कुछ फिल्मांकन और मुंबई में महबूब स्टूडियो में अतिरिक्त दृश्यों को फिल्माया गया था जो 29 जून 2018 को चालक दल ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में सिम्बा मूवी के लिए आला रे आला सिम्बा और आला गीत को फिल्माया था
जिसे इंस्टाग्राम पर रणबीर सिंह ने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को नोट किया था और कहा था कि यह उनके करियर का सबसे बड़ा गाना था। बता दें दोस्तों, खान की पहली फिल्म यानी कि केदारनाथ के निर्माण के आसपास के कानूनी मुद्दों ने सिम्बा फिल्म के उत्पादन में हस्तक्षेप किया था, और जहाँ पर खान जो है कि लगभग एक ही समय में दोनों फिल्मों की शूटिंग करने वाले थे, एक यानी कि मुकदमे में, और साथ ही केदारनाथ फिल्म के निर्माण को बंद कर दिया था, और सलमान खान ने सिम्बा पर काम करने के लिए समय जो है इनके आवंटित किया था, लेकिन केदारनाथ के निर्देशन एन अभिषेक कपूर ने खान पर जो है मुकदमा दायर किया था, क्योंकि उनकी फिल्म में देरी होगी और यह अब यानी कि खान की शुरुआत नहीं होगी। अब जो है खान ने दोनों फिल्मों के बीच अपना जो है समय बांटने के लिए सहमति व्यक्त की थी और दोनों अदालत से बाहर हो गए थे। अक्टूबर 2018 में मुख्य अभिनेता सिंह और साथ ही खान की फिल्म के लिए एक गाने के सीक्वेंस को फिल्माए इनकी फिल्माने के लिए और साथ ही स्विट्जरलैंड के लिए उनके साथ जो है रवाना हुए थे, और अक्टूबर के अंत तक जो है दल एक दूसरे के गीत जो है आँख मारे को फिल्माने के लिए मुंबई लौट आए थे, जहां पे 90 के दशक के लिए एक जो है इनकी क्लासिक गीत का रिमेक बनाया गया था। क्योंकि रणबीर सिंह की शादी नवंबर 2018 में होनी थी और शेट्टी ने शादी की तारीख से पहले ज़्यादातर प्रमुख दृश्यों की शूटिंग कर ली थी, और शादी के बाद जो है केवल अंतिम दृश्यों को फिल्माया जाना बाकी था, क्योंकि गोवा में एक यानी कि ढाबा लड़ाई के दृश्यों के पैच वर्क को पूरा करने के लिए रणबीर सिंह के लिए एक जो है डबल का इस्तेमाल किया गया था, और विभिन्न यानी कि कैमरा और कोनों का उपयोग किया गया था ताकि डबल सिंह के सामने यानी कि हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार रणबीर सिंह की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है सिम्बा। तो दोस्तों, अगर आप भी सिम्बा फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं रणबीर सिंह के बारे में और इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने अब तक कितनी फिल्मों में अभिनय किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे रणबीर सिंह के रियल लाइफ के बारे में, इनकी जन्म कब हुई थी और इन्होंने सबसे पहले कौन सी फिल्म में अभिनय किया है। यहाँ से हम बात करेंगे रणबीर सिंह के बारे में। बता दें दोस्तों, मैं जिस मूवी को रिव्यू करता हूँ उस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में आप लोगों को जरूर बताता हूँ। इंडिया यूनिवर्सिटी एंड साथ ही ब्लू मिश्रक के स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद रणबीर सिंह अभिनय करियर बनाने के लिए भारत लौट आए थे। उन्होंने विज्ञापन में संक्षेप में काम किया और 2010 में यशराज फिल्म की रोमांटिक कॉमेडी बैंड बाजा बरात फिल्म में एक प्रमुख भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की। फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मूवी के रूप में उभरी, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म पर पुरस्कार मिला था। उन्होंने लुटेरा फिल्म 2013 में नाटक फिल्म में एक जो उदासीन चोर की भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी, और संजय लीला भंसाली के साथ अपने सहयोग से खुद को स्थापित किया था, जिसके जो है शुरुआत इंसाती रोमांस जो है गोलियों की रासलीला रामलीला फिल्म से किया गया था। रणबीर सिंह ने भंसाली के पीरियड ड्रामा फिल्म बाजीराव मस्तानी मूवी 2015 की और पद्मावत फिल्म 2018 में कुरमज जो है बाजीराव प्रथम और अलाउद्दीन खिलजी को चित्रित करने के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की थी। उन्होंने पूर्व के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार और बाद के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड अर्जित किए हैं। एक्शन फिल्म सिम्बा मूवी जिसे 2018 के साथ जिसमें जो है उन्होंने शीर्षक चरित्र निभाया था और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गया था। उन्होंने जोया अख्तर के संगीत नाटक गली बॉय फिल्म 2019 में एक महत्वाकांक्षी यानी कि रैपर की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एक और फिल्मफेयर पुरस्कार इनको दिया गया। बता दें दोस्तों, अभिनय के अलावा रणबीर सिंह ने टेलीविजन गेम शो द बिग पिक्चर 2021 की और 2022 की मेज़बानी की है और कई ब्रांडों और कई उत्पादनों का समर्थन किया है। उन्होंने अपने सह कलाकार दीपिका पादुकोण से शादी की है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं रणबीर सिंह के बारे में। तो अगर आप इनके फ़ैन हैं और इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों, इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं और फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। बता दें दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलता है। रणबीर सिंह के जन्म के बारे हम बात करें तो इनका जन्म 6 जुलाई 1985 को हुआ था। 85 को मुंबई शहर में हुआ था। एक सिंधी हिंदू परिवार में अंजू एंड साथी जगजीत सिंह भवनानी के घर में इनका जन्म हुआ था। भारत के विभाजन के दौरान उनके दादा दादी कराची एनसाती सिंह जो है वर्तमान एनसाती पाकिस्तान में बंबई चले गए थे। उनकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम जो है रितिका भवनानी रखी गई है। रणबीर सिंह जो है यानी कि चांद वर्ग के पोते हैं, जो कि अभिनेता अनिल कपूर और पत्नी
उनकी पत्नी सुनीता कपूर की भावनानी की बेटी सोनम कपूर के मामा दूसरे चचेरे भाई है। रणबीर सिंह बताते हैं कि उन्होंने अपना उपनाम जो है भावनानी छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह नाम बहुत लंबा और बहुत अधिक शब्द होगा। इसी प्रकार उनके यानी कि ब्रांडों को बिक्री योग्य इन वस्तुओं के रूप में कम कर दिया था। रणबीर सिंह हमेशा एक अभिनेता बनने की ख्वाहिश रखते थे, कई स्कूल नाटकों और कई बार जो है इनकी विवाद में भाग लेते थे। हालांकि मुंबई में HR कॉलेज ऑफ यानी कि कॉमर्स एंड के साथ जो है इकोनॉमिक्स में शामिल होने के बाद रणबीर सिंह ने महसूस किया था कि फिल्म उद्योग में यानी कि ब्रेक प्राप्त करना और आसान नहीं था। यह महसूस करते हुए कि अभिनय का विचार बहुत दूर की यानी कि कौड़ी था और रणबीर सिंह ने रचना यानी कि रचनात्मक और लेखन पर ध्यान केंद्रित किया था और वह संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे जहाँ पे उन्होंने इंडियन के साथ विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और विश्वविद्यालय में उन्होंने अभिनय कक्षाएं लेने का फैसला किया था और थिएटर को अपने जहन की नाबालिग के रूप में लिया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद और 2007 में मुंबई लौटने के बाद रणबीर सिंह ने कुछ वर्षों तक एक कॉपी राइटर के रूप में विज्ञापन में काम किया था और वह एंड के साथ जो है एम और जो कि उनके साथ वाल्टर एसाथी एस यानी कि थम्पन्स के साथ जैसे जो है एजेंसियों के साथ उन्होंने सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया था, लेकिन अभिनय को आगे बढ़ाने के लिए इसे छोड़ दिया और इसके बाद उन्होंने निर्देशकों को अपने जहन की पोर्टफोलियो भेजने का फैसला किया था और वह सभी प्रकार के ऑडिशन के लिए जाते थे लेकिन उन्हें कोई भी अच्छा अवसर नहीं मिला, जबकि केवल यानी कि छोटी भूमिकाओं के लिए कॉल आ रहे थे। और इसके बाद जो है सब कुछ इतने यानी कि अंधाकरण था और यह बहुत यानी कि निराशाजनक हो चुके थे और कई बार जो है मुझे लगता था कि मैं जो है इनकी सही काम कर रहा हूँ या नहीं, ऐसे इनके दिल में ख्याल आते थे। तो दोस्तों अभिनय इनके लिए भी आसान नहीं था क्योंकि अभिनय के अंदर करियर बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और ये बात रणबीर सिंह को खूब पता है क्योंकि इन्होंने पहले शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। उसके बाद इनको बैंड बाजा बारात फिल्म में ब्रेक मिला जहाँ पर इन्होंने एक अच्छी अपनी जो है कलाकारी दिखाई और एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए फिल्म को अच्छे रिस्पांस मिले जो कि साल की स्लीपर हिट मूवी साबित हुई जो कि यशराज फिल्म के द्वारा इस मूवीज को बनाया गया था। बता दें दोस्तों साल 2010 में रणबीर सिंह ने मनीष शर्मा की बैंड बाजा बारात फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑडिशन दिया जो प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। उनके ऑडिशन से प्रभावित होकर निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उन्हें जो है अनुष्का शर्मा के साथ भूमिका के लिए कास्ट किया। रणबीर सिंह ने बिट्टू शर्मा की अपनी भूमिका को दिल्ली के एक विशेष लड़के के रूप में वर्णित किया जो भूमिका की तैयारी के लिए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के साथ समय बिताया था। साथ ही 15 व्यापार इन पत्रकारों से इस फिल्म की व्यावसायिक अपील के बारे में आपत्तियों के बावजूद जो है फिल्म 18 यह फिल्म जो है इनकी स्लीपर हिट के रूप में उभरी थी। दोस्तों फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो फिल्म की कहानी 1700 ईस्वी से लेकर 1740 ईस्वी और उनकी दूसरी पत्नी मस्तानी की कहानी को फिल्म के अंदर बताई गई है। दोस्तों बाजीराव मस्तानी फिल्म को लेकर साल 1990 के दशक की शुरुआत में संजय लीला भंसाली सर ने 2003 में इस फिल्म की घोषणा की थी, लेकिन इसके बदलते कलाकारों के कारण उत्पादन में कई देरी हुई थी। अब संजय लीला भंसाली के लिए एक जुनूनी योजना ये मूवी बन गया था जो साल 2014 में पुनर्जीवित होने से पहले अगले 11 साल विकास नरक में बिताए थे। तो बाजीराव मस्तानी फिल्म की प्री प्रोडक्शन शुरू होने से पहले व्यापक शोध भी किया गया था। इसमें 22 अत्याधिक 20-30 सेट लगाए गए थे। कई परियोजनाएं के साथ फिल्म की निर्माण जो है आवश्यक हो गई थी और इसकी समृद्धि और उच्च उत्पादन मूल्यों के मजबूत करने के लिए सराहा गया था। बता दें दोस्तों मुख्य फोटोग्राफी फिल्म सिटी में निर्मित सेटों पर हुई थी जिसमें कुछ हिस्सों को स्थान पर लिया गया था। साथ ही साथ कई दृश्यों को बदल के लिए दृश्य के साथ प्रभाव और CGI का उपयोग पोस्ट प्रोडक्शन में किया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को 18 दिसंबर 2015 को रिलीज किया गया था और संजय लीला भंसाली के निर्देशन विभिन्न तकनीकी उपलब्धि और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की गई थी। साथ ही बाजीराव मस्तानी मूवी को इसके पैमाने इन साथी व्यथा और विस्तार पर ध्यान देने के लिए भी जाना जाता है। तो वहीं पे बात कर ले बाजीराव मस्तानी फिल्म के अवार्ड के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म को 7 राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। इसमें
भंसाली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और आजमी के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेत्री शामिल है। बता दें दोस्तों, इस फिल्म के लिए सबसे पहले संजय लीला भंसाली सर ने मराठा पेशाव बाजीराव और उनकी दूसरी पत्नी मस्तानी के बारे में ऐतिहासिक रोमांस की कल्पना किया था, जो सन 1996 में अपनी पहली फिल्म जो है खामोशी द म्यूजिकल के निर्देशन से पहले ही कर ली थी। दोस्तों, फिल्म के लिए मुजफ्फर अली, एन मनमोहन देसाई और साथ ही कमाल खान के सांचे हैं मनोहर जैसे कई अन्य निर्देशक ने दो ऐतिहासिक इन साथी शक्तियों के बारे में एक फिल्म बनाने की पेशकश की थी, लेकिन वह कभी नहीं चाहते थे इस फिल्म को बनाना। और देवदास मूवी 2002 रिलीज होने के बाद भंसाली ने बाजीराव मस्तानी फिल्म बनाने का इरादा किया था, जो साल 2003 में आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा भी कर दी गई थी, जिसका फिल्मांकन 2014 में शुरू होने वाला था। हालांकि आपको बता दें, फिल्म जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी, इसके कारण एक भंसाली के साजुन के स्वभावित्व एन साथी पुनरुद्ध के बारे में रिपोर्टर्स ने बताया था। तब से जो है उनके साथ इन साथी सुर्खियां में बटोरी गई थी और संजय लीला भंसाली ने इसे हर दूसरे साल जो है पुनर्जीवित करने की योजना बना रहे थे, लेकिन यह परियोजना कभी भी सफल नहीं हुई। इसी के साथ द टेलीग्राफ के साथ एक साक्षात्कार में संजय लीला भंसाली ने बीच बीच में अपनी हर फिल्म को खत्म करने के बाद बाजीराव मस्तानी बनाने के अपने जो है इरादे के बारे में बात करते हुए कहा था। उन्होंने ये भी कहा था, बार बार पुनर्जीवित करने की कोशिश जो है करता रहा हूं, लेकिन अगर कोई भी एक चीज है जो फिल्म निर्माण ने मुझे जो है उनके साथ सिखाया है, और उन्होंने ये भी कहा, हर फिल्म की अपनी जो है की नियति होती है और मेरा दृढ़ यानी कि विश्वास है कि बाजीराव मस्तानी फिल्म और साथ ही काशी बाई की आत्माएं जो है की चाहती थी कि हम अभी भी ये फिल्म बनाएं, और इसी के साथ जो है प्रक्रिया में फिल्म के लिए एक जुनून परियोजना ये मूवी उनके लिए बन गया था। यह फ्रेंड्स आपने सही सुना। तो दोस्तों, इसी के साथ फिल्म के विकास के नरक में 11 साल बिताने के बाद जो है संजय लीला भंसाली ने 2014 में इसी परियोजना को पुनर्जीवित किया और फिल्म को नागनाथ इसके साथ जो है ईमानदार धारा मराठी भाषा के उपन्यास राव के साथ साल 1976 का रूपांतरण बताया था, जो परियोजना के बंद होने के बाद भंसाली ने कहा था कि उन्हें फिल्म को एक साथ रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और उन्होंने इसी परियोजना को बनाना चाहते थे। और आपको बता दें, असंभव माना फिर भी वो किसी यानी कि दिन ये कहते हुए फिल्म बनाने की अपनी जो है की महत्वाकांक्षा पर अड़े रहे थे, जहाँ पे इसमें जादू रखी गई है। कुछ फिल्म जो है उद्योग के पेशेवर को मानना था कि इसे कभी नहीं बनाया जाएगा और इसे अजीब कहा जाता है, और भंसाली हमेशा इसी परियोजना में विश्वास करते थे, जो खुद को अस्वस्थ करते हुए उन्होंने स्क्रिप्ट जो है इतनी शक्तिशाली थी कि उन्हें इसे एक दिन बनाना पड़ गया। और उन्होंने इस फिल्म के लिए द टेलीग्राफ को बताया था, और ईमानदारी से मुझे जीवन में यानी कि बहुत कम चीजें थी, उन्होंने ये भी कहा था, और इसीलिए उनको पता है कि मैं उन सभी को प्राप्त करने के लिए प्राप्त जो है चलाता हूँ। और 11 साल में ब्रह्म से मुझे ये भी फिल्म बनाने के लिए कहा गया था, और आप अपने जो है सपने देखते हैं, वास्तव में तो मेरा यानी कि मानना है कि आपको इसे पूरा करने की शक्ति भी मिलती है, और बाजीराव मस्तानी फिल्म को आगे बढ़ाने में मैं जो है कि लचीला बन गया था और बहुत केंद्रीय रहा था, और मैंने बहुत सी चीज़ों का त्याग भी इस मूवीज के लिए उन्होंने किया, ये भंसाली सर ने अपने रिपोर्टर्स में लिखा हुआ है। दोस्तों, अब इस फिल्म के लिए मुख्य रूप से रोमांटिक ड्रामा बनाने के लिए जाने जाने वाले भंसाली दो लोगों के बीच रोमांस के बारे में चिंतित थे, जिन्होंने सब कुछ जो है टाल दिया था फिल्म के लिए, बस एक दूसरे के साथ प्यार में रहने के लिए और 200 साल पुरानी कहानी बताने के लिए उत्साहित थे। वह बाजीराव और मस्तानी के बीच के संबंध को दिखाना चाहते थे दुनिया को, क्योंकि इसे इतिहास की किताबों में शायद ही कभी जो है चित्रित किया गया था, और इसके बारे में बहुत कम जानकारी भी उस वक्त मिली थी। उन्होंने लंबे समय से मराठा एंड पृष्ठभूमि और नायक के विभिन्न धर्मों की प्रशंसा की थी। बाजीराव हिंदू थे और मस्तानी मुस्लिम थी, जिसके वजह से जिसने और अधिक जो है जानने और कहानी कहने की ओर उनकी जो है रुचि को आगे बढ़ाया था। उन्होंने इसे धर्म और प्रेम पर जो है टिप्पणी करने के अवसर के रूप में देखा, यह कहते हुए कि उस समय जो है लोग नहीं चीजों से यानी कि नाराज होते थे जो आज उन्हें जो यानी कि ठेस पहुंचाती थी। इसी फिल्म के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहता हूं कि प्रेम सबसे बड़ा धर्म होता है। बता दें दोस्तों, प्रकाश आर जो है कपाड़िया ने पटकथा लिखी और निर्माताओं ने उपन्यास के अधिकार जो है हासिल कर लिए थे, और इतिहास जो है उनके साथ निनाद इन साथी बेडेकर के साथ काम किया था, जो कपाड़िया ने कहा था कि ऐतिहासिक जो है संदर्भ को देखते हुए पटकथा लिखना एक यानी कि कठिन काम था और एक बड़ी जिम्मेदारी थी। बताया दोस्तों, कबाड़िया और उनके साथ भंसाली ने फिल्म के कई पहलुओं को प्रस्त यानी कि प्रस्तुत करते हुए इसकी अवधारणा के बारे में लिखा था और लगातार इस स्क्रिप्ट पर काम किया था। बताया दोस्तों, 12 साल पहले लिखी गई पटकथा को ध्यान में रखते हुए इसमें कई बदलाव किए गए थे। तो पटकथा में कई सारे बदलाव किए गए थे, जैसे कि आपको बता दें, फिल्म की लंबाई कम करना और आधुनिक जो है दर्शकों के अनुरूप गति बढ़ाना। हालांकि उपन्यास से अनुकूलित जो है फिल्म के नायक के बीच
बीच रोमांच को इतिहास की किताबियों में और साथ ही अभिलेखागर के साथ अच्छी तरह से प्रलेख की गई थी और साथ ही साथ कहानी के कई जो संस्करण मौजूद है और फिल्म के लिए नाटक निर्माण और साथ ही घटनाओं को उजागर करने के लिए कई जो है सिनेमा और साथ ही स्वतंत्र शामिल थे। बता दोस्तों भंसाली मूल रूप से ऐश्वर्या राय के साथ सलमान खान की जोड़ी हम दिल दे चुके सनम फिल्म 1999 को दोहराना चाहते थे, लेकिन उनके अत्यधिक जो है प्रचारित ब्रेक अप के बाद उन्होंने एक साथ नहीं काम किया था। एक साथ कास्ट नहीं करने की वजह से सलमान खान ने तब अपनी जो है इनकी तत्कालीन प्रेमिका कैटरीना कैफ को मस्तानी की भूमिका के लिए सुझाव देने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। तो जब 2003 में अंततः फिल्म की घोषणा की गई तो भंसाली ने खान और करीना कपूर को मुख्य भूमिका में लिया था, जिसमें रानी मुखर्जी ने बाजीराव की पहली पत्नी का काशी भाई की भूमिका निभाएंगी। हालांकि यह विचार तब जो है समाप्त हो गया जब अभिनेता सलमान खान और कपूर ने एक साथ अन्य जो फिल्में साइन की। भंसाली अपनी जोड़ी दिखाने वाले पहले निर्देशक जो है बनना चाहते थे, इसीलिए फिल्म को रोक दिया गया और भंसाली ने अन्य फिल्मों का निर्देशन किया। बताया दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे बाजीराव मस्तानी फिल्म को, जिसे 2015 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े काफी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। बता दें दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगले 10 वर्षों में बाजीराव मस्तानी फिल्म के लिए निर्माण और कास्टिंग के बारे में मीडिया की अटकलें जारी रही थी, जो साल 2014 में फिल्म को पुनर्जीवित करने के बाद फरवरी में अजय देवगन एंड दीपिका पादुकोण को फिल्म के लिए संपर्क करने की खबरें आई थी सामने, इन सुर्खियां बटोरी गई थी। हालांकि अजय देवगन को फिल्म से बाहर कर दिया गया था। हालांकि संजय लीला भंसाली के साथ उनके अनुबंध की गई थी और शर्तों जैसे कि आपको बता दें तारीखों और शादी परिश्रमिक के लेकर और मतभेदों के कारण जो है अगले महीने यह बताया गया था कि रणबीर सिंह बाजीराव फिल्म की भूमिका निभाने के लिए बातचीत कर रहे थे और उसी महीने रिपोर्टर्स ने यह भी बताया था और ये भी सुझाव दिया था कि प्रियंका चोपड़ा को बाजीराव की पहली पत्नी काशी बाई की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। अब जुलाई 2014 में यह आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई थी कि रणबीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण और चोपड़ा को मुख्य भूमिका निभाने के लिए अंतिम रूप दे दिया गया था मूवी के लिए। अब चोपड़ा फिल्म में शामिल होने वाले पहले अभिनेत्री थी जो कि भंसाली चाहते थे कि काशी भाई को पहले कास्ट किया जाए, जिसके बाद ही वह यानी कि ये तय कर सकेंगे कि शीर्षक जो भूमिकाओं के लिए किसे यानी कि कास्ट करना सही रहेगा। चोपड़ा स्टारर मैरी कॉम के साथ साल 2014 का निर्माण करने वाले भंसाली लेखक एन प्रकाश कबाड़िया के साथ साथ जो इसे सुनाने के लिए उनके साथ मनाली में उसी फिल्म के सेट पर गए थे, जो भंसाली चोपड़ा की अपनी पसंद पर अरे थे, जिन्होंने याद किया था बाकी फिल्म में जो है कि अभी तक नहीं डाली गई थी मेरी तस्वीर होगी और बाजीराव और मस्तानी के लिए तस्वीरें बदल दी गई थी। दोस्तों इस फिल्म के लिए मिलिंद सोनन के साथ अगस्त 2014 के अंत में कलाकारों में शामिल उनको किया गया, जो सितंबर 2014 के अंत में यह पुष्टि की गई थी कि तन्वी आजमी को बाजीराव की मां इन साथी राधाबाई की भूमिका के लिए चुना गया था और इसी भूमिका के लिए शबाना आजमी, एंडिबल कबाड़िया और सुप्रिया पाठक पर भी विचार किया गया था। साथ ही साथ अगले महीने आदित्य पंचोली एक विरोधी के रूप में कलाकारों में शामिल हो गए, जो नवम्बर 2014 में बाजीराव की बहनोई की कास्टिंग को अंतिम रूप दिया गया था, जो इस फिल्म के लिए उनके साथ की सुखादा इन आखिरी के साथ अनुबाई के रूप में और अनुजा गोखले के रूप में उनके साथ की भ्यू बाई के रूप में काम किए गए थे। अगले महीने महेश मंजरेकर को मराठा इन साथ सम्राट छत्रपति शाहू की भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया मूवी के अंदर, जो अब जनवरी 2015 में यह घोषणा की गई थी फिल्म के बारे में वैभव तथा वदी को बाजीराव के छोटे भाई यानी चिमाजी अप्पा की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो इरफान खान को फिल्म के कथानक के रूप में इस फिल्म में लिया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। दोस्तों अगर आप बाजीराव मस्तानी फिल्म को देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी फिल्म के ऊपर बात कर रहे हैं और इस मूवी से जुड़े काफी अननोन फैक्ट को बता रहे हैं। बताया दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। या फ्रेंड्स आपने सही सुना। फिल्म के लिए रणबीर सिंह ने अपने चरित्र को सच्चे मराठा के रूप में वर्णित किया है, जितना कि आपको बता दे 11 में इसमें जो है यानी कि जाता हूं और इतनी ही मुझे जो एहसास होता है कि वह कितने महान व्यक्ति थे। इसी चरित्र को निभाने के लिए चुना जाना एक बड़ा सम्मान है। साथ ही साथ वह उन्होंने कहा था कि हमेशा खुद को एक चित्र यानी कि एक चरित्र में बदलना चाहते थे और बाजीराव फिल्म की भूमिका निभाने से उन्हें वह गुंजाइश मिली, जिसके बारे में उन्होंने कहा था
था और वह हर तरह से यानी कि थका देने वाला और उनके साथ थका देने वाले थे, जो कि बाजीराव को चित्रित करने के लिए रणबीर सिंह की तैयारी के लिए उन्हें खुद को अपने अस्तित्व के साथ जो है अलग करने और बाजीराव फिल्म की तरह रहने की आवश्यकता थी। उन्होंने चलक दल के सदस्यों को उन्हें बाजीराव के रूप में संबोधित करने का निर्देशन किया गया था, जिससे उन्हें अपने चरित्र में बने रहने में मदद मिली थी। जो रणबीर सिंह उन लोगों को जवाब नहीं देंगे जिन्होंने उनके असली नाम का इस्तेमाल किया होगा, उन्होंने ये भी कहा, जो मैं यानी कि उससे अलग होने में बहुत मेहनत हूँ और साथ ही मेहनत लगता है, जो कि फिल्म के तैयारी होने में मेकअप और भारी जो है पोशाक के साथ पूरा होने में कई घंटे लगते थे, और इन सब के बाद जो है अगर कोई यानी कि मुझसे सिर्फ रणबीर को कहता है तो आपके शॉट तैयार होते हैं, सब बेकार चला जाता है। और दीपिका पादुकोण ने अपने चरित्र को बहुत ही भरोसेमंद पाया और यह कहते हुए वह बहुत यानी कि बहादुरी मजबूती के साथ जो है इस फिल्म के लिए साथ दृढ़ निश्चय के साथ फिर से इस फिल्म में उन्होंने नाजुक और कमजोर के साथ अभिनय किया, वो भी अपने चरित्र से प्रेरित थी और चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाते हुए पाई गई थी फिल्म के लिए, और ये शारीरिक रूप से साथ ही मांगलिक था और इसके लिए बहुत अधिक जो है नृत्य की इन साथ आवश्यकता होती थी। जो दीपिका पादुकोण ने कहा था चरित्र की अलग अलग जो है यानी कि पढ़ते हैं, एक मिनट वह युद्ध के मैदान में जाते हैं जहाँ पे अगले ही मिनट वह उसके साथ रोमांच करती है, और चोपड़ा को उनके चरित्र के कारण फिल्म की ओर आकर्षित किया जाता था, जो उन्होंने सोचा था कि बहुत दिल तोड़ने वाला था। उन्होंने कहा था कि काशीबाई का किरदार निभाना इन साथी भावनात्मक पूर्व कठिन था, और उन्होंने अपनी अधिकांश फिल्मों में जिन मजबूत यानी महिलाओं को चित्रित किया है वह उनके बिल्कुल जो है विपरीत होगा, और उसने अपने चरित्र का वर्णन भी किया था इसी मूवी के लिए और ऐसे व्यक्तित्व के रूप में किया जो कि दिल उनका टूट गया था इसके लिए, और एक मूक प्रेत के साथ जो प्रतिष्ठ के साथ लचीला बन गए थे और अपने जीवन का प्रभार भी उन्होंने संभाला था। दोस्तों, इस फिल्म के अंदर एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में किया जो कि उनका दिल टूट गया है और एक मूक प्रेत प्रतिष्ठी के साथ जो है लचीला अपने जीवन का प्रभार नहीं ले सकते हैं, जो कुछ भी उसके रास्ते में आता है उसके साथ चला जाता है, बस आग के नीचे उनके साथ रहना पड़ जाता है। बता दोस्तों, अपने पैमाने को ध्यान में रखते हुए फिल्म को विस्तृत और साथ ही असाधारण प्री प्रोडक्शन कार्य की आवश्यकता की गई थी, इसके लिए व्यापक शोध और साथ ही योजना की आवश्यकता पड़ गई थी, और साथ ही आपको बता दें सलोनी इन साथ ही धत्रक के साथ जो है श्रीराम इन साथ ही अयंगर और सुजीत जो है सानवा के साथ फिल्म में प्रोडक्शन के डिजाइन के रूप में काम किया गया था। दोस्तों, फिल्म के बारे में अपने पैमाने को ध्यान में रखते हुए फिल्म को विस्तृत और असाधारण प्री प्रोडक्शन कार्य की आवश्यकता की गई थी, जिसके लिए उन्होंने व्यापक शोध किया और योजना की आवश्यकता सलोनी के साथ धात्रक के श्रीराम अयंगर के साथ किया गया था। दोस्तों, अयंगर और साथ ही सावंत ने एक अन्य फिल्म पर काम करने के लिए फिल्म के बारे में बात किया था और सुना था। ये पहली बार इसकी घोषणा की गई थी कि भंसाली से कभी नहीं मिलने के बाद भी उन्होंने पुणे और सतारा जाकर खुद ही इस फिल्म के लिए बात किया था। बता दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म के बारे में। तो दोस्तों, ये मूवी कौन से आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, फिल्म के लिए मराठा इन साथी वस्तुकला के साथ जब फिल्म को स्थगित कर दिया गया था तो उन्होंने काम के लिए अन्य फिल्म निर्माताओं से संपर्क करने की उम्मीद में शोध करना जारी रखा और एक जो है इनकी पोर्टफोलियो बनाया था, और कई वर्षों बाद जब उन्होंने इस मूवी के लिए इन साथी पुनरुद्धार के बारे में सुना तो वह भंसाली से मिले जो कि उनके शोध और शादी प्रस्तुति से प्रभावित हुए थे, और आपको बता दें मुगलों पर और सोच चाहते थे कि भंसाली उन्होंने साथी धात्रक के साथ सगाई की जो कि अयंगर और शादी सावन में शामिल हो गए थे। इसके बाद भंसाली ने कला निर्देशक मूवी के साझे पद का था साझा की और अपनी जो है दृष्टि और उत्पादन के पैमाने का वर्णन किया था इस मूवी के लिए। दोस्तों, फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम जो है फरवरी 2014 की शुरुआत में शुरू हुई थी, जहां पे मूवी के शूटिंग के आगे बढ़ने के साथ साथ जो अक्टूबर 2015 में फिल्मांकन पूरा होने तक जारी रखा गया था, साथ ही 19 महीने तक चला था। और आपको बता दें प्री प्रोडक्शन का काम शुरू होने से पहले कला निर्देशकों ने भंसाली के साथ जो इनकी चर्चा की थी फिल्म को सेट और साथ ही बाहरी स्थानों पर कितना जो फिल्माया जाएगा, जिससे उन्हें यह अंदाजा हो गया था कि उन्हें कितने सेट बनाने की जरूरत है। एक बार सेट और साथ ही लोकेशन के साथ शॉट की संख्या तय हो जाने के बाद प्रोडक्शन आगे बढ़ गया था। आपको बता दें फिल्म के लिए शनिवार बाड़ा के सेट पर फिल्म के लिए बनाया गया था, जो कला निर्देशकों के साथ कला इन सहायक निर्देशक के साथ जो है जिनमें जो है कि आर्किटेक्टर के साथ डिजाइन किया गया था
जो फिल्म के स्केच कलाकार और शादी प्रशंसक के कलाकार के साथ शामिल थे। शामिल किया गया था फिल्म सिटी में एक फ्लो चार्ट के बाद जो है 22 सेट बनाए गए थे मूवी की शूटिंग के लिए, जिसमें जो है लगभग 960 स्केच तैयार किया गया था। और आपको बतला दे अनगिनत से लेकर जो है लेआउट शामिल थे मूवी के लिए। और सबसे बड़े सेट शनिवार को किया गया था और आईना महली के साझो सटीक प्रतिक्रिया में हुई थी, जो कि भव्य और शादी जटिलता पर अच्छे थे। जो शनिवार वडा सेट उनके द्वारा तैयार किया गया था और बनाया गया था। ये सेट जो है सबसे बड़ा सेट था और इसे 45,000 तख्तों और 600 जो है श्रमिकों के एक दिन में खड़ा करने में लग गए थे। जो इसका निर्माण जो है फिल्म सिटी के सबसे बड़े खुले स्थानों में किया गया था, जो कि सुनील मैदान पर किया गया था, और इसे बनाने में इन सभी 45 दिन लग गए थे। और आपको बता दें काशी भाई मूवी के कमरे का निर्माण भी किया गया था, निर्माण किए जाने के बला जो है पहला शेड किया गया था, जिसे जो है 25 डिजाइनों के माध्यम से इन साथी नेविगेट करने के बाद जो है विस्तृत किया गया था। कला निर्देशकों ने पुणे नासिक और साथी जो है इनके 17 के साझे वस्त्र शिल्प के साथ अनुसंधान किए गए थे, जो प्राचीन कला के आंतरिक के साथ इन बाहरी डिजाइनों को समझने के लिए इन साथी जो है इनके किले बंदी और वेसन के साझे दीवारों पर शहर के फटाके का अध्ययन किया और उन विचारों को काशी भाई के विला के निर्माण में शामिल किया गया, जो शेड को वास्तविक रूप देने के लिए मिट्टी से ढकी दीवारों और साथी यानी कि हस्तनिर्मित बनाकर काम करने के रूप में इस मूवी की शेड को तैयार किया गया था। बताए दोस्तों फिल्म के आईना महल में सबसे पहले प्रतिदिन और प्रतिदिन जो है यानी कि 100 श्रमिकों के साथ जो है 4,500 तख्ते लगाए गए थे। जो फिल्म के सेट को कमल जैसा जो है डिजाइन किया गया था, जिसमें जो है दीवारों छत और साथ ही फर्श को चमकाया गया था, जो कि दर्पण डिजाइनों के साथ जो है यानी कि हस्तनिर्मित किए गए थे, जो मिट्टी से बनाया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें आईना महल की प्रतिक्रियता के साथ जो है निर्माण 40 दिनों में किया गया था, इसमें जो है 30,000 वर्ग फुट से शामिल थे और अधिक जो है दर्पणों थे, जहां पे हॉल को सजाने के लिए 700 से अधिक जो है डिजाइन इंसादी एस्टेसिंग किए गए थे। बता दोस्तों आपको उपयोग किया गया था मूवी के लिए, हालांकि मिरर हॉल के साथ एक जो है मुगल एन शादी अवधारण थी, जो कला निर्देशकों ने इसे मराठा वस्तुलित के साथ काम किया था और हर तरह के दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। आपको बता दें मस्तानी महल का निर्माण जो है राजपूत और मराठा वस्तुलकर के साथ मिश्रण के साथ रूप में किया गया था। और आपको बता दें मस्तानी महल के 12वें हिस्से को शनिवार वडा के हिस्से के रूप में बनाया गया था, जबकि अंदरूनी हिस्से को अंगर और शांति जो है कि शनकच के लिए मिलकर अलग अलग जो है कि अलग अलग सेटों पर तैयार किए गए थे, जहाँ पे बुंद लेखक में और साथ ही मस्तानी के कमरे को फारसी के साथ मुगल और राजपूत के साथ जो है रूपांकों में और वस्त्र के साथ मिश्रण का उपयोग करते हुए तैयार किया गया था। अब आपको बता दें सभी शेडों को भव्य इन वस्तुओं के साथ जो है प्रोपो से इन साथी यानी कि सुसज्जित किया गया था। और आपको बता दें ताकि जो है इनके आंतरिक भाग को प्राचीन किया गया था, मराठा साम्राज्य का अनुभव दिया जा सके सेट को रोशन करने के लिए केवल जो है मिट्टी के दियो और साथ ही मशालों का इस्तेमाल किया गया था। जो रेशमी साड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, इसमें 18वीं सदी के यानी कि रूपांकों के साथ जो है इनके बेडशीट और साथ ही हाथ के साथ पेंट के साथ की गई थी। और आपको बता दें इसी के साथ 18वीं सदी की बनावट जो है कपड़े हथियार तैयार किए गए थे। जो अनुभवन और साथी फर्नीचर को फिर से बनाने के लिए साथी शिल्पकारों को काम पर रखा गया था और फिल्म के लिए लगभग जो है 30,000 तेल के पैंक के साथ बनाए गए थे। जो युद्ध के दृश्यों के लिए कवच के 500 सूट तैयार किए गए थे और उसी दौर में उनके साथ पहले जाने वाले टोपी और जूते भी तैयार किए गए थे। जो कवच और टोपी का वजन जो है क्रमश यानी कि 10-20 किलो से कम नहीं था। जो टीम ने युद्ध के दृश्यों के लिए विभिन्न यानी कि प्रकार के सेट के साथ तैयार किए गए थे। इन साथ ही लाइटिंग प्रशंसा के साथ हाथी और घोड़े की सजावट जो है सहित प्राप्त किए गए थे। जो फिल्म के डिजाइन किए गए थे इन साथ ही मुंबई में बनाए गए थे और उन्हें जो है बाहरी स्थान इन साथ ही राज्यसभा में ले जाया गया था। बता दें दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे बाजीराव मस्तानी फिल्म के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। बता दें दोस्तों इस फिल्म की वेशभूषा संजू मोदी और साथी मैक्सिमा में वसुधारा डिजाइन की गई थी, जो मोदी ने तीनों मुख्य इन पात्रों के लिए कपड़े डिजाइन किए थे और बासु ने सहायक कलाकारों के लिए डिजाइन किए, जो कि अतिरिक्त और साथी युद्ध जो है अतिरिक्त के लिए वेशभूषण क्रोमस अजय और साथी जो है चंद्रकांत धारा की गई थी, जो भंसाली ने पात्रों और उनकी भावनाओं और साथी व्यक्तित्व को साइन में रखते हुए इन समझ में रखते हुए मदद करने के लिए डिजाइनकारों के साथ काम किया था। अब आपको बता दें 20 स्क्रिप्ट के साथ जो है
पठन सत्र किया गया था जो 18वीं शताब्दी की वेशभूषा और साथ ही व्यक्तियों के साथ प्रतिबंधित करेगा। जो बासु ने कई जो है प्राचीन इन साथी समारोह के साथ, जैसे आपको बता दें चौमहल के साथ जो है प्लेस में छत्रपति एन साथी शिवाजी के साथ, महाराज वस्तुत के साथ एन संग्रहालय के साथ जो है सलार के साथ जन के साथ संग्रह किए गए थे। जो अजंता एलोरा के साथ जो है गुफाओं का दौरा करने का अपना शोध शुरू किया गया था, जिसने जो उन्हें प्राचीन महाराष्ट्र इंडियन के साथ जो है इनकी संस्कृति का कुछ जो है यानी कि प्रति पेश किया गया था। उन्होंने कपड़ों और साथी वस्त्रों के इतिहास के बारे में अधिक जो है इनकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए इंदौर चंदेरी पैठन के साथ और साथ ही महेश्वर जैसे शहरों में शूट किए थे। बता दें दोस्तों अकेले 3 लीड के लिए लगभग जो है 300 इन साथी पोशाक तैयार किए गए थे, जो असली जारी के साथ जो है सोने के तारों का इस्तेमाल में लिया गया था जो पोशाक को बुनने के लिए किया गया था। आपको बता दें क्योंकि जो है कि काशी भाई की कोई भी तस्वीर और साथी मौजूद नहीं थे, जहां पे राजा रवि वर्मा के चित्रों को उनके रूप में वेशभूषा को डिजाइन कर सके। साथ ही साथ आपको बता दें संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया गया था जो मोदी ने चोपड़ा के लिए राजा रवि वर्मा के साथ जो है इनकी पेंटिंग से प्रेरित पीलो गर्म के साथ जो गुलाबी पन्ना हरे और बेंगलरी के साथ जैसे जो है कि चमकीले रंगों के साथ जो है 80 नौवारी या फिर जो है 9 गज की साड़ियों को डिजाइन किया था। साथ ही साथ आपको बता दें फिल्म के कॉस्ट्यूम निर्मित में उनके 7 गज की साड़ियों को महेश्वर चंदर और साथ ही साथ जो है कि वाराणसी के कारीगरों द्वारा बुना गया था, जो चोपड़ा को स्क्रीन पर बड़ा दिखाने से बचने के लिए उन्हें जो है सामान्य से थोड़ा जो है हल्का बनाया गया था। साथ ही साथ इस साड़ियों को बनाने के लिए उस दौर में पहने जाने वाले रेशम यानी कि मलमल खादी और चंदेरी के साथ जैसे कपड़े जो है डिजाइन किए गए थे, जो चोपड़ा की विशेषता वाले एक गाने के साथ जो है सीक्वेंस के लिए मोदी ने एक ही साड़ी के 6 सेट बनाए थे। आपको बता दें उस दौर में पोशाक के साथ जो धोती जामा होना जरूरी था क्योंकि उनके साथ अंगारखाओं को बड़े पैमाने पर पहनते थे, जो इसलिए वह बाजीराव मस्तानी के चरित्र के लिए प्रसिद्ध थे। जो आपको बता दें सफ़ेद क्रीम के साथ जैसे जो है ठोस रंगों की एक जो है विस्तृत जोड़ी पैलेट का उपयोग यानी कि उदास होता है और साथ ही भावनात्मक दृश्य के लिए किया जाता था, जबकि लाल इन साथी नारंगी नीले और हरे जो है हरे बैंगनी रंग का था उपयोग जो है उस शो के दृश्य के लिए किया गया था। साथ ही साथ बाजीराव के कवच को डिजाइन करने के लिए चेन और मेल के साथ जो है खाकी और साथ ही स्टील के 7 करोड़ के साथ नियोजित किया गया था और उसके लिए एक जो है कि दंतपात जो है तलवार भी बनाई गई थी और उनके साथ जो है मस्तानी के लिए मोदी ने अपनी जो है कि आर्ट इन साथी मुस्लिम जो है विरासत को चित्रित करने के लिए मुकेश और साथी जो है कि और दोजी के साथ हाथ मिलाए थे, जो कढ़ाई के साथ जो है कि मलमल खादी और साथी जो है पतले चंदेरी के साथ कपड़ों को फारसी और मुस्लिम कपड़ों को मिश्र का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म को, जिसे 2015 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम देंगे। तो दोस्तों अगर अभी बाजीराव मस्तानी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बताए दोस्तों मुख्य रूप से शरारा और साथ ही इसके वैतुपोर्ट जैसे जो है अनुगामी शरारा कम जो है भड़के वाले थे, जो शरारा और साथी यानी कि शिफान से बने जो है क्रिंकल शरारा, उन्हें सिर्फ एक जो है सीन के लिए लहंगा लिया गया था। उन्हें ओढ़नी और दुपट्टे जो है इनके घूंघट फर्श पर चढ़ने वाली और साथ ही अनारकली की तरह दिखने वाली जो है फारसी इन पजामा के साथ जो है इनकी अंगरखा किए दिए गए थे और साथ ही उसके कपड़ों के लिए फारसी प्रभाव वाले नरम रंग जैसे जो आपको बता दें पाउडर नीला इन पुदीना हरा हल्का जो है पीला कौवा के पीला जो है इनकी एक व नीला इन पाउडर जो है गुलाबी कलर के थे। अन्य जो है विशिष्ट चीनी के बारे में हम बात करें तो चीनी मिट्टी के बर्तन जो है रंगों का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही साथ इस फिल्म के लिए बिना कटे हीरे और साथ ही मोती जैसे जो है अनुभाषणों से और साथ ही अलंकृत एक जो है पगड़ी डिजाइन की गई थी। साथ ही साथ मस्तानी इन पोशाक में से एक के लिए मोदी ने अंगरखा के साथ जो है जैकेट बुना हुआ था। इन साथ ही लहरिया दुपट्टा शरारा और साथ ही आंतरिक जो है कुर्ती से मिलकर 5 जो है परत इन पोशाक तैयार की गई थी। बताया दोस्तों फिल्म में
महंगे और साथ ही असली जो है यानी कि गहनों का इस्तेमाल किया गया था और डिजाइनरों ने प्रत्येक जो है चरित्र के लिए अनुभाषण बनाए थे। जो मोदी ने कहा था कि इस फिल्म के लिए समझौता नहीं करना चाहते थे, इसलिए पात्रों के लिए आवश्यकता जो है सही रूप से देने के लिए असली जो है यानी कि बाशरम मोदी इन प्राचीन जो है पत्थर बिना जो है कटे हीरे जैसे जो है कि सर्वोत्तम इन साथी सामग्री का उपयोग किया गया था। आपको बता दें पारंपरिक जो है मराठी शैली के अनुभाषण का इस्तेमाल किया गया था जो काशी भाई को इन साथी स्टाइल करने के लिए किया गया था। साथ ही आपको बता दें जबकि जो है मस्तानी निजामी और साथी पुलकी के लिए आभूषणों का इस्तेमाल किया गया था और पुणे के पीएन के साथ जो है गडगिल और साथी दिल्ली के श्री हरि जो है ज्वेलर्स सहित कई जो है भारतीय इन आभूषण जो है डिजाइनकारों को काम पर रखा गया था। जो फिल्म के पोशाक इन साथी उत्पादन जो है डिजाइनरों ने प्राचीन मराठा इन साम्राज्य के वस्त्रों रंग के साथ जो है पटियों और कलाकृति के साथ जो अध्ययन करने के लिए इन संग्रहालय को कला इन साथी जो है इनके धेड़ाओं को इतिहास की किताबों के साथ जो है चित्रों इन साथी महलों इन मरिंदों के साथ जो है किलों में शामिल किए गए थे। अब आपको बता दें इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर की हम बात करें तो सुदीप चटर्जी सर ने एरी के साथ जो है एलेक्सा इन साथी एक सिटी लेंस का उपयोग करके जो है फिल्म की शूटिंग की। जो चटर्जी ने फिल्म शुरू करने से पहले व्यापक शोध किया था जो मुख्य फोटोग्राफी 9 अक्टूबर 2014 को चोपड़ा के साथ फिल्म सिटी मुंबई में सेट पर शुरू हुई। उसी महीने के अंत में रणबीर सिंह शूटिंग में शामिल हुए। फिल्म का अधिकांश भाग जो अत्यधिक जो है 20-30 सेटों पर शुरू किया गया था जो नवंबर के अंत में चोपड़ा एक जो है दृश्य को फिल्माते समय जो है कथा यानी कि कथावट के कारण सेट पर जो है बेहोश हो गए थे, जिसे जो है लगातार 10 बार जो फिल्माया जाना था। एक जो है डॉक्टर को बुलाया गया और कुछ जो है समय के लिए फिल्मांकन बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने शूटिंग फिर से शुरू कर दी और दीपिका पादुकोण दिसंबर 2014 के अंत के दिनों के लिए कलाकारों में शामिल हुई थी और अपनी अन्य परियोजनाओं के लिए काम पूरा करने के बाद अप्रैल 2015 में शूटिंग फिर से शुरू की थी। अब आपको बता दें फरवरी 2015 में जयपुर के आमेर किले में इस मूवी के साथ जो है आउटडोर लोकेशन के साथ फिल्मांकन शुरू हुआ था, जहां पे फिल्म के भीड़ के दृश्य भी वहां पे बहुत सारे बढ़ गए थे। जहां पे एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान जो है इस मूवी की सिंह इन साथी घोड़े के ग्राउंड के साथ उन्हें जो अस्पताल में ले जाया गया था, वो गंभीर रूप से घायल नहीं हुए थे। जो मई 2015 में हालांकि उन्होंने अपने कंधे को घायल कर दिया था और सर्जरी की जरूरत थी, उन्होंने 2 महीने ब्रेक के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर ली थी। बताया दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म को और अभी हम बात करें इस मूवी की शूटिंग कैसे की गई थी, फिल्म में कितने पैसे खर्च किए गए थे और इस फिल्म के शेर को कैसे बनाए गए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बता दें दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फिल्म के लिए चोपड़ा ने अप्रैल 2015 के पहले हफ्ते में 1 महीने के लिए फिल्मांकन फिर से शुरू किया। जो बाजीराव मस्तानी पर काम करते हुए चोपड़ा एक साथ जो है यानी कि मॉन्ट्रियल में अमेरिकी एंड टेलीविजन श्रृंखला के साथ जो है यानी कि क्वांटिको का फिल्मांकन कर रही थी, जिसके लिए बहुत आगे पीछे की यात्रा की गई थी और ये भी आवश्यकता थी कि वह यानी कि एक हफ्ता में बाजीराव मस्तानी फिल्म के लिए अभिनय करेंगी और अपनी जो श्रृंखला के लिए एक हफ्ता के दिनों में इन साथी मॉन्ट्रियल इन साथी जो है लेटेंगी के साथ अंतिम कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में भारत लौटेंगी। जो फिल्म शुरू करने से पहले टीम ने चर्चा की थी कि इसके लिए उनके साथ हिस्सों को फिल्माया जाना है। दोस्तों बाजीराव मस्तानी फिल्म को शुरू करने से पहले उनके साथ टीम ने चर्चा की थी कि इसके किन हिस्सों को सबसे पहले इस फिल्म में शूट किया जाएगा। दोस्तों बता दें हिस्सों को फिल्माया जाना है और किन हिस्सों को दृश्य प्रभाव का उपयोग करना यानी कि बनाया जाएगा। उन्होंने ये फैसला किया था कि पोस्ट प्रोडक्शन में दृश्य प्रभाव का उपयोग करके केवल उन दृश्यों को ही बनाया जाएगा जिन्हें फिल्माना मुश्किल या फिर जो असंभव माना जाता है। एक क्रम में युद्ध के दृश्यों में एक साथ पर जो है खड़े हुए 300 से लेकर 400 घोड़े की गतिविधियों को नियंत्रित करना इन साथ ही यहाँ पे इसी क्रम को घोड़े की और जो है छोटी संख्या के साथ जो फिल्माया गया था और बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में इसे बढ़ाया गया था। बता दो तो शाम जो है कौशल ने युद्ध के दृश्यों के लिए एक्शन दृश्यों को इन साथ सामान्य किया गया था।
तीन युद्ध के दृश्य को राजस्थान माध्यम इंद्र प्रदेश के साझो महाराष्ट्र में फिल्माया गया था, जो चटर्जी ने युद्ध के दृश्य को चुनौतीपूर्ण पाया था और राजस्थान के इंसात रेगिस्तान में फिल्मांकन करते समय कई जो है कठिनाइयों का सामना किया गया था, जो कि उनके साझो है मानदंडों को तोड़ना चाहते थे। बंसाली एक रात के समय का युद्ध जो है अनुक्रम चाहते थे। एक बड़े खुले मैदान में रोशनी करना बहुत मुश्किल हो गया था उनके लिए और फिल्म के दृश्यता के मुद्दे इन साथी अपरिहार्य के साझो बंसाली को बेहद जो है साफ सुथरी तस्वीरें चाहते थे और इसके बजाय उन्होंने इन दृश्यों को सुबह के समय शूट करने का फैसला किया था। इसका उद्देश्य जो है कि गोधूले दिखाना चाहते थे। अब इसी के साथ 800 यानी कि अतिरिक्त जो है 500 घोड़े और उनके साथ 25 हाथियों की वेशभूषा तैयार किया गया था, जहां पे बाला मुख्य युद्ध दृश्य के साथ जयपुर के पास जो है 20 दिनों में फिल्माया गया था। जो अतिरिक्त जो है यानी कि वेशभूषा शुरू हो जाएगी, जिसमें जो है मुगलों के लिए दाढ़ी, मराठों के लिए मूंछें एंड कवच के साथ यानी कि हेलमेट और वर्दी शामिल है। बता दें दोस्तों, आपको बता दें, सुबह 4 बजे फिल्मांकन की शुरुआत के लिए 8 बजे जो है शूटिंग खत्म करने के बाद अगले दिन जो है 4 बजे के लिए तैयार कपड़ों को उनके साथ धोया गया था और कौशल ने कहा था कि युद्ध के दृश्य को फिल्माने से पहले व्यापक जो शोध किया गया था और फिल्मांकन से 9 महीने पहले एक मोटा ग्राफ के साथ तैयार किया गया था। हालांकि पूरे अनुक्रम को एक टेप उनके साथ जो लोकेशन में फिल्माया गया था, जो उनके साथ बाद में फिल्म सिटी के एक स्टूडियो में पूरा किया गया था और साथ ही पोस्ट प्रोडक्शन के काम को आगे बढ़ाया गया था। दोस्तों, इस फिल्म के गणेश आचार्य के साथ जो है रेमो डिसूजा, एन पुनी वर्मा शंपा के साथ जो है गोपी कृष्णा के साथ पंडित एन साथी बिरजू महाराजन के साथ फिल्म के गाने के दृश्यों के लिए कोरियोग्राफर थे। जो भंसाली ने पिंगा गाने को कोरियोग्राफ करने के लिए डिसूजा को चुना था, जिन्होंने उस समय केवल जो है कि आधुनिक डांस नंबरों को कोरियोग्राफ किया था। जिसे पूरा होने में 1 हफ्ते लग गए थे। और फिल्म को चोपड़ा और साथ ही दीपिका पादुकोण को शूटिंग से पहले कई दिनों तक जो है कि पूर्वाभ्यास करना पड़ गया था। जो इस फिल्म के लिए चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के फिल्मांकन चुनौतीपूर्ण था, जब भी उनके साथ दिया गया था और उनके साथ टॉर्च जो है पृष्ठभूमि को रोशन करते थे, तो उन्हें कई बार जो है कि नृत्य इन दृश्यों के लिए शूट करना पड़ गया था और इसी गाने को रात में दियो और साथ ही जो है कि मसालों से जगाए गए थे, जो ओपन एयर सेट पर जो है शूट किया गया था, जिनमें से कई जो है गाने को फिल्माते समय जो यानी कि सूंध जाते थे। जब यह जो है कि सुझाव दिया गया था, तो पोस्ट प्रोडक्शन में यानी कि सूंघे हुए दियो को ठीक किया जाना चाहिए था और भंसाली ने सीधे जो इनकार कर दिया और 12 से अधिक जो है लोग सेट के चारों ओर जो है यानी कि मोहब्बती और तेल के साथ जो उन्हें जलाने के लिए दौड़ पड़े थे। अब आपको बता दें, ध्वनि रिकॉर्डिंग के साथ इस स्थान पर की गई थी। जो फिल्म के साउंड डिजाइनर के साथ जो है निहार रंजन शामिल थे और उनके साथ जो है सामल ने कहा था कि उन्हें सावधान रहना होगा कि उनके साथ रिकॉर्डिंग में हवाने के साथ आवाज़ जो है कि हॉर्न बजाने की आवाज़ न आएगी। कुछ जो है कि गड़बड़ी के कारण कई दृश्यों को फिर से जो है रिकॉर्ड करने की आवश्यकता पड़ गई थी। जो बाजीराव मस्तानी फिल्म को अक्टूबर 2014 और अक्टूबर 2015 के बीच 217 दिनों में शूट किया गया था। जो फिल्म में 1400 दृश्य प्रभाव शॉट शामिल थे, जो प्रभाव पर काम करने वाली कंपनी NY के साथ थी और उनके द्वारा जो है शुरू की गई सबसे बड़ी परियोजना थी। जो प्रसाद सुतारा दृश्य प्रभाव इंसाती पर्यवेक्षण के साथ शामिल थे। और आपको बता दें, इस फिल्म के साझो प्रभाव को बनने में 8 महीने और साझो कलाकारों की एक टीम लग गई थी। हालांकि इस फिल्म को अत्यधिक जो है विस्तृत सेटों पर शूट किया गया था। जो फिल्म के दृश्य प्रभाव और साथ ही CGI को पोस्ट प्रोडक्शन में शामिल किया गया था, ताकि उन दृश्यों के लिए इन साथी इमेजरी को बढ़ाया गया था और उनके साथ जिन्हें जो है इनकी लाइक एक्शन में शूट करना शामिल था। बता दें दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म के ऊपर बात कर रहे हैं और इस मूवी से जुड़े काफी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इस फिल्म के प्रभाव के साथ जो है यानी कि आंतरिक इन साथी वस्तुकला के साथ पृष्ठभूमि सेट जो है यानी कि एक्सटेंशन के साथ युद्ध इन हथियारों का निर्माण शामिल था। जो फिल्म के प्रकाश और दिन के समय में परिवर्तन जो है यानी कि मौसम के प्रभाव और सेना के सैनिकों का गुणन किया गया था। शुरुआती रात के समय के युद्ध के दृश्य, जिनमें से 300 दृश्य प्रभाव जो है शॉट शामिल थे, जो एक दिनों के उजाले में और फिल्माया गया था और फिर रात में जो है इनके बदल दिया गया था। जो फिल्म के युद्ध के मैदान में उनके जो उड़ने वाले तीरों को उनके साथ CGI का उपयोग करके बनाया गया था, जबकि सेना इन साथी सैनिकों के साथ जो घोड़े को गुना किया था।
जो फिल्म के यूथ के कॉलेज के साथ ऑब्जन के शॉट को एक जो है स्टूडियो में फिल्माया गया था। लेकिन आपको बता दें, एक विस्तृत दृश्य बनाने के लिए यूथ के दृश्यों के साथ जो मिश्रित किया गया था। कुछ दृश्यों में उनके साथ आकाश को डिजिटल रूप से बदल दिया गया था और अन्य में CGI किलो को जोड़ा गया था। और इसी तरह जो है कलाई मेघ के साथ जो सीक्वेंस जिसे जो है पानी में लाइक शूट किया गया था, जो CGI घोड़े के साथ जो तीरों और साथ ही आग के गोले का उपयोग करके बढ़ाया गया था, जो चरमोत्कर्ष मूवी के दृश्यों को बारीकी के साथ जो है ब्यूरन के साथ पूरा होने में कई समय लग गए थे, जो संजय लीला भंसाली एक जो भव्य एंड उद्घाटन शीर्षक के साथ डिजाइन चाहते थे और जिसे जो है टीम ने और साथ ही एनिमेशन का उपयोग करके बनाने का फैसला किया था। उन्होंने हाथ से तैयार किए गए स्टोरी बोर्ड के साथ जो है इनके तैयार किए थे। और आपको बता दें, बाजीराव और उनके राज्य का वर्णन किया था, एक सीमित समय के भीतर ही उनके साथ जो एनिमेशन का उपयोग करके इसे जो है एक डिजिटल रूप से साथ ही डिजाइन किया था। और एक दृश्य जो है जिसमें जो है रणबीर सिंह रात में एक जो है नाव में समुद्र के साथ पार करते थे, जो दृश्य प्रभाव का उपयोग करके बनाया गया था, जो उनके साथ छींटे की लहरें के साथ जो है इनकी गिरती हुई बारिश सिंह पर जो है इनके गिरने वाले पानी को छोड़कर और रात के जो है की असमान को पोस्ट प्रोडक्शन में बनाया गया था, जो उनके साथ दृश्य जिन्हों के साथ जो सेट पर शूट किया गया था और बाहरी दृश्यों को दिखाया गया था। जैसे कि आपको बता दें, खिड़कियों से दृश्य पोस्ट प्रोडक्शन में पूरा किया गया था, जो अंधेरे एंड साथ ही भावनात्मक दृश्यों के लिए एक काम जो है महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बनाई गई थी, जबकि उज्जवल एंड साथ ही रंगीन जो है पृष्ठभूमि हल्के दृश्यों के प्रभाव के साथ बनाई गई थी। फिल्म राजेश जी यानी कि पांडे द्वारा संपादित की गई थी। तो दोस्तों, इस मूवी को कैसे बनाया गया था, कैसे शूट किया गया था, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बाजीराव मस्तानी मूवी के रिलीज डेट के बारे में और फिल्म को क्या रिस्पांस मिला था जब मूवी को रिलीज किया गया था। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े काफ़ी अननोन फैक्ट को बता रहे हैं। दोस्तों, अब बाजीराव मस्तानी फिल्म को साल 2015 की सबसे जो है प्रत्याशित रिलीज में से एक थी, जो फिल्म के उत्पादन के दौरान लीक से बचने के लिए विशेष जो है ध्यान रखा गया था, सब कुछ गुप्त रूप से किया गया था। जो टीजर रिलीज से एक दिन पहले ही 15 जुलाई 2015 को फिल्म का निर्माण इन साथी ईरोज इंटरनेशनल ने तीन पात्रों की पहली जो है छवि और फिल्म के एक टीजर पोस्ट को साझा किया था, जो 3 मिनट का टीजर ट्रेलर इन साथी केवल एक पंक्ति के संवाद के साथ 16 जुलाई 2015 को जारी किया गया था। और आपको बता दें, फिल्म के टीजर ने सभी जो है कि वर्गों से उच्च प्रशंसा प्राप्त की और इसे भव्य और साथ ही महाकाव्य माना गया था, जो न्यूज 18 ने टीजर को रिलीज करने से पहले और साथ ही लुभावनी कहा था और ये भी लिखा था कि इसमें सभी जो प्रमुख भंसाली तत्व थे, जैसे कि आपको बता दें, बड़े सेट पर जीवन के पात्रों से बड़े बहुत यानी कि सारे रंग तैयार किए गए थे। इसी के साथ भाव व्याता के बीच एक दृश्य प्रेम कहानी थी, जो फिल्म के साथ इंडिया टुडे ने लिखा। अपने शाही इन साथी कैन वाश के साथ बाजीराव मस्तानी फिल्म का टीजर रंगों के साथ एक्शन से भरपूर बनाई गई थी, जो 18वीं सदी की याद दिलाता है, जो नवंबर 2015 की शुरुआत में तीन पात्रों के चरित्र एंड पोस्ट भी शामिल थे जो अनावरण किए गए थे। इन साथी अविश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह पता चला था कि अविश्वसनीय सूत्र जो कि ट्रेलर 20 नवंबर 2015 को जारी किया गया था और इसे खूब सराहा गया था। दोस्तों, फिल्म के प्रचार के एक भाग के रूप में एक बहुत एपिसोड जो है ग्राफिक वेब के साथ श्रृंखला भारत की एक जो है पहली कंपनी के साथ जो है ब्लेंजिंग इन बाजीराव शीर्षक के नवंबर 2015 में डिजिटल रूप से जारी की गई थी। बाजीराव काशी भाई और मस्तानी के एनिमेटेड के साथ जो है अवतार की वेशभूमा एंड ग्राफिक जो है श्रृंखला बाजीराव की वीरता और उनकी दो पत्नियों के साथ उनके संबंधों की कहानियों का वर्णन किया गया है। इसके बाद उनके साथ जो है इनकी ब्लेंजिंग इन बाजीराव द गेम जो है नेक्सस के साथ जो है मंथ इन नामक के साथ जो एक वीडियो गेम का आयोजन किया गया था, जो इस फिल्म के लिए एप स्टोर जो है प्ले स्टोर के साथ जारी किए गए थे और इंटरलेक्सिंग गेम के लिए उसके साथ बाजीराव मूवी के रूप में अपने जो है कि खिलाड़ियों के दृश्यों में लड़ने की आवश्यकता होती थी, जो कि एक ही बहुत यानी कि नगरीय प्रेस और साथ ही जिसमें जो है सिंह और दीपिका पादुकोण को कई जो है कि शहरों का दौरा करते हुए देखा गया था, जो फिल्म के प्रचार के लिए डिजाइन किया गया था, जो चोपड़ा को प्रचार के लिए भारत में नहीं हो सकती थी क्योंकि वह उनके साथ जो है क्वांटिको के लिए फिल्म कर रहे थे, जो
उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में एक जो यानी कि संवाददाता सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म का प्रचार किया था। बता दें दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बाजीराव मस्तानी मूवी को, जिसे 2015 में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों, ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। कोयला माफिया के बारे में कहानियां सुनाई थी और उनके पिता ने कोलकाता में अवैध और साथ ही कोयला व्यापार के बारे में कहानियां सुनाई, जहां पे बेरोजगार युवकों को धारा कोयला ले जाने वाले ट्रेनों को लूट लिया जाता था। और क्योंकि 1970 और 1980 के दशक के दौरान कोयला एक काला बाजारी वस्तु थी, और इसीलिए उन्होंने इसे एक प्लॉट के साथ जो है डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया था। और कहानियों ने उन्हें फिल्म की पृष्ठभूमि बनाने के लिए प्रेरित किया था, और जिसके चारों ओर उन्होंने अपने पात्रों को आधारित किया था। और जफर ने फिल्म को कोलकाता में स्थापित करने का फैसला किया था, क्योंकि उन्हें लगा कि कहानी शहर के राजनीतिक माहौल के अनुकूल होगी। दोस्तों, फिल्म के लिए अर्जुन कपूर एंड साथी प्रियंका चोपड़ा और रणबीर सिंह की एक तस्वीर कैमरे से दूर खींच रही थी उसी वक्त, और गुंडे के कास्ट अर्जुन कपूर एंड प्रियंका चोपड़ा और रणबीर सिंह इस फिल्म में मेन भूमिकाओं में नजर आए थे। दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर जफर ने कहा कि दीवार मूवी सन 1975 की और काला पत्थर मूवी सन 1979 जैसी दौर की फिल्मों ने उनकी कहानी को प्रभावित किया। इसी तरह उनका मानना था कि फिल्मों में सही और साथ ही गलत के बीच संघर्ष के चित्रण ने उन्हें एक बच्चे के रूप में जीवन की समझ दी थी, जिसका उन्होंने स्क्रिप्ट में इस्तेमाल भी किया। और एक स्वच्छताकार में जफर ने कहा कि फिल्म में व्यवस्था के खिलाफ जो है अपराधियों के संघर्ष के और साथ ही परिणामों को दर्शाया गया है। यदि कोई मूल अधिकारियों से संचिव के साथ जो है कुछ और युवा होते हैं तो उनके साथ होंगे और जिनका जो है यानी कि मोह भंग हो जाएगा और बतला दे दोस्तों अंधेरे पथ में चले जाएंगे एक तरह से, और साथ ही सिस्टम जो है अपना दुश्मन खुद को बना लेता है। और यश चोपड़ा को सुनाई गई आखिरी फिल्म गुंडे जो बहुत ज़्यादा उनको पसंद आई, क्योंकि दोस्तों सन 1970 और 1980 के दशक के अधिकांश फिल्मों ने रोमांस पर जोर दिया था और जफर दोस्ती दिखाना चाहते थे फिल्म के अंदर, और कहा था कि ये मूवी शोले जैसी 1975 से जय बीरी की दोस्ती की उस यन की भावनाओं को पकड़ना चाहते थे। उन्होंने साथी रोमांस को चित्रित करने के लिए याराना फिल्म 1981 के साथ फिल्म को निश्चिंत संदर्भ बिंदु कहा था। जफर ने अपने पात्रों के बीच की दोस्ती को कथानक से अभिनम्र बना दिया, जहाँ पे पात्र एक दूसरे के लिए कुछ भी यानी कि कर सकते थे। गुंडे बनाते समय पूरा विचार दोस्ती का सही एहसास लाना था फिल्म के अंदर, और दोस्ती के बारे में विचार जो पहले हुआ करता था, विशेष रूप से भारत के यानी कि गढ़ में कुछ और भी कहानी भी इस फिल्म के बारे में किया जा रहा था। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं गुंडे फिल्म को, जिसे 2014 के अंदर सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी में देखना चाहते हो तो ये फिल्म अभी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलता है। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े काफ़ी अननोन फैक्ट को बता रहे हैं। अगर आप लोग इस फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बताते दोस्तों, ये फिल्म अभी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलता है, और आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो ये फिल्म आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग अगस्त 2012 में रणबीर सिंह एंड अर्जुन कपूर को क्रोमस विक्रम और बाला के नायक के रूप में फिल्म के अंदर लिया गया था। फिल्म के निर्देशन जफर दोनों ने अभिनेताओं को एक संयुक्त पिच दी थी, जहां पे कपूर विक्रम की भूमिका निभाएंगे और रणबीर सिंह बाला की भूमिका निभाएंगे। विवरण सुनने के बाद दोनों अभिनेताओं ने महसूस किया कि वह अपने अपने पात्रों को निभा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पात्रों और अपने स्वयं के व्यक्तित्व के बीच जो है समानता की पहचान कर ली है। हालांकि निर्देशक ने भूमिकाओं को एक यानी कि आश्चर्य के रूप में बदल दिया था और विक्रम का हिस्सा सिंह और साथ ही बाला को कपूर को दिया था, क्योंकि हालांकि शुरू में अपनी मूल रूप से इन साथी प्रस्तावित जो है भूमिकाएं निभाना चाहते थे, यह महसूस करते हुए कि उनके संबंधित जो है पात्र उनके आराम क्षेत्र में थे। बतला दे दोस्तों, इसी के बाद जो है विपरीत भूमिकाएं निभाने के लिए सहमत हो गए थे। इन प्रियंका चोपड़ा अक्टूबर 2012 में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कोलकाता में शामिल हुई थी। अगले महीने बता दें दोस्तों, इरफान खान को फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए अहम भूमिका में चुना गया था। चोपड़ा ने अपने चरित्र नंदिता एंड साथी कैबरे डांसर का वर्णन अगले दरवाजे की एक लड़की के रूप में किया, जो कहानी के आगे बढ़ाने और विक्रम और बालक के बीच जो है संघर्ष के साथ जो है प्रज्वलित करने के लिए मुखिया एंड साथी उर्फ प्रेतर के रूप में काम करती है। बता दें दोस्तों, जब दोनों उसके प्यार में
पर जाते हैं तो उसने अपने जो है चरित्र के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा था कि वो बहुत धार्मिक है और साथ ही स्वेस और साथ ही स्वयं में भी विश्वास करती है, जो मेरे जैसा ही एक जो है यानी कि बकवास और व्यक्तित्व इंसान है और उसके बारे में यह बेहतर जान सकती है। उन्होंने कहा इस फिल्म के लिए बेहतर हवा है और भले ही वह एक बहुत ही सामान्य लड़की है, मुझे लगता है कि महिलाओं को अपने आप को उनकी तरह रखना चाहिए। और खान ने खुफिया पुलिस अधिकारी के अपने जो है चरित्र के जीवन से बड़ा बतलाया था। इस फिल्म के लिए इरफान खान के लिए उन्होंने ज़्यादातर आला इंसाती नाटकीय फिल्मों में अभिनय किया था और जफर ने अपने चरित्र को बहुत अधिक इंसाती तेज़तर्रार इंसाती मुख्य धारा बना लिया था। फिल्म के मुख्य धारा इंसाती पॉपकॉर्न शैली के अनुरूप उनके चरित्र को आध्यात्मिक और साथी शैलीबद्ध किया गया है। बता दें दोस्तों, फिल्म के लिए रणबीर सिंह ने अपने और कपूर के चरित्र को एक जो है साहसिक और रवैये के साथ दो डाकू के रूप में वर्णित किया। उन्होंने भविष्यवाणी पात्रों के बीच की क्योंकि दोस्ती को एक ही यानी कि सिक्के के दो पहलू के रूप में वर्णित किया गया। कपूर ने आगे बताया था कि सिंह का चरित्र विक्रम और उनके चरित्र बाला से संतुलन आता है और यह कहते हुए कि वह विक्रम अपने जो है इनकी परिवेश के बारे में अधिक नियंत्रण और जागरूकता और दूसरी ओर जो है बाला इन साथी मनमौजी है और पलकी गर्मी में इस फिल्म के अंदर काम करते हैं। दोस्तों, गुंडे फिल्म के लिए चोपड़ा ने अपने चरित्र अंधिता कैबरेट डांसर का वर्णन इस फिल्म के लिए किया और इसी के साथ अगले दरवाजे की एक लड़की के रूप में किया, जो कहानी को आगे बढ़ाने और विक्रम और बाला के बीच संघर्ष को प्रज्वलित करने के लिए मुख्य पात्रों के रूप में काम करती है। जब दोनों उसके प्यार में पड़ जाते हैं, उसके अपने चरित्र के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा वह बहुत धर्मी है और श्वेता और श्याम में विश्वास करती है, जो मेरे जैसा है और वह एक जो है बकवास व्यक्तित्व है और उनके बारे में यह बेहतर हवा हो सकती है। भले ही वह एक बहुत ही सामान्य लड़की है और मुझे लगता है कि महिलाओं को अपने आप को उनकी तरह रखना चाहिए। खान ने खुफिया पुलिस अधिकारी के रूप में अपने चरित्र को जीवन से बड़ा इस फिल्म में बताया था। खान के लिए जिन्होंने ज़्यादातर आला अंसाती नाटकीय फिल्मों में अभिनय किया था और जफर ने अपने चरित्र को बहुत अधिक इंसाती तेज तरार और मुख्य धारा बना दिया फिल्म के अंदर। फिल्म की मुख्य धारा इंसाती पॉपकॉर्न शैली के अनुरूप उनके चरित्र को अत्यधिक शैलीबद्ध किया है फिल्म के अंदर। रणबीर सिंह ने अपने और कपूर के चरित्र को एक साहसिक रवैये के साथ दो डाकू के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने अभी भाज्य पात्रों के बीच की दोस्ती को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में वर्णित किया था, क्योंकि कपूर ने आगे बताया कि सिंह का चरित्र विक्रम और उनके चरित्र बाला ने संतुलन लाता है और यह कहते हुए कि वह विक्रम अपने परिवेश के बारे में अधिक नियंत्रण एवं जागरूकता, दूसरी ओर बाला एन साथी मनमौजी और पलकी गर्मियों में कार्य करते हैं। दोस्तों, इस फिल्म के लिए रजत चोपड़ा ने प्रोडक्शन डिजाइन को संभाला जबकि असीम मिश्रा ने सिनेमेटोग्राफी के काम की। साथ ही सुबर चौधरी ने वेशभूषण डिजाइन की थी जबकि जो है रमेश्वर एस जो है भगत ने फिल्म का संपादन किया। प्रमुख फोटोग्राफी 14 दिसंबर 2012 को मुंबई में शुरू हुई और इसे साथ ही जो है चंदीवली स्टूडियो में शूट किया गया था, जहां पे सिंह एंड कपूर चोपड़ा के बीच के दृश्यों को फिल्माया गया था। पहला शेड्यूल दिसंबर 2012 तक जो है समाप्ति हो गया था और एक गाने के सीक्वेंस को फिल्माते समय सिंह ने ऊंचाई से गिरने के बाद जो है खुद को घायल कर लिया और उसके गाल पर घाव के चोट जो है आ गए थे और उन्हें जो है नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया और उन्हें कुछ जो है टाँके लगाने पड़ गए थे। और फिल्म का दूसरा शेड्यूल जनवरी 2013 में मुंबई में शुरू हुआ था, जहाँ पे हावड़ा की इन सड़कों को शहर के बाहरी इलाके में फिर से बनाया गया था। और बता दें दोस्तों, फरवरी के मध्य में फिल्मांकन कोलकाता चला गया, जहाँ पे फिल्म के बड़े हिस्से को स्थान पर फिल्माया गया था। प्रारंभिक फिल्माए गए दृश्यों में से एक में यानी कि हावड़ा ब्रिज के नीचे जो है हजार लोगों की भीड़ के साथ एक नाटकीय दुर्गा पूजा इन साथी अनुक्रम जो है शामिल किया गया था, जिसके लिए एक विशाल इन साथी पंडाल बनाया गया था। पंडाल के निर्माण के लिए इसे 1980 के दशक का पौराणिक रूप देने के लिए एक बहुत पुराने इन देसी जो है पेशेवर को काम पे रखा गया। बतला दे दोस्तों, विक्टोरिया इन साथी मेमोरियल हॉल के साथ जो है कोलकाता की एक तस्वीर भी लीक हो गई थी। फिल्म को बड़े पैमाने पर कोलकाता में शूट किया जा रहा था और उद्घाटन गेट जो है यानी कि जॉस ए इसके हावड़ा ब्रिज पर जो है फिल्माया गया था और कई दृश्यों को यानी कि उजागर करने के लिए घाट और साथ ही मणिकर्णिका एंड मछली बाजार में भी फिल्माया गया था।
बता दें दोस्तों, धापा क्षेत्र को इंसाती शरणार्थी शिविर के रूप में पुनर्निर्मित किया गया था, जो कि बांग्लादेश में एक जो है इनकी शरणार्थी शिविर के लिए खड़ा था, और अन्य स्थानों में इंसाती जो है इनकी विक्टोरिया के साथ जो है मेमोरियल और साथ ही जो है इनकी बेलदाद के लिए कोरियाई और साथ ही शामिल है, जहाँ पे शुरुआती 10 दृश्यों को फिल्माया गया था, और साथ ही तून मारी प्रवेश गीत को कोलकाता उच्च जो है न्यायालय इन साथी जो है डलहौजी और साथ ही दक्षिण क्षेत्रों में काली मंदिर की सड़कों पर दृश्य इन साथी सहित जो है विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था। और इसके अतिरिक्त जो है कलकत्ता के एक छोटे से हिस्से को मुंबई में फिल्म सिटी में फिर से बनाया गया था, जिसमें बंगला में उनके साथ साइन बोर्ड NPCA के साथ जो झंडे पीली एन सारी टैक्सी और साथ ही प्रतिष्ठी को साथ जो है मेट्रो सिनेमा शामिल किए गए थे, मेट्रो के अंदर सिनेमा को शामिल किए गए थे। अब कोलकाता में फिल्मांकन मार्च के अंत तक जारी रहा था और बास्को सीजर ने फिल्म के सभी गानों को कोरियोग्राफ किया था। चोपड़ा की विशेषता वाला और कैबरे डांस नंबर एंड साथ ही जो है यानी कि असलामे यानी कि असलामे इश्कम गाने के लिए जुलाई की शुरुआत में मुंबई में बनाए गए सेट पर 6 दिनों के फिल्माया गया था। कैबरे नंबर 1 के लिए सेट को कोलकाता के एक बहुत लोकप्रियता बाटरिंगा के बारे में तैयार किया गया था, जो कि कैबरे के लिए जाना जाता था, जहाँ पे रूस और साथ ही यूरोप के दल आते थे और प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। और यशराज स्टूडियो में एक विशाल कोयला खदान सेट बनाया गया था, जहां पे 4 प्रमुख अभिनेताओं ने जुलाई में एक्शन दृश्यों को फिल्माया था। और सितंबर 2013 में शुरुआत में जफर ने एक जो है ट्वीट के माध्यम से मीडिया को सूचित किया था कि वह जो है कि मस्कट इन ओमान में फिल्म के लिए स्थानों की तलाश कर रहे थे, जहाँ पे जिया गीत को अंतिम जो है शेड्यूल के हिस्से के रूप में स्थान पर फिल्माया गया था। और जफर ने यह भी खुलासा किया था कि फिल्म के लिए 15 दिन की शूटिंग जो है बाकी रह गई थी। तो दोस्तों, फिल्म की शूटिंग बहुत से स्थानों पे की गई थी और गुंडे फिल्म 2014 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तो दोस्तों, अगर आप लोग गुंडे फिल्म को YouTube पर हिंदी डब में देखना चाहते हो तो ये फिल्म अभी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं गुंडे मूवी की, जिसे 2014 में सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया था। बता दें दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गुंडे मूवी की साउंड एड के बारे में। तो दोस्तों, इस फिल्म के साउंड एड के बारे में हम बात करते हैं, फिल्म के गाने सुहेल सेन धारा रचित किया गया था और जबकि इरशाद कमिल धारा लिखे गए थे। गीतों के साथ एक गुंडे को छोड़कर जिसे जफर ने लिखा था, तून मारी प्रवेश के बंगाली एन संस्करण के लिए गीत जो है बप्पी लहरी और गौतम जो है सुस्मित धारा लिखे गए थे। एल्बम में 7 मूल गीत, 1 थीम और साथ ही 2 मूल गीतों के विभिन्न संस्करणों सहित जो है 10 रचनाएँ रखी गई है। जावेद अली एन साथी शदाब एन साथी फरीद के साथ जो है लाहिडी के नीत के साथ जो है मोहन विशाल एन साथी ददलानी जो है अरिजीत सिंह ने गाया था। अरिजीत सिंह नेहा एन साथी भसीम शाहिद एन माल्या ने और साथी अल्तमश फरीदी सेन ने किंग जो है राइस के लिए गाने को गाए थे। और इसी के साथ 20 जनवरी 2014 को यशराज म्यूजिक धारा जारी किया गया था और फिल्म का साउंड आर्ट का बंगाली संस्करण सेन धारा रचित किया गया और संजय के गीतों के साथ 30 जनवरी 2014 को जारी किया गया था। फिल्म के साउंड आर्ट एल्बम को संगीत इन समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षाएं दी गई। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी। इसमें लिखा गया था कि एल्बम एंड साथ ही श्रोतरा को उस बहन की अवधि तक ले जाने में सफल होता है जब फिल्म यानी कि सेट होती है, तो लेकिन इसमें उतार चढ़ाव का उचित जो है हिस्सा रखी गई है। इन बॉलीवुड हंगामा ने एल्बम को 5 में से 3.5 की रेटिंग देते हुए लिखा, ऐसा लगता है कि सुहेल सेन ने आखिरकार अपना जो है अभिनय सही कर लिया है। उनके गीतों में अत्यधिक जो है लोकप्रियता, अपील, सार और साथ ही मधुर्य और साथ ही समकालीन शैलियों का सही मिश्रण है। और बात करें लेखन के बारे में तो Rediff.com के लिए जोगिंदर टुटेजा ने भी फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और फिल्म के साउंड एक्ट में संगीत की विविधता और साथ ही मनोरंजन गाने को ध्यान में रखते हुए कहा था। और NDTV पर जो है यानी कि प्रकाशित इंडो और साथ ही एशियन न्यूज के साथ जो है सर्विस ने इसे 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दिए और एक संगीतकार के रूप में सेन की बहुमुखी प्रतिभा की ओर जो है इशारा करते हुए और लिखा था कि एल्बम में हर मूड के लिए गाने थे और संगीत प्रेमी इससे जो है अधिक नहीं माना जाता है। और यह एल्बम 2014 के सबसे सफल भारतीय संगीत एल्बमों में से एक था, जिसमें जो है तून मारी प्रवेश इन साथ जश्न ए इश्क के साथ जो है यानी कि
इस्लामी इश्क गाने वाले विभिन्न इंसानी प्लेटफॉर्मों व भारत में इन विभिन्न चार्टों में इस फिल्म को उभारित किया गया था और फिल्म के गाने को बहुत ज़्यादा दर्शकों ने पसंद किया। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म का कौन सा गाना पसंद है आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बता दें दोस्तों, ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, फिल्म के लिए पहला टीजर पोस्टर दिसंबर 2012 के मध्य में जारी किया गया था। जब फिल्म ने 2013 की रिलीज के लिए अपना निर्माण शुरू किया था, अप्रैल 2013 में ये घोषणा की गई थी कि फिल्म जो यानी कि वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 2014 को रिलीज होने वाली थी। इस फिल्म का टीजर ट्रेलर 22 नवंबर 2013 को गोरी तेरे प्यार में के साथ जारी किया गया था और इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। इंडिया टुडे ने इसे एक्शन से भरपूर और साथ ही आशाजनक कहा था और एक प्रचार जो यानी कि रणनीति के रूप में प्रियंका चोपड़ा का चरित्र टीजर में दिखाना नहीं दिया था, जिसमें जो है मीडिया में चर्चा हुई थी कि उन्होंने यानी कि दर्शकों से रिलीज की प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, जो 12 दिसंबर 2013 को नाटकीय ट्रेलर रिलीज से एक दिन पहले ही फिल्म के निर्माताओं ने चोपड़ा का पहला लुक जो है जारी कर दिया था। इसमें खुलासा हुआ था कि उनका चरित्र एक कैबरेट डांसर की थी और जिसकी घोषणा निर्माण के दौरान नहीं की गई थी। और फिल्म के प्रोडक्शन स्टूडियो ने प्रचार उद्देश्यों के लिए कई ब्रांडों के साथ जो है यानी कि साझेदारी करते हुए कई प्रकार के इंसाती मर्चेंडाइज जारी किए थे। संगीत और ट्रेलरों ने इसके विपणन में सहायता भी किया था और गुंडे का प्रीमियर दुबई में 12 फरवरी 2014 को हुआ, जिसमें पूरी कास्ट मौजूद थी और इसे 2700 स्क्रीनों पे 14 फरवरी 2014 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, क्योंकि फिल्म का एक बंगाली डब संस्करण भी यानी कि पश्चिमी बंगाल के छोटे से शहर में जारी किया गया था, जहां पे केवल बंगाली फिल्में दिखाई जाती है। 2014 की शुरुआत में लंबी इंसाती विधायी जो है परिवर्तनों के कारण देश में भारतीय फिल्मों को और उनके साथ जो है इनकी अनापत्ति प्रणाम पत्र देना बंद करने के बाद फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज नहीं किया गया था, जहाँ इसकी अत्यधिक जो है प्रतीक्षा की जा रही थी। अब फिल्म के रिलीज के बाद जो है इनकी बांग्लादेश ने फिल्म में उनके साथ जो है परिचयात्मक और साथ ही कथन पर सोशल मीडिया पर विरोध किया, क्योंकि जिसमें यानी कि जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश 1971 के भारत जो है पाकिस्तान युद्ध के माध्यम से बनाया गया था और भारत की उनके साथ जो है भागीदारी के और साथ ही बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली है। बांग्लादेश के लोगों ने प्रोडक्शन हाउस से अपने जो है इनके इतिहास से गलत और साथ ही प्रतिनिधित्व के लिए माफ़ी मांगने की मांग की थी और फिल्म के चित्रण के विपरीत जो है देश बांग्लादेश इंसाती मुक्ति युद्ध के बाद जो है इनकी बनाया गया था और भारत पहले से ही चल रहे इंसाती स्वतंत्रता इंसाती संग्राम में शामिल हो गया था और साथ ही स्वतंत्रता का एकमात्र कारण नहीं था। जैसा कि आपको बता दें, फिल्म में बताया गया है कि द वॉल इन साथी स्टेट के साथ जो है जर्नल में प्रकाशित किए गए एक लेख में लिखा गया है कि यह दावा करना कि भारत की इन साथी भागीदारी ने अकेले स्वतंत्रता लाई है। जैसा कि आपको बता दें, फिल्म जो है फिल्म करती है इन साथी गलत तरीके से। महीनों भारत की इन भागीदारी ने केवल जो है युद्ध के अंत को तेज किया और यह बांग्लादेश के लोग हैं जिन्होंने खुद को पाकिस्तान से मुक्त कर लिया है और फिल्म के एक दिवसीय से बांग्लादेशी भी यानी कि नाराज थे, जहाँ पे कई बांग्लादेशी खुद को जो है भारतीय कहते थे और हिंदी बोलते थे। और एक यानी कि हफ्ते बाद जो है यशराज फिल्म ने एक अधिकारी जो है माफ़ी का बयान जारी किया था, क्योंकि इनसे गलती हुई थी और फिल्म में कुछ गलतियों का वर्णन हो जाता है तो उसके लिए बाद में माफ़ी मांगी जा सकती है। उसके बाद इरेट बांग्लादेशियों ने ट्विटर पर और साथ ही हैशटैग जो है यानी कि गुंडे मूवी के बारे में कहा था और हैशटैग ऑफ के बारे में और साथ ही बांग्लादेश के साथ जो है एक सोशल मीडिया इन साथी अभियान शुरू किया, जिसमें लोगों से इंटरनेट पर इन साथी मूवी जो यानी कि डेटा बेस पर फिल्मों को दफनाने के लिए कहा, क्योंकि फिल्म का बहिष्कार और साथ ही डाउनलोड ऑर्डर जो है करने के लिए फेसबुक इन साथी ग्रुप बनाए गए थे। नतीजतन फिल्म को IMDb पर बोट इन साथी ब्रिगेडिंग के साथ जो है इनकी सामना करना पड़ा, जहां पे यह रिलीज के समय सबसे कम रेटिंग वाली फिल्म बन गई, जिसमें 40,400 से अधिक वोटों के आधार पर 1.4 की रेटिंग इस फिल्म को दी गई थी, जिसमें 91 ने इसे एक स्टार की रेटिंग दिया और 2 अगस्त 2017 इसकी रेटिंग 2.1 से अधिक हो चुकी है। यशराज फिल्म ने और होम मीडिया द्वारा
वितरित फिल्म को 30 अप्रैल 2014 को सभी क्षेत्रों में और साथ ही एना मर्फी के साथ जो है प्रारूप में दो इंसाती डिस्क के साथ जो है पैक में डीवीडी पर रिलीज किया गया था, जिसमें जो है बोनस इंसाती सामग्री जैसे फिल्म का निर्माण जो है यानी कि बीट चित्र हटाए गए एक दृश्य और फिल्म का निर्माण शामिल किया गया था और फिल्म के गाने इंसाती उनके साथ जो है VCD संस्करण भी उसी के साथ जो है समय जारी किया गया था। एक दो इंसाती डिस्क के साथ जो है विशेष संस्करण इंसाती डीवीडी पैक भी बाद में जारी किया गया था। इन बल्लूरे इन संस्करण जो है 2 मई 2014 को जारी किया गया था। फिल्म का विश्व इंसाती टेलीविजन जो है प्रीमियर सोनी इंसाती मैक्स पर 17 अगस्त 2014 को रिलीज हुआ था। बाद में जैसा कि आपको बता दें, यश राज फिल्म ने स्टार इंडिया के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए और नेटवर्क ने 2021 के मध्य में सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया और साथ ही जो है इनकी कैटलॉग से कुछ जो है फिल्मों को सिंडिकेट किया और उनमें से एक जो है गुंडे मूवी भी शामिल थी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्रिटिक्स के बारे में। गुंडे फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली है। रिव्यू के बारे में हम बात करते हो एग्रीगेट और रोटन टमाटोज पर फिल्म को 15 समीक्षकों के आधार पर 60 की और साथ ही सिविक रेटिंग दी गई है, जिसमें 10 में से फिल्म को 5.5 की औसत रेटिंग दी गई थी। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग दी और इसे एंटरटेनर कहा और लिखा है कि फिल्म एक ध्यान और खींचने वाला आधार पर फिल्म को बनाया गया है और अच्छी तरह से उकरे गए चरित्र और रुच जोहन की ओकटेन ड्रामा और साथ ही उदारता से जीवन फिल्म को बनाई गई है। दोस्तों फिल्म के गाने और साथ ही ऊर्जा वान के एक्शन पीस के बारे में हम बात करें तो मुख्य कलाकारों के प्रदर्शनों को इंसाती परिभाषित करने का दावा करते हैं। हालांकि उन्होंने महसूस किया है कि यह बहुत लंबा फिल्म था। टाइम्स ऑफ इंडिया की श्री जना मित्रा दास ने इसे बॉलीवुड इंसाती जोहन की ट्विस्ट के साथ जो है इंसाती ओलिवर एंड ट्विस्ट जो है कहते हुए फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दिया और ये लिखते हुए कि गुंडे बॉलीवुड इंसाती क्लासिक मूवी शोले काला पत्थर और साथ ही अन्य भाई बहनों की फिल्मों की पेशकश करते हुए इंसाती प्रेम पोषण श्रद्धांजलि देते हैं और अधिक जो है कोई मोई के मुहर बासु ने भी फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दिया और इसे ओम्फ एंड के साथ जो है बम्बेस्टिक इंसाती डायलॉग के लिए मोस के साथ जो है वाच कहा और जफर के निर्देशन की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि निष्पादन वही है जो तेजी से घट रहा है और कहानी अपनी जो है ज़मीन पकड़ लेती है और वह जो है यानी कि पर्चे पर के साथ जो है इनकी बनाते हैं वह अस्थिर है लेकिन जो है इनकी उसकी इन पटकथा इतनी मनोरंजक है कि आपको सुषम इंसाती क्षणों में भी उनके साथ जो है फिसलने नहीं देगी। दोस्तों फिल्म के लिए मिंट ने इसे 1970 के दशक की हिंदी सिनेमा के लिए एक शानदार श्रद्धांजलि कहते हुए एक अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा दी और लिखा है कि यह शुरुआत से अंत तक जो है एक यानी कि संतोषजनक इंसाती क्लिप पर चलता है और यह वर्तमान के दिनों के लिए सूत्र इंसाती भोजन है जो कि तेज तरार है और यह लय की इंसाती निष्पक्ष मूवी भावनाओं है जो कि 153 मिनट के चलने के समय में कभी कभी यानी कि ढीली हो जाती है और लोकप्रियता मनोरंजन हिंदी फिल्म जो है शैली के अर्थ की स्पष्ट यानी कि समझ भी रखती है। इस फिल्म के लिए इंडिया टुडे के रोहित खिलनानी ने फिल्म को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी और इसे जो है कि मनोरंजन फिल्म जो है करार दिया था और लिखा है कि यह एक नई और साथ ही बोलने वाली पुरानी फिल्म और साथ ही शराब है और इसका स्वाद जो है बहुत बढ़िया है और यह एक्शन इन साथी भावनाओं दो दोस्ती इन नाटक और कुछ यानी कि शानदार प्रदर्शन हिंदुस्तान टाइम्स के लिए अच्छी फिल्म हो सकती है। दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे गुंडे फिल्म को जिसे 2014 में रिलीज किया गया था और अभी हम बात कर रहे इस फिल्म के रिव्यू रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर आप लोग गुंडे फिल्म को देख चुके हो तो इस फिल्म को आप कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बतला सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बता दें दोस्तों फिल्म को अच्छे रिस्पॉन्स तो मिले थे लेकिन फिल्म की कहानी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था क्योंकि गुंडे फिल्म की कहानी एक तरह से कहानी को बनाई गई थी और बता दें दोस्तों फिल्म की कहानी जब अच्छी हो तो मूवी को देखने का मजा ही कुछ और होता है और कुछ इसी तरह की बातें इस फिल्म से जुड़ी हुई है। दोस्तों रिलीज होने के बाद फिल्म को सकारात्मक समीक्षाओं के विपरीत जो है राजीव मंसद ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और इसे अच्छी मूवी कहा और थकाऊ रूप से उबाऊ कहा और लिखा है कि थोड़ी देर के लिए फिल्म अपनी जो है हड़ताली एन अवधि के विवरण के साथ जो है आपका ध्यान खींचने में भी सफल होती है और कुछ
चुहान की अच्छी तरह से माउंट किए गए 1.5 से, लेकिन 2 घंटे और 34 मिनट में रोल जो है आउट यानी कि करना और यह एक जो है नारे की तरह महसूस करने में मदद नहीं कर सकता है। डेली न्यूज एंड एनालिसिस ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दिया था और यह देखते हुए कि कहानी में हर जो है महत्वपूर्ण संघर्ष था और साथ ही पर यानी कि परतदार और साथ ही ब्रोमांस एक यानी कि सुस्ती वाली फिल्म थी और इसके लिए Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने भी फिल्म की इस स्क्रिप्ट की आलोचना करते हुए इसे 5 में से 2 स्टार रेटिंग दिया था और जिसे उन्होंने मूर्खतापूर्ण इन साथी जो है बामियों इन साथी कष्ट पर्दा के लिए क्लीज और साथी चकाचौंध जो है इनकी सतहीपन से भरा हुआ माना। यह लिखते हुए कि जफर एक जो है एक्शन हीरो बनाने की कितनी भी कोशिश कर ले वह इसे करिश्मे के साथ जो है इनकी प्रमाणित करने में विफल रहते हैं। जो हो सकती है कि मूल्यों से परे जो है द इंडियन एक्सप्रेस के शुभ्रा गुप्ता ने इसे जो है 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दिया और इसे लोकप्रियता ब्लॉकबस्टर का मैस ऑफ कहा था और Rediff के राजा सेन ने इस फिल्म को 5 में से 1 स्टार रेटिंग दिया और कहा है कि निर्देशक अली अब्बास जफर ने एक जो है इनकी राक्षसी फिल्म का निर्देशन किया है जिसमें जो है 70 के दशक की एक जो है यानी कि विकर्षण कहानी है। इसका कोई मतलब नहीं होता है और एक कलाकार जो सभी को अपना जो है इनकी सिर काटते हुए देना चाहिए और उनके जो है संबंधित इन फिल्मोग्राफी पर हमला करने के लिए 1 मिनट का मौन व्रत उन्होंने रखा है। दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं गुंडे फिल्म को जिसे 2014 के अंदर सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और फिल्म रिलीज होने पे आपको बता दें अच्छी कमाई की थी क्योंकि फिल्म की रिस्पांस अच्छी मिली थी और फिल्म को बांग्लादेश में कुछ जो है लोगों ने इस फिल्म पे आवाज़ें उठाई थी जहाँ पर इस फिल्म के ऑनर ने यशराज कंपनी ने फिल्म के लिए माफ़ी मांगी है क्योंकि कुछ गलत चित्रों को इस फिल्म में दिखलाया गया है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक व्यवसायिक सफलता के बाद गुंडे मूवी 2014 की 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है और फरवरी में अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी ओपनिंग की थी और इसमें जो है मल्टीप्लेक्स में उत्कर्ष संग्रह भी दर्ज किया है जो भारत में एक एक्शन फिल्म के लिए दुर्लभ होती है और इसने अपने जो है शुरुआती दिन में 150 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज के समय वर्ष के लिए यानी कि कई क्षेत्रों में शुरुआती रिकॉर्ड फिल्म ने तोड़ दिया था और फिल्म ने कई सारे मूवी के रिकॉर्ड तोड़ते हुए फिल्म ने शनिवार को 111 मिलियन से आधे की कमाई किया, रविवार को फिल्म ने 140 मिलियन से आधे की कमाई की और इसी तरह फिल्म ने 402 मिलियन से अधिक की शुरुआती घरेलू हफ्ता के लिए फिल्म ने दुनिया भर में शुरुआती हफ्ता में 670 मिलियन के लिए $2 मिलियन से अधिक की कमाई की और गुंडे ने पहले सोमवार को 7% की गिरावट के साथ 60 मिलियन की अच्छी कमाई की और फिल्म ने घरेलू स्तर पर अपने पहले हफ्ता में 590 मिलियन की कमाई करते हुए सभी जगह उचित और साथ ही व्यवसाय के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था और अपने नाटकीय प्रदर्शन के दौरान फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस में 980 मिलियन से अधिक की कमाई की और विदेशों से अतिरिक्त जो है फिल्म ने 3.4 मिलियन के साथ दुनिया भर में कुल मिला के 1.2 मिलियन की कमाई की है और फिल्म को 2015 में हॉलीवुड में अनीस सूद जो है इनकी रहमान और मिलन धारा जो है इनकी इमीन हक के बॉबी और साथी जो है इनकी मौसमी हमीद के साथ अभिनीत इन साथी ब्लैकमेल के रूप में बनाया गया है। दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं गुंडे फिल्म को जिसे 2014 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छी रिस्पॉन्स मिली है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में कि फिल्म की कहानी कैसे लिखी गई थी। दोस्तों फिल्म की कहानी अच्छी हो तो मूवी को देखने का मज़ा ही कुछ और होता है और जो फिल्म की कहानी अच्छी नहीं होती है तो फिल्म बिल्कुल बकवास लगता है। कुछ इसी तरह की बातें फिल्म से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों चलिए गुंडे फिल्म की कहानी के बारे में हम जानते हैं। तो बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो कहानी की शुरुआत 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश की आज़ादी की कहानी से होती है क्योंकि विभाजन से प्रभावित लोगों में दो अनाथ है विक्रम और पोष और बाला जो है भट्टाचार्य उनकी मुलाकात जो है लतीफ से होती है जो उन्हें तस्करी करने वाली बंदूकों के बदले भोजन की पेशकश करता है और लतीफ के ग्राहकों में से एक के साथ जो है सेना अधिकारी लड़कों में से एक को अपना जो है यानी कि सेक्स गुलाम के साथ जो है बनाना चाहता है। लतीफ ने मना किया तो उसकी बेटी को ले लिया जाएगा और लतीफ पहले बाला को चुनता है लेकिन विक्रम जोर देकर कहता है कि वह इसके बजाय यानी कि जाएगा और बाला ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ने से इनकार कर दिया था और विक्रम को उस अधिकारी से बचाने के लिए लौट आया जिसमें जो है यानी कि मारते हुए वह उन्हें अपराध में भागीदार बनाते हैं। जब सेना उनका पीछा करते हैं तो लतीफ दोनों को बचाने के लिए कोशिश जो है यानी कि करते हैं और मारे जाते हैं विक्रम और बाला।
विक्रम और बाला जो है कि कोलकाता भाग जाते हैं और उसे एक रेस्तरा में काम मिल जाता है और दुर्भाग्य से उनका अपमान के बाद जो है यानी कि सीखते हैं कि कोयले की चोरी जो है समान पैसे बनाने का एक तरीका हो सकता है। दोनों के दिमाग में ये बात आती है कि कोयले की तस्करी की जाए और बास्को के रूप में विक्रम और बाला कोयले ट्रेनों के लूटते हुए और चोरी किए गए एक कोयले को बचाते हैं। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी एन जाति यानी कि दिबाकर हैं, जबकि विक्रम और बाला जो है यानी कि दिबाकर की एक ट्रेन को लूटते हैं तो उसके आदमी उन्हें जो है कि धमकाते हैं कि निडर होकर वह उसकी जो है कि अगली ट्रेन को भी लूटने का वादा करते हैं। जब वह दिबाकर की ट्रेन लूटने के लिए पहुँचते हैं तो वह उन्हें जो है कि शरणार्थी कहा जाता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और साथ ही दिबाकर को मारने से पहले विक्रम और बाला उसे बताते हैं कि भारतीय है इंसाती शरणार्थी नहीं। जब कोयले के इंसाती कारोबार पर नियंत्रण रखते हुए वह काली काका की मदद से धन और साथ ही शोधन करते हैं और अन्य व्यवसायों में विस्तार करते हैं। वह अस्पतालों के निर्माण दान में दान करने और साथ ही स्कूलों के निर्माण से जो है कि स्थानीय और नायक बन जाते हैं, क्योंकि साथ ही जो है कि यद्यपि वे गरीबों के लिए रोजगार इंसाफी प्रदान करते हैं और उनके व्यापारिक जो है कि व्यवहार उन्हें कानून का निशाना बनाते हैं और सहायक पुलिस आयुक्त जो है कि सत्यजीत इन साथ ही सरकार को विक्रम के साथ और बाला को गिरफ्तार करने के लिए तलब किया गया था और सरकार यह जानते हुए कि काली काका के साथ जो है अपने ट्रैक को कवर कर सकते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं कि जब उन्हें उनके खिलाफ सबूत मिलेंगे तो वह उन्हें गिरफ्तार जरूर कर लेंगे, लेकिन अंत में उनको जो है इन दोनों के खिलाफ सबूत मिलता है। बताते दोस्तों फिल्म की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इरफान खान के सीन इस फिल्म में दिखलाए जाते हैं, क्योंकि इस पूरी फिल्म में इनका पीछा किया जाता है और फिल्म की कहानी और भी रोमांचक तरीके से बन जाता है। दोस्तों बन रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो में हम काफ़ी अननोन फैक्ट को बता रहे हैं और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों एक व्यापारी विक्रम और बाला को कोलकाता में अपना नया क्लब के साथ जो है खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। वह उन्हें अपने सहायक और साथी हिमांशु से मिलवाते हैं। उनकी मुलाकात जो है कैबरे डांसर नंदिना के साथ होती है। दोनों उसके प्यार में पड़ जाते हैं और तय करते हैं कि जो कोई भी उसका दिल जीतेगा वह उसे शादी कर लेगा और नंदिता उन्हें जो है थिएटर में आमंत्रित जो है कराती है कि उन्हें बताए गए और साथी किससे प्यार करती है। बाला का वह एक आदमी से झगड़ा हो जाता है तो जो नंदिता का अपमान करता है और उसे गोली मार देता है और विक्रम ने बाला को यानी कि छिपने के लिए कहा और नंदिता को वापस आने तक जो है नहीं देखने का वादा किया। बतलाते दोस्तों सरकार ने विक्रम को चेतावनी दी थी कि अगर बाला इन साथ ही कोलकाता जो है लौटता है तो उसे मार दिया जाएगा। नंदिता विक्रम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन अगर वह एक साथ जो है कि दुर्गा पूजा नहीं करते हैं तो वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी और विक्रम उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में बाला को इस बारे में हिमांशु के माध्यम से पता चल जाता है और वह कलकत्ता लौट आता है। जब वह विक्रम और नंदिता को देखता है तो क्रोधित हो जाता है और बाला ने विक्रम पर अपना जो है वादा तोड़ने का आरोप लगाया और उस पर गोली चला दी और वह इसके बजाय जो है नंदिता को मार देता है। इसे अस्पताल ले जाया जाता है और वहां वो बच जाती है। बाला को पता चलता है कि उनका कारोबार विक्रम के नाम पर है और वह अपने जो है हिस्से की मांग करता है और विक्रम जो है सहमत हो जाता है, यहां तक कि उनके साथ जो है राशन कार्ड और साथ ही साझा करना जो उनकी भारतीय इन राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र है। और बाला नंदिता को साझा करने का सुझाव देती है और गुस्से में विक्रम जो बाला से लड़ता है, विक्रम जीत जाता है लेकिन बाला को बकस दिया जाता है क्योंकि उसने अपनी जो है जान बचाई थी। और हालांकि वह बाला को चेतावनी देता है कि अगर वह नंदिता को परेशान करता है तो वह उसे मार डालेगा। जब विक्रम नंदिता को प्रस्ताव देता है तो वह कहती है कि वह उससे तब तक जो है शादी नहीं कर सकती जब तक कि वह अपने जो है अपराधियों जीवन को पीछे नहीं छोड़ देता और विक्रम सहमत हो जाता है और एक यानी कि प्रस्ते एक जो है कि प्रतिशोधी बाला ने विक्रम की यानी कि कोयले खदानों को उड़ा दिया और नंदिता का अपहरण भी कर लिया। जैसा कि आपको बतला दें विक्रम बाला को मारने की तैयारी करता है और सरकार विक्रम से बाला के खिलाफ जो है कि राज्य के सबूतों को चालू करने के लिए कहती है ताकि वह और नंदिता शादी कर सके और
और बाला नंदिता से कहती है कि जब तक कि विक्रम को नहीं छोड़ देती वह उसे मार डालेगा। नंदिता जवाब देती है कि वह विक्रम से प्यार करती है और उसका जो है दिल टूट जाता है। बाला नंदिता से माफ़ी मांगता है, बाला जो है नंदिता से माफ़ी मांगता है और उसे विक्रम यानी कि वापस कर देता है। और साथ ही दरअसल नंदिता एक जो है कि अंदर का और पुलिस ऑफिसर होती है, यहाँ पे ये सब खुलासा होता है। बतलाते दोस्तों वीडियो में कई तरह की खुलासे अंत में होते हैं। उसके बाद खुले तौर पर बाला नंदिता से माफ़ी मांगता है और उसे विक्रम लौटा देता है। वास्तव में नंदिता एक अंदर कवर पुलिस अधिकारी है जो सरकार को विक्रम और बाला को गिरफ्तार करने में मदद करती है। जब विक्रम सरकार को बाला को फंसाने में मदद करने के लिए तैयार होता है तो उसका सामना उस व्यक्ति से होता है जिसे बाला ने कथित तौर पर मार डाला था और उसे पता चलता है कि वह एक पुलिस अधिकारी है। नंदिता विक्रम को समझाने की कोशिश करती है कि कानून उसके साथ नरमी से पेशा आएगा और उनका मानना है कि उनके बचपन के दो नष्ट करने के लिए कानून जिम्मेदार था। और नंदिता विक्रम को अपनी जहन की पहचान बताती है और उसे पता चलता है कि वह एक जाल सरकार थी जो कि उसे बाला से अलग करने के लिए तैयार थी। जब वह उसे यानी कि आत्मसमर्पण करने के लिए कहती है तो वह मना कर देता है और बाला से जुड़ जाता है। हिमांशु दत्ता से मिलने के लिए बाला को कोयला खदान में लाते हैं। हिमांशु उसे बताते हैं कि वह दिबाकर का भाई है और उसने उसे जो है विक्रम और बाला द्वारा हत्या कर दिया जाता है। वह नंदिता की पहचान का खुलासा करता है और बाला को मारने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रम उसे बचाते हैं और बाला की हिमांशु को धक्का देते हैं और भागने की कोशिश करते हुए वह फिर जो है सरकार और नंदिता द्वारा घेर लिए जाते हैं, जो फिर से विक्रम से कहते हैं कि उसे जो है प्यार करती है और उसे आत्मसमर्पण करना चाहिए। सरकार भी बाला को साथी जो है इनके सरेंडर करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। विक्रम और बाला एक गुजरती हुई ट्रेन को देखते हैं और उसकी ओर जो है इनकी दौड़ते हैं और जैसे ही विक्रम और बाला ट्रेन जो है पकड़ने से कुछ यानी कि इंच दूर होते हैं, सरकार और नंदिता उन पर गोली चला देती है। फिल्म दोनों के बिना ट्रेन के गुजरने के साथ समाप्त हो जाती है, जिसका अर्थ है कि वो दोनों मारे गए थे। तो दोस्तों इस तरह दोनों जेल तो नहीं जाते हैं, लेकिन दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों को अंदर शूट कर दिया जाता है और यहीं पे दोनों के मरने के साथ फिल्म की कहानी को भी ख़त्म कर दिया जाता है। दोस्तों फिल्म के अंदर अर्जुन कपूर बाला के रूप में नज़र आए हैं, रणबीर सिंह फिल्म के अंदर विक्रम के रूप में नज़र आए हैं और प्रियंका चोपड़ा फिल्म में इंस्पेक्टर नंदिता के रूप में नज़र आई हैं। इरफान खान ACP सत्यजीत के रूप में फिल्म के अंदर अभिनय करते हुए नज़र आए हैं। दोस्तों ये 2014 की मूवी है जिसने सबसे ज़्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। गुंडे मूवी वॉज अनाउंस इन द अगस्त 2012 बाय द यसर फिल्म विद द अली अब्बास जाफर डायरेक्टिंग अ फिल्म अबाउट टू ए 1970 इज द क्रिमिनल इन द कोलकाता नाउ किनाउ हिज द एन कोलकाता इज द रिटेन इंटरव्यू जफर सेट थेट द एन फिल्म वॉज द एन कन्फाइड द बिकॉज ऑफ द एन द फेंसिंग विद द हिस्ट्री हिज द एन फादर ऑफ 1971 वार द एन वेटर द टोल्ड हिम द एन स्टोरी अबाउट द एन वार द एन इमरजेशन एंड द कुल माफिया हिज द फादर टोल्ड द स्टोरी द अबाउट द एन इलीगल कोल द ट्रेड इन द कोलकाता वेयर द एन क्रिंग कोल वेयर द एन रोबरी द एंड यूथ दी साइंस कोल वॉज द इन ब्लैक मार्केट द एंड कॉमेडिटरी एंड ड्यूरिंग द मूवी इज द 1970 एंड 98 इज द यूज द एंड प्लॉट इज द मूवी जाफर साइड थेट द फिल्म ऑफ द थेट द एरिया शुद द दीवार मूवी 1975 एंड द काला पत्थर मूवी 1979 एंड द इन हिज द एन स्टोरी लाइन हिद इन बिलेबेट थेट द फिल्म द एन पोर्टोरल ऑफ द मूवी एन कन्फाइड द बिटवीन द राइट एंड वरुण गिव हिम द एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ इज द चिल्ड विज द एन यूज इन द मूवी एन स्क्रिप्ट इन द इंटरव्यू जफर एन साइड थेट द फिल्म द एंड डीपी टिकट इज द एंड स्विगिस द ऑल टू मूवी एन स्ट्रगल एंड अगेन द सिस्टम ऑफ द एंड इज सुमनर इज द ड्राइविड बुजी एंड बिसी द इन राइट द एंड ट्रेयर विल बी एंड क्रिएटिंग यूथ मूवी विल बी हिज द एंड रूट ओवर द एंड डार्क साइड इन अ वे द सिस्टम एंड द क्रिएटेड द ओवन द एनिमी एंड गुंडी मूवी वॉज द मूवी एंड लास्ट फिल्म द एंड नेटेड टू यश चोपड़ा एंड साइंस इज द मोस्ट मूवी 1970 इज द एंड 1980 इज फिल्म द एंड इम्पोजेंट मूवी एंड ब्रोमेंस जफर वॉन्टेड द इन स्वेज द फ्रेंडशिप इन द साइड टू बी वॉन्टेड द एंड कैच मूवी स्क्रिप्ट द एंड फ्रेंडशिप ऑफ दिस जय बिरू इन मूवी सोले।
दोस्तों फिल्म को अगस्त 2012 में यशराज फिल्म के द्वारा और इस मूवी गुंडे की घोषणा की गई थी और अली अब्बास जाफर ने कलकत्ता अब कोलकाता के रूप में जाना जाता है, जिसे 1970 के दशक में दो अपराधियों के बारे में एक फिल्म का निर्देशन किया था। फिल्म के लिए रोटर्स के लिए एक साक्षात्कार में जाफर ने कहा था कि फिल्म की कल्पना इतिहास के प्रति उनके आकर्षण के कारण की गई थी। उनके पिता जो 1971 के युद्ध के पूर्व सैनिक थे और उन्हें युद्ध उसके प्रवास और कोयला माफिया के बारे में कहानियां सुनाई थी और उनके पिता ने कोलकाता में अवैध कोयला व्यापार के बारे में कहानियां सुनाई थी, जहां पे बेरोजगार युवाओं द्वारा कोयला ले जाने वाली ट्रेनों को लूट लिया जाता था, क्योंकि 1970 और 1980 के दशक के दौरान कोयला एक काला बाजारी वस्तु थी और इसीलिए उन्होंने इसे एक प्लॉट एंड साथी बहन के डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया था। कहानियों ने उन्हें फिल्म की पृष्ठभूमि बनाने के लिए प्रेरित किया था, जिसके चारों ओर उन्हें जो है अपने पात्रों के अधिक कार्य की गई थी। जफर ने फिल्म को कोलकाता में स्थापित करने का फैसला किया था क्योंकि उन्हें लगा कि कहानी शहर के राजनीतिक जो है माहौल के अनुकूल होगी। अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा और रणबीर सिंह की एक तस्वीर कैमरे से दूर खींची जा रही है। गुंडे की कास्ट अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा और रणबीर सिंह है। बता दें दोस्तों, फिल्म में जफर ने कहा था कि दीवार मूवी 1975 की और काला पत्थर फिल्म 1979 जैसी उन यानी कि दौर की फिल्मों ने उनके कहानी को प्रभावित किया है, क्योंकि उनका मानना था कि फिल्मों में सही और गलत के बीच हुए संघर्ष के चित्रण ने उन्हें एक बच्चे के रूप में जीवन की समझ दी थी, जिसका उन्होंने इस स्क्रिप्ट में इस्तेमाल किया था। और एक साक्षात्कार में जफर ने कहा था कि फिल्म में यानी कि व्यवस्था के खिलाफ जो अपराधियों के संघर्ष के परिणामों के दो यानी कि दर्शाया गया है और यदि कोई मूल अधिकारियों से वंचित होती है तो कुछ युवा ऐसे होंगे जिनका जो है ना कि मोह भंग हो जाएगा और वह अंधेरे पथ में चले जाएंगे। अंधेरे पथ में चले जाने के बाद एक तरह से यानी कि सिस्टम जो है अपना दुश्मन खुद बना लेती है और यश चोपड़ा की सुनाई गई आखिरी फिल्म गुंडे मूवी थी, क्योंकि 1970 और 1980 के दशक की अधिकांश फिल्मों ने ब्रोमांस पर जोर दिया था। जफर दोस्ती और सीखना चाहते थे और कहा कि वह शोले फिल्म 1975 से जयपुरी की दोस्ती की और उस यानी कि भावनाओं को पकड़ना चाहते थे और उन्होंने ब्रो मांस को चित्रित करने के लिए याराना फिल्म 1981 के सांझुए फिल्म को निश्चिंत संदर्भ और बिंदु कहा। जफर ने अपने पात्रों के बीच की दोस्ती को कथानक से जो है विनम्र बनाया है, जहाँ पे वह पात्र एक दूसरे के खिलाफ जो है कुछ भी यानी कि कर सकते थे और गुंडे बनाते समय पूरा विचार दोस्ती का सही एहसास लाना था फिल्म के अंदर। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे गुंडे फिल्म को, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। दोस्तों रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छी रिस्पॉन्स मिली। अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना, आज की इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े काफी अननोन फैक्ट को बता रहे हैं, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी बता रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों इस फिल्म को अगस्त 2012 में रणबीर सिंह की और अर्जुन कपूर को क्रमशः जो है विक्रम और बाला के नायक के रूप में लिया गया था। जफर ने दोनों अभिनेताओं को एक संयुक्त पीस की जहाँ पे उन्होंने कपूर विक्रम की भूमिका निभाएंगे और वहाँ पे सिंह बाला की भूमिका निभाएंगे। विक्रम सुनने के बाद दोनों अभिनेताओं में महसूस किया कि वह अपने अपने पात्रों को निभा सकते हैं फिल्म के अंदर, क्योंकि उन्होंने पात्रों और अपने स्वयं के व्यक्तित्व के बीच जो है समानता की पहचान की है। हालांकि निर्देशन ने भूमिकाओं को एक यानी कि आश्चर्यजनक के रूप में बदल दिया था और विक्रम का हिस्सा सिंह को और बाला को कपूर को दे दिया था। हालांकि वह शुरू में अपनी यानी कि मूल रूप से प्रस्तावित जो है भूमिकाएं निभाना चाहते थे और यह महसूस करते हुए कि उनके संबंधित जो है पात्र उनके आराम क्षेत्रों में थे, बाद में वह विपरीत के साथ जो भूमिकाएं निभाने के लिए सहमत हो गए थे। और प्रियंका चोपड़ा अक्टूबर 2012 में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कलाकारों में शामिल हुई थी। अगले महीने इरफान खान को फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका के लिए चुना गया था। चोपड़ा ने अपने चरित्र नंदिता और कैबरेट डांसर का वर्णन अगले जो है दरवाजे की एक लड़की के रूप में किया, जो कहानी को आगे बढ़ाने और विक्रम और बाला के बीच जो है संघर्ष को यानी कि प्रज्वलित करने के लिए मुख्य यानी कि उत्प्रेरक के रूप में काम करती है। जब वह दोनों उसके प्यार में पड़ जाते हैं, उसने अपने चरित्र के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा वह बहुत धर्मी है और साथ ही श्वेत और साथ ही श्याम में विश्वास करती है, जो मेरे जैसा एक जो है बकवास व्यक्ति है और उसके बारे में यह बेहतर हवा है
भले ही वह एक बहुत ही यानी कि सामान्य लड़की है, और मुझे लगता है कि महिलाओं को अपने आप को उनकी तरह जो है रखना चाहिए। और खान ने खुफिया पुलिस यानी अधिकारियों के अपने जो है चरित्र को जीवन से बड़ा यानी कि जीवन से बड़ा बताया था। और खान के लिए जिन्होंने ज़्यादातर आला और साथ ही नाटकीय फिल्मों में अभिनय किया था, जफर ने अपने चरित्र को बहुत अधिक यानी कि तेज तरह और साथ ही मुख्य धारा बना दिया है। और फिल्म के मुख्य धारा यानी कि पॉपकॉर्न शैली के अनुरूप उनके जो है चरित्र को और साथ ही अत्यधिक जो यानी कि शैलीबद्ध किया गया है। इस फिल्म के लिए रणबीर सिंह ने अपने और कपूर के चरित्र को एक जो है साहसिक रवैये के साथ दो डाकू के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने अभी भाज्य इन पात्रों के बीच की दोस्ती को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में वर्णित किया है। कपूर ने आगे बताया था कि सिंह का चरित्र विक्रम और उनके चरित्र बाला से संतुलन लाती है, और कहते हुए कि वह विक्रम अपने जो है कि परिवेश के बारे में अधिक नियंत्रण है और जागरूकता करते हैं, दूसरी ओर बाला मनमौजी है और पल की गर्मी के कार्य से फिल्म के अंदर अभिनय करते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं गुंडे फिल्म को, जिसे 2014 में रिलीज की गई थी। दोस्तों, ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 2014 की फिल्म है। उसके साथ जो है सदा शिव इन साथ ही रनाडे और गौरव के साथ गिरी हुई है। इन साथ ही रनाडे नामक एक यानी कि अपराधी धारा चलाए जा रहे लोगों के साथ एक यानी कि पब पार्टी को बाधित करता है और उनसे जो है अधिक पैसे की मांग करता है, जबकि वादा ये करता है कि उन्होंने उनकी अवैध इन गतिविधियों को जारी रखने देंगे। तो दुर्वा सहमत हो जाते हैं, जिससे जो है सिम्बा का उपयोग वमन राव धारा नामक एक यानी कि बूढ़े व्यक्ति की भूमिका को मुक्त करने के लिए किया जाता है, जिसे सिम्बा धारा इन साथी जो है कि कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसी बीच सिम्बा कई जो है महिलाओं और साथ ही लड़कियों के साथ मात्रा और बहन के बंधनों के साथ विकसित करते हैं, जिनमें से एक आद कृष्टि देवी होती है, जो एक युवा महिला है जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है। और साथ ही आकृति ने सदा के साथ और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग का कारोबार करने और उनके बच्चों को पकड़ लेने के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज की थी। दुर्वा धारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू में इस पर जो है ध्यान नहीं देता है, और इसी बीच जो है शगुन को उससे प्यार हो जाता है। इसी बीच आकृति को क्लब में ड्रग यानी कि रैकेट के बारे में पता चल जाता है, और एक रात छोटू के साथ वहां जाती है, जो एक मूक लड़का है जो उसका छात्र है। वह पुलिस को सबूत दिखाने के लिए अपने यानी कि सेल फोन से वहाँ की कुछ तस्वीरें और वीडियो टेप करती है, लेकिन सदा और गिरी धारा पकड़ लिया जाता है। छोटू चतुराई से सदा और गिरी को आकृति पर हमला करते हुए रिकॉर्ड कर लेते हैं, और दोनों को पता चलने पर वो यहाँ से भाग निकलते हैं। बता दें दोस्तों, फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। पहले तो आपको कॉमेडी सीन देखने को मिलेंगे, और इस फिल्म में रणबीर सिंह की जो करेक्टर रखी गई है वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के रखा गया था, क्योंकि फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी तरह से लिखी गई थी और फिल्म के डायरेक्टर ने भी फिल्म को बहुत ही अच्छी तरह से डायरेक्ट किया है। बता दें दोस्तों, मूवी 2018 की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आकृति के साथ सदा और गिरी के साथ बेरहमी से बलात्कार किया जाता है। छोटू आकृति की दोस्त काव्या को आकृति के खतरे में होने के बारे में बताने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दुर्वा की गुंडों द्वारा काव्या का पीछा करते हुए आकृति की साथी गुमशुदगा की शिकायत दर्ज करने के लिए सिम्बा जाते हैं। यहाँ पर आकृति अस्पताल में घायल हो गई थी। सिम्बा उससे बात करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह मर जाती है, जिससे वह तबाह हो जाता है। पुलिस आकृति का फ़ोन और उसके द्वारा शूट किए गए वीडियो को बरामद कर लेते हैं, और दुर्वा अपने गुंडों को सिम्बा से फ़ोन लेने के लिए भेजते हैं, जो वहां पे मौजूद इंसान अपने तरीके सुधारते हैं और उन सभी से लड़ता है। सिम्बा अंत में अपनी जो है पुलिस की वर्दी पहनता है, और बता दें दोस्तों, उसमें इसी यानी कि बदलाव को देख कर मोहिले आखिरकार उसे सलाम करता है, क्योंकि वह और गिरी को गिरफ्तार कर लेते हैं, और वह जो है यानी कि बोमान राव से माफ़ी मांगते हैं और यह स्वीकार करते हुए कि वह नायक बन गया है, क्योंकि वह उसके पास नहीं है और गलत के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए पिता नहीं थे, और उससे ठगी गई ज़मीन लौटा देता है। कोर्ट में आकृति का वीडियो डिलीट होते हुए सिम्बा हैरान रह जाता है, और वह दुर्वा के दोस्त यानी कि पार्षद
दुर्वा के दोस्त से मिलता है जो परफेक्ट डेविड कैमरे की पिटाई करते हैं जिसने जो है अदालत में झूठा बयान दिया था। इसके कारण उसे निलंबित कर दिया जाता है और आदेश दिए जाते हैं। आदेश दिए जाने से पहले सदा और गिरी को मारने का फैसला किया जाता है और इसे एक जो है मुठभेड़ के रूप में दिखाने की योजना बनाई जाती है। वह दोनों को गोली मार दिया जाता है और ये दिखाया जाता है कि जैसे उसने आत्मरक्षा के कार्य में उन्हें मार डाला था। सिम्बा के यानी कि एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाली राज्य की ओर से एक जो यानी कि एसआईटी कमेटी का गठन किया गया है और स्थिति में स्पष्ट यानी कि हासिल करने के उद्देश्य से विनायक और साथी आकृति के मामलों को संभालने के लिए एक यानी कि तटस्थ और अधिकारी की और साथी नियुक्ति करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें सिम्बा की एन साथी विवादास्पद मुठभेड़ भी होते हैं। क्रोधित होकर दुर्वा और उसके गुंडों ने सिम्बा को पकड़ लिया था। अचानक जो है डीसीपी बाजीराव सिंघम के उनके बचाव में आते हैं और उन दोनों ने दुर्वा और उनके आदमियों की पिटाई कर दिया जाता है। सिंघम सिम्बा को यह बतलाता है कि अपने मामलों को संभालने के लिए राज्य जो है कि समिति द्वारा नियुक्त जो है कि तथा स्टेट अधिकारी है और यह बयान दिया जाता है कि सिम्बा ने आत्मरक्षा के कार्य में सदाशिव और साथी गौरव को मार डाला था। वधुरवा की मां भारती और पत्नी वर्षा को भी बुलाता है जो कि प्रत्येक कहते हैं कि यह यानी कि सदाशिव है और गौरव थे जिन्होंने आकृति के साथ बलात्कार किया था और भाइयों ने इसी यानी कि ड्रग रैकेट को चलाते हैं और कई अन्य अपराधियों के साथ गतिविधियों को चलाया था और अपराधियों को परिणाम स्वरूप जो है दुर्वा को अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई थी। कठोर कार्रवाई की सजा सुनाई है और सिंघम ने खुलासा किया था कि उसने अपने भ्रष्ट कार्यों के खिलाफ होने के बावजूद जो है सिम्बा की मदद की ताकि वह उन पुरुषों के मन में कानून का डर पैदा कर सके जो कि वहाँ पर महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानते हैं। जैसे ही सिंघम जो है यानी कि मीरामार पुलिस स्टेशन छोड़ता है वह जो है डीसीपी वीर सूर्यवंशी से बात करना शुरू कर देता है। सिंघम ने उन्हें साथी आतंकवाद विरोधी दस्ते के प्रमुख के रूप में उनके नए पद पर जो है बधाई दी और सूर्यवंशी ने उन्हें बताया कि वह जल्द ही उनसे मिलेंगे। बता दें दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार रणबीर सिंह की करियर के सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है सिम्बा। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। बता दें दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिम्बा फिल्म के बारे में और इस मूवी से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं, तो फ्रेंड वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये आप लोग को पता है। दोस्तों सिम्बा मूवी की शूटिंग के टाइम में ये तेलुगु भाषा की फिल्म टेम्पर मूवी 2015 की रीमेक बनाई गई है। सेटी ने कहा था कि हम टेम्पर से 4-5 दृश्य लेना चाहते थे लेकिन सोचा था कि अधिक आरजुए खरीदना बेहतर होगा। फिल्म का अनुमानित जो है उत्पादन बजट जो है 80 करोड़ बतलाया गया है जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 10 मिलियन यूएसए में फिल्म को बनाया गया था और सिम्बा फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई थी और ये मूवी मुख्य रूप से गोवा और साथ ही कोल्हापुर में फिल्माया गया था और हैदराबाद में कुछ जो है फिल्मांकन और मुंबई में महबूब स्टूडियो में अतिरिक्त जो है दृश्यों को फिल्माया गया था। साथ ही साथ 29 जून 2018 को चालक दल ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में सिम्बा मूवी के लिए आला रे आला सिम्बा आला गीत को फिल्माया था और इंस्टाग्राम पर रणबीर सिंह ने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को नोट किया और कहा था कि ये उनके करियर का सबसे बड़ा गाना है। दोस्तों खान की पहली फिल्म यानी कि केदारनाथ के निर्माण के यानी कि आसपास के कानूनी मुद्दों के हवाले सिम्बा फिल्म के लिए उत्पादन में और साथ ही हस्तक्षेप किया गया था और साथ ही साथ खान जो है लगभग एक ही यानी कि समय में दोनों फिल्मों की शूटिंग करने वाले थे और साथ ही मुकदमे में सारा अली खान को फिल्म में लिया गया था और केदारनाथ फिल्म के निर्माण को बंद कर दिया गया और सारा अली खान ने सिम्बा पर काम करने के लिए समय आवंटित कर दिया था जो कि 18 और साथ ही केदारनाथ के निर्देशक जो यानी कि अभिषेक कपूर ने खान पर मुकदमा दायर किया था कि क्योंकि उनकी फिल्म में देरी होगी और यह अब खान की शुरुआत नहीं होगी। जब जो है खान ने दोनों फिल्मों के बीच जो है अपना समय बांटने के लिए सहमति व्यक्त की थी तो दोनों अदालत से बाहर हो गए थे। अक्टूबर 2018 में मुख्य अभिनेता रणबीर सिंह और खान की फिल्म के लिए एक गाने की सीक्वेंस
फिलीपींस को फिल्माने के लिए स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुए थे और अक्टूबर के अंत तक जो है दल यानी कि एक दूसरे के गीत आंख मारी को फिल्माने के लिए मुंबई लौट आए थे, जो 90 के दशक के एक जो है क्लासिक गीत रीमेक गाना था। क्योंकि रणबीर सिंह की शादी नवंबर 2018 में होनी थी, जो सिटी ने शादी की तारीख से पहले ज़्यादातर प्रमुख दृश्यों की शूटिंग की थी और शादी के बाद केवल अंतिम दृश्यों को फिल्माया था, जहाँ पे गोवा में एक जो है ढाबा लड़ाई के दृश्य के पैच के साथ जो है वर्क को पूरा करने के लिए रणबीर सिंह के एक जो है डबल का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि विभिन्न कैमरा कोनों का उपयोग किया गया था ताकि उनके साथ जो है डबल सिंह के समान हो। और दिसंबर 2018 की शुरुआत में फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू कर दी गई थी। दोस्तों, ये फिल्म 27 दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोगी परिषद के देशों में सिम्बा जारी किया गया था। साथ ही साथ इसे भारत और अन्य देशों में 28 दिसंबर को जारी किया गया था। इसे भारत में 4,220 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और विदेशों में 963 स्क्रीन पर दिखाया गया था और विश्वव्यापी स्क्रीन के लिए कुल जो है 4,983 स्क्रीन मिले थे। 6 जून 2018 को निर्माताओं ने अभिनेता सिंह और खान जो है निर्देशक के साथ शेट्टी और निर्माता जौहर की एक स्क्रीन के साथ जो है वीडियो के साथ प्रमुख फोटोग्राफी की शुरुआत की गई थी। 6 दिसंबर 2018 को फिल्म का पहला गाना आंख मारे शीर्षक से जारी किया गया था, जो साल 1986 की हिट गाने में तेरे मेरे के साथ जो है यानी कि सपने के मूल गीत का रीमेक बनाया गया था। इसी के साथ कुमार शानू जिन्होंने कविता कृष्णमूर्ति के साथ मूल भी गाया था, जो कि मीका सिंह और नेहा कक्कड़ ने इस गाने को गाया है, और अभिनेता अरशद वारसी जिनकी जो है फिल्म और गीत की जो है इनकी शुरुआत मूल के साथ ही सिम्बा रीमेक के लिए वीडियो में फिर से जो है दिखाई दिए थे। साथ ही साथ निर्देशक जो है रोहित शेट्टी की एक और फिल्म के कई जो अभिनेताओं के साथ गोलमाल एन साथी कुणाल खेमूधारा सुरेश तलपरे और तुषार कपूर की रीमेक मूवी के लिए रिलीज की गई थी। रिलीज की तारीख को विशेष रूप से मूल 22 साल पहले जो है दिसंबर 1996 के रिलीज की तारीख के साथ जो है खाने के लिए चुना गया था। साथ ही साथ आपको बता दें, खलीज टाइम की अंबिका सिंह ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए थे और संक्षेप में कहा था, अगर आप साल के अंत में एक पूरी तरह से मसाला फिल्म यानी कि देखना चाहते हैं, पैसा वसूल फिल्म की तलाश में है, तो हम आपको सिम्बा मूवी देखने की सलाह देते हैं। बता दें दोस्तों, मेलो ड्रामेटिक मूवी और ओवर द टॉप फिल्म जो है निश्चित रूप से आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी। जो बॉलीवुड हंगामा के तरुण आदर्श ने इसे 5 में से 4 सितारों के साथ विजेता घोषित करते हुए लिखा है, रोहित शेट्टी ने टेम्पर फिल्म से सार के साथ जो उधार लिया था, लेकिन उसी फिल्म के बड़े हिस्से को संशोधित करता है और अंततः स्क्रीन पर जो कि सामने आते हैं तो वह बहुत अलग दिखते हैं। एक में सकारात्मक तरीका था, जो कि बिजनेस टुडे की और साथी अनवेशा इन साथी उनके साथ जो मधु काल्या ने लिखा, यह वास्तव में युवा स्टार के प्रशंसकों की खुशी का समय है, क्योंकि सिम्बा फिल्म ने रणबीर सिंह के बड़े लीग के आने की घोषणा किया है। बता दें दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार रणबीर सिंह की करियर के सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है सिम्बा। तो दोस्तों, ये फिल्म कौन सी और आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को दे रहे हैं। बता दें दोस्तों, इसी के साथ फिल्म को द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लेखन रौनक कोटेचा ने इसे 5 में से 3.5 सितारों का दर्जा दिया और फिल्म को एक जो है यानी कि पोर्टबोरल के रूप में कहा था, इसकी आप उम्मीद करते हैं जहां पे अच्छा निश्चित रूप से बुरे से अधिक है। दोस्तों बता दें, इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के और साथ ही सुपर्नो सरकार ने भी इसे 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, सिम्बा फिल्म एक पूर्ण मसाला मूवी है, एंटरटेनर फिल्म है जो कि अच्छे संवादों के साथ जो यानी कि हास्य दिल को छू लेने वाली इन साथी भावनाओं को और उच्च यानी कि उनके साथ ओक टेन के साथ एक्शन फिल्म से भारी हुई है। बता दें दोस्तों, इस फिल्म में तर्क का अभाव रखा गया है जो विभिन्न स्तरों पर, लेकिन जो है मनोरंजन करना कभी भी बंद नहीं करता है। द इकोनॉमिक्स के लिए टाइम्स के एक आलोचक ने कहा था, सहमति व्यक्त किया था कि इसे 5 में से 3.5 सितारों की रेटिंग दी थी, लेकिन महसूस किया था कि वह फिल्म दूसरे भाग में एक यानी कि उपेय दशक मूवी थी जो मोड लेते हैं और कथा का अनुमान लगाया जाता है। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लेखन राजा सेन ने फिल्म को 5 में से 3 सितारों का दर्जा दिया था और ये मूल्यांकन किया था और ये लिखते हुए कि ये मूवी खड़ा फिल्म है और सिम्बा मूवी ने केवल सिंघम फिल्म से आगे है और बल्कि जो है दबंग से कहीं बेहतर फिल्म है, जो कि शैली को और साथ ही परिभाषित करने वाली ब्लॉकबस्टर मूवी है।
उन्होंने इसी भूमिका में लाई गई यानी कि ऊर्जा के लिए रणबीर सिंह की सराहना की थी, लेकिन पाया कि इस फिल्म के लिए सारा अली खान अपनी भूमिका से प्रतिस्पर्धा थी और न्यूज़ 18 के राजीव मंसद ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया था और पहली छमाई को एक जो छिटपुट रूप से मनोरंजन कॉमेडी के रूप में पाया था, लेकिन बता दें दोस्तों दूसरी छमाही में दूसरी यानी कि छमाई को कम कर दिया था और आनंदमय पाया था। फिल्म वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन अब यानी कि तारे का अब उनके साथ जो यानी कि तारे का पुनर्जन्म होते हैं और जो मिंट के उद्देश्य और साथी भाटिया ने मनसद के साथ जो सहमति व्यक्त की थी, लेकिन सिंह को एक यानी कि अंतर्निहित और साथी मिठास के साथ जो चरित्र के ऐसा कार्डबोर्ड निर्माण को निभाने के लिए श्रेय दिया गया था जो इसे अजय देवगन के सिंघम की एनसाती विनोदी उनके साथ जो है कि मर्दानगी की तुलना में अधिक जो है कि कार्यकर्ता बनाए गए थे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिम्बा मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों रिलीज होने के बाद बॉलीवुड हंगामा पर पड़ते उस फिल्म के और शुरुआती हफ्ता के लिए बॉक्स ऑफिस पे संग्रह के आंकड़े के काफ़ी अच्छे तरह से देखे गए थे। पहले दिन इसने भारत में 20.72 करोड़ की कमाई की थी, जिसने इसे 2018 तक रणबीर सिंह की सबसे ज़्यादा ओपनिंग वाली फिल्म बन गया था और दूसरे दिन के बारे में हम बात करते हैं फिल्म ने 23.33 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और तीसरे दिन की कलेक्शन के बारे में हम बात तो 31.6 करोड़ का शुद्ध संग्रह किया था। कुल मिला के पहले हफ्ता का शुद्ध कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो 75.11 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली थी और शुरुआती हफ्ता में आखिर जो है अखिल भारतीय संग्रह फिल्म 150 करोड़ से अधिक की कमाई कर लिया था। अपने दूसरे हफ्ता में 8वें दिन घरेलू संग्रह पे 9.2 करोड़ से अधिक की कमाई किया था, जो 9वें दिन के कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो 13.32 करोड़ से अधिक की कमाई कर लिया था। तो दोस्तों ये मूवी दुनिया भर में आखिरकार 400 करोड़ से अधिक की कमाई किया है और ये फिल्म साल 2018 की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सिम्बा फिल्म को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वर्मा ने लिखे थे, साथ ही साथ मूवी के साउंड ट्रैक में 1996 के 2 गीत का रिमेक रखा गया था। आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने और साथ ही उनके साथ जो नुसरत फतेह अली खानदारा कव्वाल गीत तेरे बिन इस मूवी में रखे गए थे। साथ ही साथ 27 दिसंबर 2018 को गल्फ एनसाथी उनके साथ जो को ऑपरेशन के साथ जो है काउंसिलिंग के देशों में सिम्बा फिल्म को रिलीज किया गया था, जबकि फिल्म को अगले दिन भारत और अन्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज किया गया था। इसे जो है रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था, जहाँ पे फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थी, लेकिन फिल्म 2018 तक हिंद से रणबीर सिंह की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ओपनिंग फिल्म बन गई थी और दुनिया भर में लगभग जो है 400 करोड़ की कमाई की थी। बाद में इसे जो ऑस्ट्रेलिया में और साथ ही टेल्स स्टार के साथ जो है पीपल च्वाइस में इस मूवी को रखा गया था। चलिए दोस्तों आप एनालिसिस कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी को। तो दोस्तों सिम्बा फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है सिम्बा भालेराव शिवगढ़ का एक वीर अनाथ बच्चा है, वहीं पे शहर में जहाँ पे बाजीराव सिंघम का पालन पोषण हुआ था, जहाँ पे वह देखभाल करता है और उसे कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसा कमाते हैं, खुद को पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल हो जाते हैं इस मिशन पे। कुछ स्थानीय चोरों के साथ और एक जो है जौहरी से रिश्वत लेते हुए सिम्बा एक बरस पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेता है और उसका पूरा फायदा उठाता है अपने पुलिस होने का। वहीं पे बता दें दोस्तों एक तरह सिम्बा को जल्दी जो है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा जो है गोवा के औसाती मीरा राम पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहाँ पे वह शगुन साठे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है। वह अपने साथी पुलिस कर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर जो यानी कि नित्यानंद मोहिले है, जो एक जो है यानी कि ईमानदार कॉन्स्टेबल इंसान है, सिम्बा को सलाम करने से हिचक जाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाले को कभी भी सलाम करना पसंद नहीं करता है। बता दें दोस्तों अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह साथी दुरिया और साथी यशवंत रानाडे के भाइयों के साथ जो यानी कि सदाशिव सदा रानाडे और गौरव के साथ जो है गिरी हुई नराडे के नामक एक जो है भ्रष्ट के साथ प्रभावशाली गैंगस्टर द्वारा संचालित किए गए एक पब जो है पार्टी में बाधा डालता है, जहाँ पे उसने जो है अधिक पैसे की मांग कर लेता है, जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा और उनकी अवैध जो है गतिविधियों को चलाने देगा। साथ ही साथ दुर्वा जो है सहमत हो जाता है इस बात से और सिम्बा का उपयोग जो है यानी कि बामन राव नाम के एक जो है यानी कि बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है।
जिसे जो है सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसी बीच सिम्बा कई जो है महिलाओं और साथी लड़कियों के साथ जो है मात्रा और साथी बहन के बंधन को विकसित करता है, जिसमें से एक जो है इनके आकर्षित के साथ जो है दबे होती है, जो एक युवा महिला है जो सिम्बा को अपने जो है शिक्षक की याद दिलाती है। और साथ ही आकृति ने सदा और गिर के खिलाफ जो है अपने पब में अवैध जो है ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पेट्रोल के रूप में जो है इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज की, जहाँ पे दुर्वा धारा शांत किए जाने के बाद जो है सिम्बा शुरू में इस पर जो है ध्यान नहीं देती है और इसी बीच जो है शगुन को उससे प्यार हो जाता है। दोस्तों शगुन के प्यार के लिए अपने आप को बाजीराव बदलने की पूरी कोशिश करता है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको ये रिव्यू पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स इस कलेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों उसके बाद इसी बीच जो है आकृति को क्लब में ड्रग जो है रैकेट के बारे में पता चल जाता है और वह एक रात जो है यानी कि छोटू के साथ वहां जाती है। जो एक मूक लड़का है जो उसका छात्रा है, वहीं पे पुलिस को सबूत दिखाने के लिए अपने सेल फोन से वहां सब कुछ जो है वीडियो टेप कर लेती है, लेकिन सदा और गिरिधारा पकड़ लिया जाता है। छोटू के साथ जो है चतुराई से सदा और गिरी को आकृति पर हमला करते हुए रिकॉर्ड कर लेता है और दोनों को पता चलने पर वह वहां से भाग निकलते हैं। आकृति को सदा और साथी गिरी ने बेरहमी से मार डाला। जो छोटू आकृति के साथी दोस्त जो है यानी कि काव्य को आकृति के खतरे में होने के बारे में बताने की पूरी कोशिश करता है। दुर्वा के गुंडों द्वारा जो है पीछा किए जाने के दौरान जो है यानी कि काव्य आकृति की गुंजाइश देती है, जहाँ पे शिकायत जो है दर्ज कराने के लिए सिम्बा वहाँ पे चला जाता है। आकृति जो है कि अस्पताल में घायल पाई गई है, जहाँ पे सिम्बा सबसे उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वह मर जाती है, जिससे वह तबाह हो जाता है। और पुलिस जो है आकृति का फ़ोन आता है और उसके द्वारा शूट किए गए वीडियो को बरामद कर लिया जाता है और दुर्वा अपने जो है गुंडों को सिम्बा से फ़ोन लेने के लिए भेजते हैं, जो कि मौजूद है, अपने जो है तरीके के साथ जो है सुधार लेता है और वहीं से वह सभी से लड़ना स्टार्ट कर देता है। सिम्बा अंत में अपनी जो है पुलिस की वर्दी पहनता है और उसमें इसी बदलाव को देखकर मोहिले आखिरकार उसे सलाम करता है, क्योंकि वह सदा और गिरी को गिरफ्तार कर लेते हैं। वह जो है बामन राव से माफ़ी मांगता है और उसे जो है यानी कि ठगी गई ज़मीन लौटा देता है। साथ ही साथ बता दोस्तों कोर्ट में जो है आकृति का वीडियो डिलीट होते दिखाया गया और सिम्बा हैरान रह जाता है कि वह दुर्वा के दो जो है इनकी पार्षद के साथ डेविड कैमरामैन की पिटाई करता है, जिसने जो है अदालत में झूठा बयान दिया था, जिसके कारण उसे जो है निलंबित के आदेश दिए गए थे। वह जाने से पहले सदा और गिरी को मारने का फैसला करता है और इसे जो है एक यानी कि मुठभेड़ के रूप में दिखाने की योजना बना रहा होता है। वहीं पे उन दोनों को गोली मार दी जाती है, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि जैसे उसने जो है आत्मरक्षा के कार्य में उन्हें मार डाला था। सिम्बा के यानी कि एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाली जो है राज्य की ओर से एक जो है कि एसआईटी कमेटी का गठन किया जाता है, जहाँ पे स्थिति में स्पष्ट प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है यानी कि विनायक आकृति के मामले को संभालने के लिए एक जो है कि तटस्थ के साझे अधिकारी की नियुक्त जो है करता है, जहाँ पे साथ ही साथ सिम्बा की विवाह दफा इन मुठभेड़ में शामिल किया जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद क्रोधित होकर दुर्वा उसके जो है गुंडों ने सिम्बा पर कब्जा कर लिया, जहां पे अचानक जो है डीसीपी बाजीराव सिंघम उसे बचाने पहुंच जाते हैं। दोनों ने दुर्वा और उसके जो है आदमियों की पिटाई कर दी। सिंघम सिम्बा को बताते हैं कि वो अपने मामलों को संभालने के लिए राज्य समिति द्वारा नियुक्त जो है तटस्थ के साथ अधिकारी है। वह बयान देते हैं कि सिम्बा ने आत्मरक्षा के कार्य में सदा शिव के साथ और साथी गौरव को मार डाला था। वह दुर्वा की मां जो है भारतीय और साथी पत्नी वर्षा को भी बुलाता है, जो कि प्रत्येक कहते हैं कि यह सदा है और गौरी के साथ जो है गिरी हुई थी, जहां पे जिन्होंने आकृति पर हमला किया था और भाइयों ने एक जो है ड्रग रैकेट और कई जो अन्य अवैध जो है गतिविधियों को चलाता था। इन्हीं अपराधों के खिलाफ जो है यानी कि फ्लैशटॉक के साफ जो है रुपया के साफ इंसाफी न्यायालय में धारा 7 वर्ष के कठोर जो है इनकी कारावास की सजा सुनाई जाती है। सिंघम ने खुलासा किया कि उसने अपने भ्रष्ट कार्यों के खिलाफ होने के बावजूद जो है सिम्बा की मदद की।
ताकि वह उन यानी कि पुरुषों के मन में कानून का डर पैदा कर सके जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। जब सिंघम जो है मीरा मार पुलिस स्टेशन से निकलता है तो वह DCP बी सूर्यवंशी के सूर्यवंशी से फ़ोन पर बात करता है और साथ ही ATS के साझे प्रमुख के रूप में उनके नए पद पर उन्हें जो है बधाई भी देता है, जहाँ पे सूर्यवंशी उससे कहते हैं कि वह जल्द ही उससे मिलेंगे। बता दें दोस्तों, ये तेलुगु भाषा की फिल्म टेम्पर मूवी 2015 की रीमेक मूवी बनाई गई थी, जहाँ पे शेट्टी ने कहा था कि हम टेम्पर से 4-5 दृश्यों को लेना चाहते थे लेकिन सोचा कि अधिकार जो है खरीदना बेहतर होगा। फिल्म का अनुमानित जो है उत्पादन बजट 80 करोड़ रखे गए थे जो यूएसए में कन्वर्ट कर दिया तो 10 मिलियन के बजट पे इस फिल्म को बनाया गया था। सिम्बा मूवी के लिए प्रदान फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई। ये मुख्य रूप से गोवा और साथ ही कोल्हापुर में फिल्माया गया था। हैदराबाद में कुछ जो है फिल्मांकन और मुंबई के महबूब स्टूडियो में अतिरिक्त जो है दृश्यों को फिल्माया गया था जो 29 जून 2018 को चलक दल ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में सिम्बा मूवी के लिए आला रे सिम्बा आला गीत को फिल्माया गया था, जहां पे इंस्टाग्राम पर सिंह ने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को नोट किया था और कहा था कि उनके करियर का सबसे बड़ा गाना था। बता दें दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सिम्बा फिल्म को, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ इस मूवी से जुड़े अननोन फैक्ट को भी बता रहे हैं और मूवी की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग सिम्बा फिल्म को देख चुके हो तो आप इस मूवी को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हैं, प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खान की पहली फिल्म के बाद जो है केदारनाथ के निर्माण के आसपास के कानूनी मुद्दों ने सिम्बा मूवी के उत्पादन में हस्तक्षेप किया था, जहां पे सारा अली खान लगभग जो है एक ही समय में दो फिल्मों की शूटिंग करने वाली एक अभिनेत्री इंसाफी मुकदमे के और साथ ही केदारनाथ मूवी के निर्माण को बंद कर दिया और खान ने सिम्बा पर काम करने के लिए समय अवंति किया। साथ ही साथ आपको बता दें, केदारनाथ के निर्देशक जो है अभिषेक कपूर ने खान पर जो है मुकदमा दायर किया क्योंकि उनकी फिल्म में देरी होगी और यह अब जो है खान की शुरुआत नहीं होगी। जब खान ने दोनों फिल्मों के बीच जो है अपना जो है समय बांटने के लिए सहमति व्यक्त की तो दोनों ही अदालत से बाहर हो गए। अक्टूबर 2018 में मुख्य अभिनेता सिंह और साथ ही खान जो है फिल्म के लिए एक गाने के साथ जो है सीक्वेंस को फिल्माने के लिए स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुए थे, जहाँ पे अक्टूबर के अंत तक जो है दल एक दूसरे गीत के साझो आँख मारे के शूटिंग के लिए मुंबई लौट आए थे, जो 90 के दशक के एक जो है क्लासिक गीत का रिमेक बनाया गया था। क्योंकि सिंह की शादी नवंबर 2018 में होगी, वहीं पे सेट्टी ने शादी की तारीख से पहले ही ज़्यादातर प्रमुख दृश्यों की शूटिंग की थी। यहाँ पे शादी के बाद जो है केवल अंतिम जो है सीक्वेंस फिल्माने के लिए बचाया गया था। सिंह के लिए एक जो है डबल का इस्तेमाल गोवा में एक जो है ढाबा के साथ जो है फाइट सीन के पैच वर्क को पूरा करने के लिए किया गया था, क्योंकि विभिन्न कैमरा और साथ ही कोनों का उपयोग किया गया था ताकि उनके साथ जो है डबल सिंह के सामने हो और दिसंबर 2018 की शुरुआत में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। इसी तरह बता दें दोस्तों, सिम्बा फिल्म को 27 दिसंबर 2018 को खालिज सहयोग जो है परिषदत के देशों में जारी किया गया था। इसे भारत और अन्य देशों में 28 दिसंबर को जारी किया गया था। इसे भारत में 4020 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था और वहीं पे विदेशों में फिल्म को 963 स्क्रीन पर दिखाया गया था। विश्वव्यापी के स्क्रीन के लिए कुल मिला के 4983 स्क्रीन पूरे हुए थे, जहाँ पे 6 जून 2018 को निर्माता ने अभिनेता सिंह और खान के साथ जो है निर्देशक शेट्टी और निर्माता जौहर की एक स्किट के साथ जो वीडियो के साथ मुख्य फोटोग्राफी शुरू की थी। वहीं पे 6 दिसंबर 2018 को फिल्म का पहला गाना आँख मारे शीर्षक से जारी किया गया था, जो 1996 की हिट फिल्म तेरे मेरे सपने के मूल गीत का रिमेक बनाया गया था। इसे कुमार सानू ने गाया था, जिन्होंने कविता कृष्णामूर्ति के साथ मूल भी गाया था और मीका सिंह के साथ जो है नेहा कक्कड़ ने इस गाने को दोबारा गाया और अभिनेता जो है अर्शद वारसी, जिनकी जो है फिल्म और गीत की जो है शुरुआत मूल के साथ थी सिम्बा मूवी के रीमेक के लिए भी। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम बात कर लेते हैं सिम्बा मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसे दोस्तों मैंने आप लोग को बताया, सिम्बा फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि यूट्यूब पर इस फिल्म को किसी भी कंपनी ने अपलोड नहीं किया है। बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो रोहित शेट्टी सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया है और फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो हीरो यश चौहान, रोहित शेट्टी एंड अपूर्वा मेहता ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। और वहीं पे बात करें फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में रणबीर सिंह, सोनू सूद, एंसा अली खान फिल्म में सहायक भूमिकाओं में नजर आई हुई है। और बात करें फिल्म की रिलीज डेट के बारे में तो मूवी को 27 दिसंबर 2018 को रिलीज किया गया था। और वहीं पर बात करें मूवी की बजट के बारे में तो 80 करोड़ के बजट में फिल्म को बनाया गया था और फिल्म ने दुनिया भर में 400 करोड़ से अधिक की कमाई किया है। तो दोस्तों, साल 2018
2018 की सिम्बा मूवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर के दर्जे में रखा गया है। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।